व्यापक में है संपर्क इकाइयां हैं और उसमें डूबी भीगी घिरी हैं और डूबे भीगे घिरे रहने से उनको ऊर्जा प्राप्त है और प्रेरणा प्राप्त है जिससे विकास क्रम विकास और जागृति क्रम जागृति है तो हम यह देख चुके हैं कि किसी धरती पर जब ये विकास कम विकास और जागृति कम जागृति घटती है तो उसमें पदार्थ अवस्था प्राण अवस्था और जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था के रूप में प्रकट होती है इसको हमने सृष्टि दर्शन में देखा और उसके साथ हमने मानव सहज जब मानव घट गया है मानव थोड़ा कनेक्शन का इशू हो सकता है तो वो सब मुझे लगता है सधीरता का परिचय देंगे ही तो अब हम यहाँ पहुंचे कि जो मानव है उसका जो भी प्रयोजन है उसका जो भी प्रयास है वो विश्राम के लिए है तो इसीलिए ये लाइन कही है कि अशेष मानव विश्राम की आशा एवं प्रतीक्षा में तो मैं जो पुस्तक है उसकी एक एक लाइन पढ़ूंगा और मेरी ऐसी अपेक्षा है कि आप सभी उस लाइन को पढ़ रहे होंगे मेरे पास कंप्यूटर है कंप्यूटर में किताब है मैं उसमें देख के इसको पढ़ूंगा और जैसा मुझको समझ में आया है उसको आपके साथ भी साझा करूंगा अशेष मानव यानी कि पृथ्वी पर कोई भी मानव शेष नहीं है जो विश्राम प्रतीक्षा में ना हो दूसरे शब्दों में कहें तो सभी मानव विश्राम की आशा और प्रतीक्षा में है यह अलग बात हो सकती है कि सबने विश्राम का अपना अपना डिजाइन बनाया हुआ है जैसे अगर किसी पढ़ते स्कूल जाते हुए बच्चे को पूछेंगे तो कि एक बार बोर्ड के एग्जाम हो जाए हाई स्कूल के हो जाए इंटर के हो जाए फिर कॉलेज की पढ़ाई हो जाए और अगर अच्छी नौकरी मिल जाए तो मैं विश्राम की स्थिति को प्राप्त कर लूंगा वो तो नौकरी मिलने के बाद ही पता चलता है कि विश्राम की स्थिति बढ़ती है या और ज्यादा श्रम बढ़ जाता है अगर किसी एक साधारण मानव से पूछेंगे तो वो ऐसा सोचता है कि अच्छा सा रिटायरमेंट फंड हो जाए रिटायर होते होते बैंक बैलेंस बन बन जाए, घर बन जाए। घर अगर बेटा है तो उसको भी नौकरी मिल जाए और उसको एक अच्छी सी बहू मिल जाए बिटिया है तो उसका अच्छा सा घर या घर मिल जाए तो फिर मैं विश्राम की स्थिति चैन की जिंदगी जीऊंगा सर्वे करने से निरीक्षण परीक्षण सर्वेक्षण से पता चलता है कि वो भी कितना चैन में जी पाते हैं या विश्राम को पाते हैं वो उसके बाद ही पता चलता है एक बहू सोच सकती है कि बेटा है एक साथ सोच सकती है कि एक बेटा है उसको अच्छी सी बहू घर में आ जाए तो मैं तो बस विश्राम को प्राप्त हो जाऊंगी वो तो जब बहु आती है तभी पता चलता है कि कितना विश्राम मिलता है या और श्रम बढ़ जाता है तो इस तरह से हम निरीक्षण परीक्षण सर्वेक्षण करके पता लगा सकते हैं विश्राम की आशा और प्रतीक्षा तो सभी में है पर प्राप्त कितने को होते हैं क्योंकि तो उन्होंने जो डिजाइन बनाया हुआ है वास्तव में विश्राम नहीं है इस समस्या को सुलझाते हुए आदरणीय नागराज जी कहते हैं कि समाधान की ओर विश्राम का तथा समस्या की ओर श्रम का अनुभव है यहां पर अनुभव शब्द थोड़ा सा सामान्य रूप में लिया है जब हम साक्षात्कार और बोध अनुभव की बात करते हैं उस तरह का अनुभव शब्द को नहीं लिया है हम अपने में अपनी स्थिति को जिस तरह से पहचानते हैं उसी के लिए अनुभव शब्द का प्रयोग किया है तो ये कह रहे हैं कि समाधान है तो विश्राम है नहीं तो समस्या ही है और समस्या है तो फिर श्रम का अनुभव ही रहता है तो जिस जिसने जैसी भी स्थितियों को बारे में सोचा हुआ है अगर वो समाधान पूर्ण नहीं है तो विश्राम की स्थिति को प्राप्त नहीं होंगे तो यहाँ पे हम अपना डिजाइन को सोच सकते हैं कि हमने विश्राम का क्या डिजाइन बनाया है परंतु यहां पर जो ध्यान आकर्षण है कहते हैं कि समाधान एवं समस्या मानव के लिए बौद्धिक एवं भौतिक वेद से ही है भौतिकता में समृद्धि ही समाधान अन्यथा समस्या है और बौद्धिकता में अनुभूति ही समाधान अन्यथा समस्या है तो इससे ये निकल के आया कि हमको भौतिकता में समृद्धि का जो समाधान मिलता है तब विश्राम की अनुभूति है और बौद्धिकता में जब हम अनुभूति को प्राप्त होते हैं और समाधान को प्राप्त होते हैं तब हम विश्राम की स्थिति को प्राप्त करते हैं हमारा डिजाइन वहाँ काम नहीं करता है बौद्धिकता में अनुभूति समाधान अन्यथा समस्या है इसको अगर डिटेल में देखें तो बौद्धिकता में अनुभूति का क्या अर्थ है सहस्तित्व रूपी परम सत्य का अनुभव तथा इसके पक्ष को समाधान और व्यवधान पक्ष को समस्या की संज्ञा है दूसरा अनुभूति तथा समृद्धि दोनों क्रियाएं हैं अनुभव क्रिया पूर्वक जीवन विकसित चेतना स्वरूप में है जबकि समृद्धि के लिए कार्य क्रिया शरीर यात्रा पर्यंत एक आवश्यकता है शरीर यात्रा के समापन के साथ ही इसकी आवश्यकता भी समाप्त होती है इसलिए यह सामिक है इस प्रकार अनुभव सहज निरंतरता सिद्ध हुई तो भौतिकता यानी समृद्धि का जो अनुभव है वो विश्राम हमारी शरीर यात्रा पर्यंती लेकिन जो निरंतर विश्राम की स्थिति है वो बौद्धिकता में अनुभूति में और सहस्त रूपी अनुभूति में ही विश्राम की निरंतरता है आगे बढ़ते हैं फिर इसी बात को कहते हैं कि सफलता केवल निर्भ्रम अथवा निर्भ्रांत अवस्था में ही है विश्राम हमारा लक्ष्य है तो ये कब सफल होगा जब हम निर्भ्रमता निर्भ्रमता या निर्भ्रांत अवस्था को प्राप्त होंगे क्या कह रहे हैं कौन प्राप्त हो सकता है इसका कोई क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है क्या कोई प्रिरिक है क्या कि भाई कौन लोग निर्भ्रमता को प्राप्त होंगे विश्राम की अपेक्षा तो सभी में है और सभी आशा भी करते हैं तो यहां पर आदरणीय नागराज जी ध्यान दिलाते हैं कि ज्ञान अवस्था के संपूर्ण मानव ही निर्भ्रांत अवस्था के निकटवर्ती हैं जागृति का तात्पर्य सहजतित्व में अनुभूति सहज प्रमाण है जागृत मानव के निकटवर्ती मानव जागृति क्रम में होना पाया जाता है यही भ्रांत मानव है यही पशु मानव मानव है अतः यह सिद्ध होता है कि गृति भ्रमहीनता अथवा निर्भ्रांत स्थिति की उपलब्धि है तो बहुत आरंभ में ही क्लियर कर रहे हैं कि मनुष्य का सारा प्रयोजन विश्राम के लिए है और सबने अपना अपना डिजाइन बना हुआ है तो उसमें तो मिलेगा नहीं वो समाधान की अनुभूति और बौद्धिकता की अनुभूति में ही मिलना है और वो कब सफल होगा जब हम निर्भर प्राप्त होंगे तो इसका क्या क्राइटेरिया है कि कौन प्राप्त होंगे तो वो कह रहे हैं ज्ञान अवस्था के संपूर्ण मानव ही प्राप्त हो सकते हैं किसी विशेष जाति संप्रदाय है ना या राष्ट्र ऐसा नहीं है किसी किसी की इस पे बपोती है या किसी का एक छत्र अधिकार है ज्ञान अवस्था में जितने भी मानव है ज्ञान अवस्था के मानव ये भी बढ़िया बात बताइए कि हम कोई ऐसा माने रहता हो कि भाई हमारा कुत्ता बिल्ली शेर चीता चूहा प्राप्त हो जाएगा ऐसा भी नहीं है परंतु ज्ञान अवस्था में है तो सभी मानव निर्भ्रांत अवस्था के निकटवर्ती हैं का मतलब है कि जो भी मानव है वो निर्धारता को प्राप्त हो सकते हैं कैसे होगी ये उपलब्धि इसका भी तरीका बता रहे हैं अब क्या किया जाए उसके लिए हमने अपना डिजाइन बनाया हुआ है हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं हम भाग दौड़ कर रहे हैं अगर देखें तो जिस भी धरती पर ये चारों अवस्थाएं प्रकट होती है तो मानव भी जब से इस धरती पर प्रकट हुआ है बहुत तो लोग ये अनुमान लगाते रहते हैं कि कितने साल से प्रकट हुआ है एक अनुमान ऐसा लगता है कि मानव और उसके पूर्वज करीब सात सात साल पहले हुए लेकिन मानव जिस हम जिसको होमो से कहते हैं जिसको आज की स्थिति में हम पाते हैं वो करीब दो लाख साल से इस धरती पर हैं और देखिए तब से ही विश्राम की अपेक्षा में हैं और जो भी करते रहे इसमें उन्होंने ऐसा देखा कि दो लाख साल में एक लाख नब्बे साल तो केवल इस बात में लगा दिए कि कैसे इस धरती पे सरवाइव करें कैसे जंगली जानवरों के बीच में जो प्राकृतिक घटनाएं घटती है, रहती हैं आंधी तूफान आग उनके साथ कैसे जिया जाए तो केवल जिंदा रहने का प्रयास किया करीब हजार साल पहले हमने खेती को पता लगाया और खेती को प्राप्त किया उससे जिंदा रहने में कुछ हमने महारत हासिल की उसके बाद हमने भिन्न भिन्न विचारों पे जैसे ही हमने कुछ भौतिकता में आराम पाया तो बौद्धिकता के लिए निकले और बौद्धिकता के लिए अनेक अनेक धर्म अनेक अनेक विचारों का प्रकटन हुआ उसके बाद करीब 500 साल पहले एक वैज्ञानिक विचार के रूप में जिसको हम पहचानते हैं उसका प्रकटन हुआ जो एक सार्वभौमता के रूप में है और उसके साथ अगर हम देखें तो 250 साल पहले करीब इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की और इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ हमने बहुत सारी सुविधा की चीजों को खो निकाला और अब हमारे पास को खोजते खोजते हमने ऐसी भी चीजों को खोज लिया जिससे हम विध्वंस को भी जा सकते हैं परंतु अभी तक विश्राम की जो अपेक्षा है और आशा है वो पूरी नहीं हुई है क्यों नहीं हुई है क्योंकि हमने एक प्रयास और करना है जो आज जो ये मध्यस्थ दर्शन है जो आदरणीय नागराज जी ने जिसकी प्रेरता है जिन्होंने ये अनुसंधान किया है उन्होंने बताया है कि देखिए विश्राम निर्भ्रांत स्थिति को प्राप्त होने से होगा और उसके लिए क्या करना है जो था है, उसको वैसा जानना मानना एवं पहचानना ही निर्भ्रांत स्थिति की उपलब्धि है, अथवा की स्थिति है क्योंकि है का अध्यन है यह करने से ही हम निर्भ्रांत होंगे निर्भ्रांत होंगे तो बौद्धिक समाधान और भौतिक समृद्धि को प्राप्त होंगे उस और सर्वोत्मुखी समाधान को प्राप्त होंगे सर्वोत्मुखी समाधान को प्राप्त होंगे तो हम निश्चित ही विश्राम की स्थिति को प्राप्त होंगे कैसा अध्ययन है जो जैसा है उसको वैसा जानने का क्या तात्पर्य है उसका भी वर्णन कर दिया है कि इस शब्द के द्वारा क्योंकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं वो भाषा के द्वारा कर रहे हैं कि शब्द द्वारा इकाई के रूप गुण स्वभाव में धर्म इंगित हो जाना सत्ता में संपूर्ण एक एक है सत्य व्यापक में समाहित जड़ चैतन्य प्रकृति है यही परम सत्य है अतः सत्यता का ही वस्तु स्थिति के रूप में अध्ययन है और इसी की समझ और प्रमाण उपलब्धि है उपलब्धिस्तित्व में से के लिए होती है सत्यता अस्तित्व स्वरूप है क्योंकि नित्य है नित्य वर्तमान है तो ये भी बताया कि सत्य नित्य वर्तमान है सहस्तित्व नित्य वर्तमान है इसका भी वर्णन कर दिया है नित्य वर्तमान का मतलब है जो भी है जैसा भी है सदा सदा रहने वाला है ना कभी बना है ना कभी बिगड़ेगा ना उसका आदि है ना अंत है वो है, है का ही अध्ययन है जो है उसी का अध्ययन है उसका अध्ययन अगर पूर्ण हो जाता है वही निर्भ्रमता है तो बढ़िया बात कर रहे हैं विश्राम पाना है विश्राम के लिए समाधान समाधान के लिए निर्भ्रमता निर्भ्रमता के लिए जो सहस्तित्व है जो सत्यता है उसका अध्ययन है उसका अध्ययन होते ही हमको क्या होता है सत्य अनुभूति होती है फिर इसी बात को कह रहे हैं अभी हम टेलीग्राम में बहुत सारे हमारे मित्रों के कमेंट आते हैं एक कमेंट आया जिसको मैंने पढ़ा कि भाई इसमें बहुत ज्यादा रिपीटिशन है हम पर दया करो एक्चुअली रिपीटेशन है यही दया है क्योंकि हमारा एक बार में ध्यान जाता कहाँ है हमको इसलिए बार बार ध्यान आकर्षण की आवश्यकता है तो आदरणीय नागराज जी ने जो ये दर्शन को लिखा है हमारे मित्र अजय भाई ने कहा एक होलोग्राफिक वे में लिखा है मैंने भी पहले ऐसा ही कहा था अभी एक और दृष्टि गई है कि आदमी जहां है क्योंकि सभी निकटवर्ती हैं तो जो जैसा है जहां भी है वहीं से अध्ययन की शुरुआत कर सकता है तो एंट्री पॉइंट कहीं से भी हो सकता है तो इसको विभिन्न कोणों से विभिन्न दृष्टियों से लिखा हुआ है ये ये बात है इसीलिए ऐसा लगेगा कि बहुत रिपीटिशन है उसी बात को बार बार वो बार बार इसलिए कहा जा रहा है पहली बात तो हमारा ध्यान आकर्षण अच्छे से हो जाए और दूसरी बात जो जहां है जहां भी है जिस भी मानसिकता के साथ में है उससे उसको एंट्री मिल जाए तो इसलिए इसमें रिपीटेशन है तो इस चैप्टर में भी थोड़ा रिपीटेशन लगेगा और अन्य क्योंकि हम लोग आखिर इस मानवीय परंपरा में हैं हमने भाषा की खोज की है भाषा के द्वारा कम्युनिकेट करते हैं संप्रेषित करते हैं और हम जो बैठ हम अपने साथ बहुत सारे शब्दों का पिटारा लिए हुए होते हैं और अपने अपने हिसाब से हर शब्द का अर्थ अपने में लिए होते हैं परंतु यहाँ पर उन सभी शब्दों का तो ऐसी अपेक्षा है कि आप सभी धैर्य रखेंगे तो कह रहे हैं सत्य का अध्ययन पूर्ण हो जाना ही निर्भ्रमता है तो जैसे ऊपर वर्णन किया कि अस्तित्व में जो भी है जैसा है उसको वैसा ही जानना एक एक इकाई का रूप गुण स्वभाव धर्म का अध्ययन हो जाना ही सत्यता का अध्ययन पूर्ण हो जाना है सत्यता का अध्ययन पूर्ण हो जाती है। निर्भ्रमता हो जाती है निर्भ्रमता हो जाती है तो अनुभूति की अनुभूति होती है सत्य की अनुभूति होती है कैसे होती है उसके लिए एक और चीज है जो पूर्ण जीवन से ही चरितार्थ होता है तो सत्यानुभूति के लिए भ्रम का निवारण आवश्यक है और उसके लिए एक और कार्य करना है कि पूर्ण जीवन का अभ्यास करना है फिर उस लाइन में और डिटेलिंग में कहा है निर्भ्रमता के लिए विवेक एवं विज्ञान का अध्ययन व कर्म अभ्यास व्यवहार अभ्यास आवश्यक है इसके द्वारा किए गए अनुभव विचार तथा व्यवहार के समन्वय से ही क्रमश आध्यात्मिक बौद्धिक तथा भौतिक स्तर में अनुभूतियां एवं उपलब्धियां हैं तो अब इसको डिटेलिंग किया कि निर्भ्रमता के लिए अध्ययन है सत्यानुभूति के लिए तो निर्भनता के लिए विवेक एवं विज्ञान का अध्ययन व व्यवहार अभ्यास है इसके द्वारा किए गए अनुभव विचार व्यवहार के समन्वय से ही क्रम से आध्यात्मिक बौद्धिक तथा भौतिक स्तर में अनुभूतियां एवं उपलब्धियां हैं हाँ जी तो थोड़ा कनेक्शन में दिक्कत है मैं आफ्टरनून में प्रयास करूंगा जहाँ कनेक्शन ज्यादा अच्छा मिलता है वहां पर उस जगह को खोज के फिर वहां पे सेटअप करेंगे कि ताकि ये बार बार आ, है न, ना कनेक्शन ना टूटे फिर कह रहे हैं अनुभव मात्र सत्य सहज ही है क्योंकि यह अपरिवर्तनीय है अनुभव यदि परिवर्तनशील हो तो वह अनुभव नहीं है तो यहाँ पर इस बात की ओर ध्यान दिला रहे हैं क्योंकि अब हम जब अध्ययन करते हैं तो साक्षात्कार बोध और अनुभव की हम अपेक्षा होती है हम उसके लिए प्रयास करते हैं तो कई बार ऐसा लग सकता है कि हमको अनुभव हो गया है अगर अलग अलग जगह पर वो बदलता रहे तो यह अनुभव परिवर्तनशील है तो वह नहीं है ऐसा ध्यान दिला रहे हैं क्योंकि अनुभव मात्र अपरिवर्तनीय है वो सत्य सहज है और सत्य है वो अपरिवर्तनीय है।, है समस्त क्रियाएं नियमों से नित्य सिद्ध है अब यहाँ पर हम फिर से बात की तरफ ध्यान दिला रहे हैं कि जो सत्य है वो सदा सदा एक जैसा होने वाला है रहने वाला है तो उसमें जो ऊपर बात कही गई है कि वो अपरिवर्तनीय है तो नियम ही अपरिवर्तनीय है भौतिक क्रियाओं को देखेंगे तो क्रियाएं या घटनाएं बदलती रहती हैं परंतु नियम नहीं बदलते हैं फॉर एग्जाम्पल एक अगर उदाहरण ले लें तो हम एक सातवें माले या दसवें माले की बिल्डिंग के ऊपर खड़े हो जाएं और ऊपर से है, कोई बॉल को फेंकते हैं या किसी वस्तु को फेंकते हैं तो वो आ, भी नीचे गिरेगी और कोई व्यक्ति अगर खड़ा होकर अपने को शरीर त्यागने के अर्थ से नीचे कूदता है तो भी उसी नियम से नीचे गिरेगा तो घटनाएं अलग अलग हैं लेकिन उनके पीछे नियम एक ही है तो हमको यह देखना है कि घटनाएं जो बदलती रहती हैं उसकी बजाय कि नियम क्या है उनको उनकी तरफ ध्यान देना है उनको अध्ययन करना है क्योंकि जितनी भी घटनाएं हैं जो भी क्रियाएं हैं वो नियमों से ही नियंत्रित हैं संतुलित हैं उसी में संरक्षित हैं और परिलक्षित हैं क्योंकि नियम अपरिवर्तनीय है इसीलिए नियम सत्य एवं नित्य सिद्ध है तो अब यहाँ पर ध्यान कर रहे हैं कि जब हम अध्ययन करते हैं तो जितनी भी क्रियाएं हैं जितनी भी घटनाएं हैं उनमें नियमों की तरफ ही ध्यान देना है सत्य बोध से बौद्धिक समाधान अन्य था समस्या है नियम बोध के बिना सत्य बोध संभव नहीं है तो हम अब इसको कनेक्ट करते चले जा रहे हैं कि हमको विश्राम की उपलब्धि होनी है विश्राम के लिए सत्यानुभूति होनी है सत्यानुभूति के लिए सत्य बोध होना है तो सत्य बोध कब होगा यानी कि बौद्धिक समाधान हमको चाहिए तो सत्य बोध से ही बौद्धिक समाधान है अन्यथा में समस्या है तो सत्यबोध नियम बोध के बिना सत्य बोध संभव नहीं है तो सहस्तित्व में जो भी नियम है उनका हमको बोध करना है उससे हमको सत्यबोध होगा और सत्य बोध होगा तो बौद्धिक समाधान की प्राप्ति होगी अगर बौद्धिक समाधान प्राप्त नहीं होता है तो समस्या ही है आगे बढ़ते हैं अनुभवगामी विधि से सत्य बोध के बिना सत्यानुभूति सर्वोत्मुखी समाधान संभव नहीं है अब यहां पर को सत्य बोध के लिए क्या करना है उसके लिए अनुभवगामी विधि की बात की है तो दो तरह का बोध की इसमें कही जाएगी तो पहले उसको पढ़ लेते हैं और फिर इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे अनुगामी बोध यानी उसी का नाम अवधारणा भी है आत्मा अथवा अनुभव की साक्षी में स्मरण पूर्वक बुद्धि में होने वाली स्वीकृति सहज क्रियाकलाप दूसरा गुरु द्वारा अनुभव मूलक विधि से कराए गए अध्ययन के फल स्वरूप शिष्य में न्याय धर्म सत्य का साक्षात्कार पूर्वक तो है रूपी अस्तित्व में अनुभव इस संकल्प की निरंतरता है ऐसे बोध और संकल्प का साक्षात्कार ही अनुभव मूलक चिंतन है ऐसे चिंतन का चित्रण और तुलन क्रिया ही अनुभव मूलक विचार है जागृत जागृति मूलक विचार के फलस्वरूप विवेक सम्मत विज्ञान एवं विज्ञान सम्मत विवेक प्रमाणित होता है फलस्वरूप मूल्यों का आस्वादन सहित मानव परंपरा में संबंध की पहचान स्वीकृति निर्वाह निरंतरता ही जागृति सहज अभिव्यक्ति संप्रेषणा एवं प्रमाण है तो दो बात हुई इसको पूरा पढ़ लेते हैं बोध बुद्धि में अनुभव बोध वे चित्त में अनुभव प्रतीति है प्रतिती, आभास प्रतीस किसको कह रहे हैं सहस्तित्व सहज अनुभव आत्मा में होता है जिसका अनुभव मूलक विधि से बोध बुद्धि में होता है बुद्धि और चित्त के योग में अनुभव की प्रतीति होती है यही अनुभव का चिंतन है चित्त और वृत्ति के योग में अनुभव का आभास होता है जो स्वयं न्याय धर्म सत्य रूप में तुलन क्रिया है वृत्ति और मन के योग में अनुभव का भास होता है जो मूल्यों का आस्वादन और संबंधों का चयन के रूप में प्रमाणित हो जाता है तो पहले हम अनुभव मूलक बोध की बात करते हैं उसके बाद अनुभवगामी बोध यानी अवधारणा की बात करेंगे तो जैसे आदरणीय नागराज जी को समाधायी संयम की प्रक्रिया के फलन में अनुभव हुआ तो ऐसा अनुभव सहस्त रूपी अस्तित्व में अनुभव और उसकी निरंतरता के फलस्वरूप अनुभव उस अनुभव होता है बोध होता है आ, आ, उस अनुभव के प्रभाव में जो बुद्धि में बोध होता है उसको अनुभव मूलक बोध या अनुभव बोध कह रहे हैं मूलक बोध होता है तो ऐसे बोध के अंतर में जैसे बुद्धि की क्रिया में हम बोध और संकल्प कहते हैं तो संकल्प की निरंतरता होती है निश्चितता होती है जैसा हमको अनुभव के प्रमाण का बोध हुआ है उस बोध के अनुसार जीने की दृढ़ स्वीकृति होती है उसी को संकल्प कह रहे हैं उसी की निरंतरता कह रहे हैं जब ऐसे संकल्प का साक्षात्कार होता है चित्त में उसी को अनुभव मूलक चिंतन कह रहे हैं उसी में चिंतन का जब चित्रण क्रिया होती है तो उसका जीने का डिजाइन बनता है स्वरूप बनता है उससे मानवीय व्यवस्था का प्रकटन होता है और वो चित्रण बनता है उसके बाद तुलन क्रिया ही अनुभव मूलक विचार है अब जब ऐसा चित्रण बनता है उस चित्रण के आधार पर वृत्ति में तुलन और विश्लेषण क्रिया होती है जिसमें न्याय धर्म सत्य के आधार पर हम व्यवहार व्यवसाय और व्यवस्था की बात करते हैं तो उसी को हम अनुभव मूलक विचार कह रहे हैं जागृति मूलक विचार के फलस्वरूप विवेक विज्ञान एवं विज्ञान सम्मत विवेक प्रमाणित होता है फलस्वरूप मूल्यों का आस्वादन सहित मानव परंपरा में संबंधों की पहचान स्वीकृति निर्वाह और निरंतरता अभिव्यक्ति संप्रेषणा और उसका प्रमाण होता है तो जब ऐसा आस्वादन होता है तो उसको मानव परंपरा में संबंधों की पहचान उनकी संबंधों की स्वीकृति होती है न्याय धर्म सत्य के अनुसार निर्वाह होता है और उसकी फिर अभिव्यक्ति होती है दूसरों को समझाने का सिखाने का कार्यक्रम होता है और उसका प्रमाण मिलता है तो ऐसा यह प्रकटन के फलस्वरूप ही अनुभवगामी विधि संभव है तो आत्मा अथवा अनुभव की साक्षी में तो अनुभवगामी बोध कैसे होगा तो फिर से मैं कहूं तो हम पहले अनुभव मूलक बोध और उसका जो प्रमाण है परंपरा में उसकी बात कर रहे हैं जिससे एक व्यक्ति अनुभव मूलक विधि से जीता है जो आज के समय में हम आदरणीय नागराज जी के का जो अनुभव हुआ है उन्होंने जो उसका अनुभव मूलक विधि से चिंतन किया है उसका जो फिर उन्होंने उस चिंतन के फलस्वरूप में इसीलिए इसको अस्तित्व मानव केंद्रित चिंतन कह रहे हैं वो चिंतन ही ये मध्यस्थ दर्शन का रूप में जो दर्शनवाद और शास्त्र के रूप में लिखा हुआ है ये हमारे सामने प्रस्तुत है अब हमारे लिए कैसे होगा अब हम अवधारणा बोध के लिए प्रयास करेंगे ये अनुभव मूलक बोध हुआ तो अब हम कह रहे हैं कि अनुभवगामी बोध के लिए आत्मा अथवा अनुभव की साक्षी में तो हमारी बुद्धि में जो जो हम अध्ययन में लगे हुए हैं इस अनुभव के साक्षी में यानी कि गुरु द्वारा गुरु द्वारा अनुभव मूलक विधि से कराए गए अभी मैं स्क्रीन पर बार बार बीच देखा हूं कुछ प्रश्न भी हैं कुछ सुझाव भी हैं तो मैं अभी पुस्तक को देख पढ़ रहा हूं तो सभी को मैं पढ़ पाऊं ऐसा तो नहीं है मेरा आप सभी से निवेदन है अगर मेरी प्रस्तुति से कुछ भी स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है या कोई प्रश्न बनता है तो उसको उसको टेलीग्राम में आप लिख सकते हैं और मैं फिर उसको सेशन है ना उसको एड्रेस करूंगा कनेक्शन प्रॉपर नहीं मिल रहा है और मैं अभी सोचता हूं कि जैसा भी कनेक्शन बन रहा है अभी इस, इसको इसी तरह से चलाते हैं और आपके कमेंट्स को आपके प्रश्न को देखते हुए अगर कुछ रिपीट करने की आवश्यकता होगी तो मैं आफ्टरनून में भी करूंगा तो जितने भी अगर प्रश्न हैं तो आप टेलीग्राम में डालेंगे तो मैं उनको पढ़ लूंगा और फिर आफ्टरनून के सेशन में उन रेस्ट कर लूंगा धन्यवाद तो फिर से मैं इस बात को आगे बढ़ाता हूँ तो अनुभव मूलक विधि उपलब्ध हो जाने से ही अनुभवगामी बोध की संभावना बनती है तो हमारे सामने जो एक एक का वर्णन सत्य बोध के लिए जो नियमों का वर्णन है वो इस मध्यस्थ दर्शन अस्तित्व मूलक मानित चिंतन के रूप में उपलब्ध है इसी के लिए ये लाइन कही गई है कि गुरु द्वारा अनुभव मूलक विधि से कराए गए अध्ययन के फलस्वरूप शिष्य में न्याय धर्म सत्य का साक्षात्कार पूर्वक बुद्धि में स्वीकृत होना है तो अब मैं इस लाइन के साथ अगर पूरी बात को कनेक्ट करूं, तो एक बार फिर से कनेक्ट कर लेते हैं कि मानव सहज प्रयोजन और सृष्टि दर्शन इस सबके में इस बात को कहा गया है कि मानव का सारा प्रयास विश्राम के लिए है विश्राम बौद्धिक समाधान और भौतिक समाधान के रूप में ही प्राप्त होना है उसके लिए निर्भ्रमता की आवश्यकता है उसके लिए सत्य बोध की आवश्यकता है और सत्य बोध के लिए अनुभवगामी बोध की आवश्यकता है तो अनुभवगामी बोध के लिए अब क्या करना है कि गुरु के द्वारा अनुभव मूलक विधि से अध्ययन के फलस्वरूप शिष्य में न्याय धर्म सत्य का साक्षात्कार होना है कल साधु भैया ने दो दिन आ, जीवन क्रियाओं में इसका उदाहरण लिया जीवन क्रियाओं में आ, साक्षात्कार बोध अनुभव भी चर्चा किया तो मैं, मैं ऐसा सोचता हूं आप सबने उसको आ, अटेंड किया ही है तो उसी बात को मैं फिर से अगर आ, रिपीट करूं तो उसी को अवधारणा बोध कह रहे हैं कि जब हमको गुरु के द्वारा तो यहाँ पे गुरु अनुभव मूलक विधि अनुभव मूलक विधि से कराए गए अध्ययन तो तीन है अनुभव मूलक विधि का मतलब है जिसके मूल में अनुभव हो ऐसी विधि ऐसी प्रक्रिया जिसके मूल में अनुभव हो किससे प्राप्त होती है गुरु से प्राप्त होती है तो हम यहाँ ये यह कह रहे हैं कि आदरणीय नागराज जी द्वारा ये प्राप्त है मेरी भी ऐसी निष्ठा है कि आदरणीय नागराज जी अनुभव संपन्न व्यक्ति रहे हैं मुझे अभी तक उसमें कोई डाउट करने का मौका नहीं मिला है उसी के आधार पर मैं भी आपके सामने प्रस्तुत हूँ क्योंकि मेरी इस निष्ठा है मैं भी इसको समझने का प्रयास कर रहा हूँ और अभी तक जितने भी मापदंड जितने भी माइल मिले हैं उससे इसी बात की पुष्टि होती है कि इस प्रक्रिया से वहां तक पहुंचने की संभावना अधिक है। तो गुरु के द्वारा एक अनुभव मूलक विधि प्राप्त किए है, वो है और उसके अनुसार अध्ययन करने के फलन में हम में जो कि हम शिष्य हैं, शिष्य के रूप में हमने अपने आप को स्वीकारा है न्याय धर्म सत्य का साक्षात्कार होना है वो साक्षात्कार जो बुद्धि में स्वीकृत होता है उसी को हम कह रहे हैं कि चित्त का बुद्धि में प्रत्यावर्तन होना है और वो प्रत्यावर्तन होना है, यानी कि कि बुद्धि में अवधारणा बोध होना है तो सत्य बोध के लिए हमको ये प्रक्रिया से गुजरना है कि न्याय धर्म सत्य का साक्षात्कार हो जाए उसके तत्पश्चात तो ही अवधारणा बोध होगा बोध से ही हमने सत्याभूति का उदय होगा और सत्यानुभूति होगी तो हम में फिर हमारे भी प्रक्रिया अनुभव मूलक विधि जैसी हो जाएगी क्या होगा फिर हम में फिर इस लाइन को पढ़ते हैं कि हम में फिर अनुभव मूलक बोध होगा तो अवधारणा बोध के पश्चात जब हम में अवधारणा के अनुसार संकल्प होगा और उसके अनुसार हम जीने का संकल्प करते हैं जी हैं और जैसे बात ऊपर कही थी कि उसी के अनुसार आ, अनुभव के अनुसार अनुभव के अनुसार अवधारणा के अनुसार जीने का कर्म अभ्यास और व्यवहार अभ्यास करते हैं तो उस अभ्यास के करते करते हमें अनुभव होगा उस अनुभव के पश्चात फिर हमको बोध होगा उस बोध की निरंतरता है अवधारणा इसका मतलब यह है कि अवधारणा बोध की निरंतरता हो यह आवश्यक नहीं है ना जैसा विकास और ह्रास इसका आगे वर्णन है कि दोनों क्रम चल ही रहे हैं तो उन क्रम के अनुसार में हम ऐसा भी हो सकता है कि अवधारणा बोध के बाद में कितना समय लगता है अनुभव का उसका भी अभी निश्चित कहना संभव नहीं है परंतु प्रक्रिया निश्चित है तो प्रक्रिया के अनुसार जैसे ही हमको अवधारणा बोध होता है उसके अनुसार संकल्प के अनुसार जीते हैं अनुभव होता है अनुभव के फलस्वरूप फिर से जो बुद्धि में प्रभाव होता है जब आत्मा का परावर्तन बुद्धि में होता है और पहले बुद्धि का प्रत्यावर्तन आत्मा में यानी कि बुद्धि आत्मा को पहचानती है और जैसे कल चर्चा हुई आत्मा सहस्तित्व को पहचानती है उसके प्रभाव में जो बुद्धि का आत्मा अनुभव संपन्न आत्मा का जो प्रभाव बुद्धि पर पड़ता है तो उसको हम जिसको सहज प्रभाव कह रहे हैं वही अनुभव बोध है फिर ऐसे अनुभव बोध के अनंतर फिर संकल्प की निरंतरता है फिर नीचे लौटना नहीं है फिर ह्रास की कोई संभावना नहीं है ऐसे बोध और संकल्प का साक्षात्कार ही अनुभव मूलक चिंतन है फिर हमें अनुभव मूलक चिंतन है जिसी को हम स्वतंत्रता कहते हैं ऐसे चिंतन के फलस्वरूप फिर हमारी तुलन क्रिया होती है यानी कि चित्त का वृत्ति में परावर्तन और फिर विचार और फिर हमारी अभिव्यक्ति फिर हमारा जीना तो जब फलस्वरूप का आस्वादन सहित के अंतर मूल्यों को साधन सहित मानव परंपरा परंपराय संबंधों की व्यवस्था के अर्थ में पहचान करते हैं स्वीकृति करते हैं निर्वाह करते हैं आय पूर्वक जी पाते हैं और जागृति सहज अभिव्यक्ति यानी कि जब भी हम व्यक्त होते हैं तो उसमें भी जागृति होती है संप्रेषणा हमारे जीने में दूसरों को समझने में सिखाने में संप्रेषणा होती है तो उसका प्रमाण देते हैं उसकी निरंतरता होती है यही विश्राम की स्थिति है अब ऐसी स्थिति में विश्राम का अर्थ निष्क्रियता नहीं है यह भी स्पष्ट है करने की आवश्यकता है निश्राम का अर्थ मतलब ये नहीं कि कोई क्रिया का अभाव विश्राम नहीं है बल्कि मूल्यों का आस्वादन सहित मानव परंपरा में संबंधों की पहचान करते हुए संबंधों में जीना ऐसा जीते हैं तो इसका फल प्रणाम सुखी होता है सुखपूर्वक मूल्यों का आस्वादन यानी कि हम मूल्य मूलक लक्ष्य मूलक जागृति का आस्वादन समाधान समृद्धि वह सहस्तित्व स्थिति का आस्वादन रुचिओला का आस्वादन उसमें समाया ही होता है जब इस आस्वादन के साथ जीते हैं परावर्तन और प्रत्यावर्तन क्रियाएं निरंतर होती रहती हैं ऐसी स्थिति को ही विश्राम की स्थिति कहते हैं निष्क्रियता से इसका कोई संबंध नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि क्रिया करने से रुक जाना है यही सम्प्रेषणा और प्रमाण पूर्वक जीते हैं तो हम नित्य निरंतर विश्राम की स्थिति को पा चुके होते हैं आगे बढ़ते हैं फिर बुद्धि में अनुभव बोध में चित्त में अनुभव प्रतीति है फिर से इसको पढ़ लेते हैं तो ये जो शब्द है कहीं पे प्रतीति तो बुद्धि बुद्धि है जो अनुभव बोध होता है और चित्त में अनुभव की प्रतीति होती है और आभास वृत्ति में और मन में भास होता है सहजपित्व सहज अनुभव आत्मा में होता है उस अनुभव के पर्यंत अनुभव मूलक विधि से जो बोध बुद्धि में हुआ बुद्धि और चित्त के योग में अनुभव की प्रतीति होती है यही अनुभव का चिंतन है फिर से उसी को बात को बता रहे हैं, चित्त और के योग में अनुभव का आभास होता है क्योंकि ये परंपरा में भी आते रहते हैं उनको फिर से स्पष्ट किया है जो स्वयं न्याय धर्म सत्य रूप में तुलन क्रिया है तो ऐसा कह सकते हैं न्याय धर्म सत्य रूप में तुलन क्रिया यानी यानी सत्य का आभास न्याय धर्म सत्य का आभास का आभास और उसी का प्रतीति होती है तो अनुभव की प्रतीति यानी यही अनुभव का चिंतन है और जब यही बोध होता है तो वह अनुभव का ही बोध है इस तरह से अनुभव का बोध अनुभव की प्रतीति अनुभव का आभास और मन में अनुभव का भास होता है जो प्रकृत मूल्यों के आस्वादन के रूप में और संबंधों के चयन के रूप में ही प्रमाणित होता है तो यह हमारा अनुभव मूलक जीना हो जाता है इसको फिर से करेंगे एक बार और फिर से पढ़ लेते हैं आगे बढ़ते हैं जब तक जीवन भ्रमित रहता है अथवा मानव भ्रमित रहता है परंपरा में आत्मबोध रहित बुद्धि को अहंकार नाम दिया गया है क्या कह रहे हैं जब तक जीवन भ्रमित रहता है अब ही रहे निर्भ्रमता ही विश्राम है यह तो पहले डिक्लेयर कर दिया है हमारा अपना जो विश्राम का डिजाइन है वो काम नहीं करता है अभी आज हम इस स्थिति में हैं कि किसी परिस्थिति व कोरोना वायरस हम एक लॉकडाउन की स्थिति में हैं और सभी अपेक्षा में इस आशा में है कि कब लॉकडाउन हो तो कुछ लोगों ने ऐसा ही डिजाइन बनाया है कि कभी भागते दौड़ते थे तो ये चाहते थे कि क्या बात है घर में रहने को मिल जाए तो हम विश्राम की स्थिति में आ जाएं शायद बहुत भाग दौड़ करनी पड़ती है और घर में है तो घर में रहने से परेशान है क्योंकि अब लगता है कि कैसे ये चौदह दिन किसी को तो बहे कि कहीं ये बढ़ भी नहीं जाए तो क्योंकि ये सब विश्राम की स्थिति नहीं है हम जो भी स्थिति का सोचते हैं जैसे ही वो स्थिति को प्राप्त होते हैं कोई नई समस्याएं पैदा हो जाती हैं ऐसे ही एक भयंकर वायरस जीवन में है जिसको भ्रम नाम दिया है जब तक जीवन भ्रमित रहता है अथवा मानव भ्रमित रहता है उसको उसी को आत्मबोध रहित बुद्धि कह रहे हैं तो जब तक अवधारणा बोध नहीं है या अनुभव बोध नहीं है तो बुद्धि आत्मबोध यानी स्वयं को जीवन के रूप में नहीं पहचानती है ईश्वर को परमात्मा को व्यापक सत्ता को नहीं पहचानती है तो उसको आत्मबोध रहित बुद्धि कह रहे हैं और उसी है। का नाम अहंकार है भ्रम का अस्तित्व नहीं है तब ये मजेदार बात है भ्रम का अस्तित्व नहीं है फिर भी जीवन भ्रमित रहता है यही भ्रम है अस्तित्व नहीं है उसका और जिसका अस्तित्व नहीं है उसको अस्तित्व स्वीकार किए इसी का नाम भ्रम है इससे स्पष्ट है क्योंकि उसका अस्तित्व नहीं है इसलिए स्पष्ट है कि भ्रम मानव के द्वारा किसी भय प्रोभन व स्वीकार की गई मान्यता है मान्यताएं चित्त में होने वाले चित्रण तक ही सीमित है अतय बुद्धि भ्रमित नहीं होती बुद्धि चुप रहती है अध्ययन बोध अनुभव विधि से ही बुद्धि जागृत होती है बढ़िया बात है क्या कह रहे हैं कि भाई जब तक बोध नहीं है तब तक हम भ्रमित हैं और भ्रमित हैं तो अहंकार में है तो अहंकार तो हम में है ही परंपरा में भी ऐसा कहा गया है कि जब तक बुद्धि में बोध नहीं है तब तक वो अहंकार है पर भ्रम है क्या भ्रम ऐसी मान्यताएं जो हमने स्वीकार की गई हैं अधिमूल्यन या अमूल्यन या निर्मूल्यन जो भय या प्रलोभन व स्वीकार की गई मान्यता है वो चित्त तक ही सीमित रहती है तो भ्रम बुद्धि तक जाता नहीं है बुद्धि चुप रहने का मतलब यही है कि बुद्धि भ्रम को स्वीकार नहीं करती है बुद्धि केवल सही को ही स्वीकार करती है बुद्धि का ही बुद्धि में धर्म सत्य का जो साक्षात्कार है जो सत्य है जो शाश्वत है जो निरंतर है उसी को स्वीकार करती है इसीलिए वो चुप्पी रहती है कोई सही बात पहुंचती है तो उसको तुरंत स्वीकार करती है अब वो कब स्वीकार करती है उसके लिए मन वृत्ति चित्त को थोड़ा मशक्कत करनी पड़ती है ऐसी चीजों का पता लगाना पड़ता है कि जो नित्य है निरंतर है और शाश्वत है लेकिन क्यों नहीं कर पाती है अब ये क्यों होता है इसका आगे भी वर्णन है परंतु अगर थोड़ा सा यहीं पे इसका जिक्र कर लिया जाए क्योंकि मन तो शरीर से जो संवेदनाओं में आस्वादन है उसको लेने में लगा रहता है मन पर जो प्रभाव है जैसे कल भी ये बात हुई थी कि मन पर दोनों तरह का प्रभाव आत्मा में सहस्तित्व का प्रभाव है बुद्धि में आत्मा का प्रभाव है जिसके और चित्त में बुद्धि का प्रभाव है वृत्ति में चित्त का प्रभाव है और वृत्ति का प्रभाव मन में है परंतु अभी अनुभव नहीं है ये अनुभव अपेक्षा में बोध की अपेक्षा में विश्राम की अपेक्षा में प्रभाव है और लेकिन अभी जो जो तुरंत मिल रहा है वो शरीर से मिल रहा है अब वो सुख तो आज दिख ही रहा है और इसलिए मन शरीर के प्रभाव में ज्यादा रहता है और शरीर से माने मिलने वाले सुख को प्रधानता देता है इसीलिए वो भ्रम में रहता है तो इसलिए भ्रम पूर्वक जीते हुए अभी वो भय प्रलोभन आस्थावश कि ऐसी मान्यताओं को माने रहता है कि मैं ही शरीर हूं और शरीर से मिलने से ही सुखी हो जाऊंगा सुविधाओं से सुखी हो जाऊंगा इस तरह से उसमें लगे रहने से वो भ्रमित रहता है ऐसी स्थिति में बुद्धि चुप रहती है और मन वृत्ति चित्त अभी उनका ध्यान शाश्वत चीजों की तरफ नहीं गया होता है इसलिए वो बुद्धि कोई कोई रेस्पॉन्स नहीं दे पाती है इतना रेस्पॉन्स तो बना ही रहता है कि जो भ्रम है उसको नकारती है उसको स्वीकार नहीं करती है अहंकार एवं भ्रम यह दोनों सत्यता के प्रति अनहता के दो तक है यानी कि अहंकार है और भ्रम है ये दोनों जीवन में सत्यता को स्वीकार करने की क्षमता नहीं है योग्यता नहीं है पार्थता नहीं है यही भ्रम और अहंकार है इससे क्या मतलब निकलता है इसका मतलब ये इनका अस्तित्व नहीं है केवल ये दोनों का का जो प्रभाव है भ्रम का और अंधकार का वो प्रभाव अहंकार का जो प्रभाव है वो अंधकार की तरह है जो प्रकाश का अभाव है ये हम में अक्षमता है अनहता है का मतलब है ये है तो ये जगह तो बिल्कुल ही ठीक नहीं है कनेक्शन के लिए तो अभी सेटअप को डिस्टर्ब किया कुछ समय और यहीं लगाऊंगा तो आपकी धीरता के लिए उदारता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अहंकार एवं भ्रम दोनों सत्यता के प्रति अनहता के दो तक सत्य बोध अध्ययन सहज अंतिम उपलब्धि है तथा अनुभव स्वभाव है क्या मतलब है हमारा जो प्रयास है पुरुषार्थ है वो सत्यबोध के लिए अध्ययन तक ही है क्योंकि अध्ययन की जो अंतिम उपलब्धि होगी वो सत्यबोध बोध ही होगा उसके बाद नहीं है वो स्वभाव है यानी कि उसकी परिणित अवधारणा तो अभी आगे निकल के आएगा ये निश्चित ही सफल होना है तो हमारा जितना भी प्रयास है वो अध्ययन के लिए और अध्ययन की जो अंतिम उपलब्धि अवधारणा बोध में होगी बोध में होगी इसके लिए हमें प्रयास करना है अनुभव के लिए प्रयास नहीं करना है जैसे कुछ चीजें करने की होती हैं और कुछ चीजें अपने आप होती हैं। जैसे, do जैसे कई बार हम ये उदाहरण देते हैं कि भाई हम गेहूं या खेत में फल उगाते हैं या फल फल अपने आप उगता है गेहूं अपने आप उगता है कई बार बहुत सारे लोग जवाब देते हैं कि नहीं हम तो गेहूं उगाते हैं गेहूं नहीं उगाते हम गेहूं उगने के लिए खेत की तैयारी करते हैं बीज डालते हैं पानी डालते हैं उसका रख रखाव करते हैं गेहूं तो अपने आप उगता है और उगते उगते एक दिन हमको गेहूं की प्राप्ति हो जाती है गेहूं उगाने के लिए और गेहूं के पौधे नहीं करते हैं उसी तरह हमारा प्रयास बल्कि अगर गेहूं डालने का प्रयास करेंगे तो पता चलेगा गेहूं भी नहीं हो पाएगा इसलिए अगर हम अनुभव के लिए बहुत कुछ ज्यादा ही प्रयास करेंगे तो पता चला अध्ययन भी नहीं हो पाएगा तो हमारा जो प्रयास है वो सत्य बोध अध्ययन सहज जो अंतिम उपलब्धि अध्ययन के लिए प्रयास करने हैं, अवधारणा के लिए प्रयास तो सत्य सत्यानुभूति तथा सत्यानुभूति के बिना विश्राम नहीं है देखिए फिर विश्राम पर ले आए क्योंकि विश्राम के लिए तो सारा श्रम है सारा श्रम विश्राम के लिए तो किसके लिए श्रम करना है सत्य बोध के बिना सत्यानुभूति तथा तो सत्यानुभूति के बिना विश्राम नहीं है इसको अगर दूसरे क्रम से बढ़ते तो विश्राम के लिए हमको सत्यानुभूति की आवश्यकता है और और सत्यानुभूति है तो बोध करना है बोध क्यों पाना है बोध पाना है तो अध्ययन करना है अध्ययन किस चीज का करना है है का अध्ययन करना है है क्या सहस्तित्व है व्यापक सत्ता में अनेका अनेक, अनेक अनंतिकाइया है उनके रूप गुण स्वभाव धर्म का अध्ययन करना है दूसरे शब्दों में सत्यता का वास्तविकता का अध्ययन करना है दूसरे और शब्दों में हमको अवधारणा के लिए जो प्रयास करना है उसके लिए हमको फिर से कहें तो न्याय धर्म सत्य का अध्ययन करना है यह भी शब्द है अनेक अनेक शब्दों से हमारा ध्यान आकर्षण किया गया है फिर से मैं कहूंगा किसी को अगर ऐसा लगता है रिपीटेशन है तो ये रिपीटेशन हमारी विद्यता नहीं है हमारी स्थिति को लेकर बाबा जी ने रिपीटेशन किया है क्योंकि किसी को न्याय धर्म सत्य से कनेक्शन होता है किसी को सत्यता से कनेक्शन होता है किसी को सत्यबोध से कनेक्शन होता है हमारा कनेक्शन हो जाए हमारे अध्ययन के प्रति निष्ठा हो जाए इसके लिए बार बार ये प्रयास है तो फिर से अनुभव के लिए प्रयास नहीं है प्रयास अध्ययन का है अध्ययन का है अध्यन ही अध्ययन ही प्रयास है और अवधारणा के लिए प्रयास है तो ये लाइन बहुत बढ़िया है सारी ही लाइन बढ़िया है ऐसा नहीं कि ये लाइन ही बढ़िया है ये लाइन भी बढ़िया है ऐसा कहेंगे क्योंकि इस पे ध्यान जाता है तो एक क्रम फिर से हमारा प्रकट होता है और निष्ठा बनती है अध्ययन के लिए तो विश्राम के लिए सत्यानुभूति क्योंकि सत्यानुभूति के बाद ही विश्राम की निरंतरता है और सत्यानुभूति के लिए सत्य बोध सत्य बोध के लिए सत्य सत्यता का अध्ययन अब फिर वही बात करें सत्य मात्र सत्या में संप्रक्त जड़ चैतन्य प्रकृति है लो भैया यहीं से शुरू बात बात की थी फिर यही बता रहे हैं अब क्या करें सत्य तो बात तो इतनी ही है इसी को बार बार बताएंगे और इसी में नहीं बताएंगे मानव व्यवहार दर्शन में भी बताएंगे कर्म दर्शन में भी बताएंगे जो भी किताब पढ़ाएंगे और किताब का कोई भी अध्याय लेंगे तो ये बात तो आनी है क्योंकि ये नित्य शाश्वत नित्य वर्तमान है और इसी का हमको अनुभव होना है तो ये हमारे अनुभव में हमारे पूर्वक बताया गया है कि हमारे स्मरण में बना रहे क्योंकि हमारे तो उलझने बहुत है हमारा दिन को हम देखें अपने विचारों को थोड़ी कि हमारे विचारों में सहस्तित्व बना रहता है निरंतर बना रहता है उसका स्मरण बना रहता है ऐसी हमारी स्थिति नहीं है अभी अगर हम अपना निरीक्षण करते हैं तो कम से कम अध्ययन शाश्वत का मतलब ही है जो अपरिवर्तनीय है परिवर्तनीय है तो ये नियम है है ना? सबसे बड़ा नियम है कि यही शाश्वत है अब अगर ऐसा हो भी जाए तो क्या होगा का हुआ है कि भ्रमित मानव का विश्राम की जो स्थिति नहीं है तो सत्य बोध से जब विश्राम है तो सत्यानुबोध से अति संतृप्ति बहुत अधिक तृप्ति मिलेगी अभी तक जितनी भी तृप्ति मिली है रुचिमूलक आस्वादनों में वो क्या तृप्ति है ये उसी परमानंद ये परमानंद व्याख्या कर आज yes. है ना क्योंकि कनेक्शन भी बहुत बढ़िया चल नहीं रहा है तो सत्यानुभूति में अति इसको फिर साढ़े तीन बजे से व्यापक में इकाई गुरु शिष्य परंपरा की आवश्यकता क्या है तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि शिष्य परंपरा का होना तो अस्तित्व सहज है कोई भी व्यक्ति अस्तित्व को समझने जाता है या अस्तित्व को समझने के दो ही विधियां हैं एक तो अनुसंधान विधि है और एक अध्ययन विधि है तो अनुसंधान विधि में जो भी वस्तु को जानकारी को ज्ञान को प्राप्त करता है उसको अगर हम देखते हैं तो वो वो गुरु की स्थिति में आ जाता है भौतिक रासायनिक संसार में भी अगर हम देखते हैं तो भौतिक रासायनिक संसार में भी जिस किसी चीज का आविष्कार खोज किसी व्यक्ति ने किया तो अस्तित्व सहज विधि से वो गुरुपद में ही है किसी ने अगर इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज कर दी तो उसने जो विधि बता दी उसके बाद में उसी विधि का पालन करते हुए उसमें परिमार्जन करते हुए हम आगे उस प्रक्रिया को बढ़ा देते हैं अभी फिलहाल ऐसा कह सकते हैं कि देखिए बोध कराने की क्षमता अवधारणा की क्षमता तो अनुभव संपन्न व्यक्ति की है जिसको हम गुरु कह रहे हैं और हमने जो हमारे सब साथी इस अध्ययन में लगे हुए हैं समझने में लगे हुए हैं मैं भी समझने में लगा हुआ हूं तो जानकारी आदरणीय नागराज से मिली और जिन हमारे साथियों ने आदरणीय नागराज जी के साथ में समय लगाया पूरे आदरणीय नागराज जी का परिवार ने हम सभी को अपने इस समझने में योगदान दिया है उसमें आदरणीय अम्बा दीदी अग्रणी है उन्होंने जिस तरह से मातृत्व भाव के साथ में सभी का ध्यान रखते हुए जब भी हम बाबा जी से मिले तो हमारे समझने में सभी का सहयोग उस परिवार से रहा है अब ये बात तो सही है कि आदरणीय नागराज जी शरीर रूप में नहीं है और अब इस स्थिति में हम कैसे है ना इसको अनुभवगामी विधि को अनुभव मूलक विधि के साथ तारतम्य बैठाएंगे तो उसमें मुझे ऐसा ही लगता है कि जो सूचनाएं जो जो मार्गदर्शन नागराज्य से प्राप्त हो गया है हम सब मित्र मिलकर उसके अनुसार चलते हैं तो पूरी संभावना बनती है कि हम भी इस अनुभव को प्राप्त हो जाएंगे अवधारणा को प्राप्त हो जाएंगे इस तरह से मुझे लगता है कि यह परंपरा तो बन गई है लेकिन अभी इसका प्रमाण होना तो अभी बचा हुआ है उसको देखते हैं कि किस तरह से अगर हम प्रमाण दे पाते हैं हम इस विधि के द्वारा अनुभव तक पहुंच पाते हैं तो ये आगे बढ़ेगा नहीं तो फिर अनुसंधान की आवश्यकता पड़ेगी क्या दिक्कत है हम में से ही कोई या जो भी आगे आने वाली पीढ़ी अस्तित्व में ही कि आगे की पीढ़ी आगे होती है तो एक तरह से आगे की पीढ़ी के लिए पुरानी पीढ़ी गुरु का काम कर ही देती है हम सब ने जितना भी समझा आदरणीय नागराज जी से आदरणीय नागराज जी ने पूरा समाधान पूरा अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन जो अनुभव बोध के आधार पे जो चिंतन है उन्होंने वाग्मे के रूप में लिख दिया है ये भी हमारे सामने है और उसके अनुसार जीते हुए लोग भी हमारे सामने हैं तो इन सब से मिलकर ऐसी अपेक्षा तो बनती है ऐसी आशा भी बनती है कि हम सब अवधारणा को प्राप्त होंगे और अनुभव को प्राप्त होंगे ये तो पहला प्रश्न था दूसरा प्रश्न कि अगर मैं समझ जाता हूं तो मुझे इस बात का कैसे पता चलेगा कि मैं समझ गया तो अब बढ़िया बात है इसके पीछे मुद्दा ये है कि भाई और लोग मुझे बताएंगे कोई मेरा एग्जाम लेगा कोई मेरी परीक्षा लेगा कि भाई मैं समझाऊं कि नहीं समझाऊं कोई डिक्लेयर करेगा कि यह समझदार व्यक्ति है या मुझको ही पता चलेगा तो इसके मेरा सोचना ऐसा लगता है कि मुझको ही पहले पता चलेगा अगर हम साधारण रूप से भी स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं किसी विषय का अध्ययन करते हैं तो मैथ है या साइंस है तो हमको कोई सब्जेक्ट समझ में आ गया है तो सबसे पहले हमको ही पता चलता है संवेदनाओं के रूप में भी देखते हैं तो अगर भूख लगती है तो मुझे पता चलता है उसके बाद में उससे कोई भी क्रिया प्रक्रिया है उसके लक्षण है तो वो दूसरों को भी पता चल सकते हैं परंतु सबसे पहले अगर मुझ में मान लीजिए आवेश है कोई काम है क्रोध है लोभ है मोह है तो भी मुझे ही पता चलता है दूसरों को तो बाद में ही पता चलता है इसी तरह से अगर मुझ में भय है चिंता है पीड़ा है या विश्वास है तो ये भी मुझे ही पता चलता है और उसके आधार पे अगर मेरे आचरण में कोई परिवर्तन होता है तो वो दूसरे देख पाते हैं इस तरह से मुझे लगता है कि समझने की प्रक्रिया तो स्वयं में घटित होने वाली चीज है और सबसे पहले समझना मतलब वास्तविकताओं का साक्षात्कार हो जाना उसको अवधारणा के रूप में तो ये स्वयं में होने वाली घटना है और इसका पता मुझे खुद ही चलता है तो सभी को बीच बीच में मैं बोलता रहूंगा जैसे जैसे लोग जुड़ते जा रहे हैं सभी को नमस्कार अभी है ना अभी मैं फिर से अगर दोहराऊं क्योंकि तो जब से शुरुआत की और इस बीच तक कुछ और लोग जुड़ गए हैं नए साथियों को तो हमने इस अध्ययन का डिजाइन कुछ इस तरह से बना है कि इसमें करीब बारह पेजेस हैं तो हर सेशन में तीन पेज का हम अध्ययन करेंगे उसको पढ़ेंगे और उसमें जो बात मुझे सुनने आई है मैं उसको आप सबके सामने साझा करूंगा और हर सेशन में जो प्रश्न आएंगे उन प्रश्नों को मैं अगले सेशन में टैकल करूंगा उनका उनका जो संबोधन करूंगा तो समझने के अर्थ में यह बात सुन में आती है कि मूल रूप से कि समझने की घटना मुझ में है मैं अपने में ही देख पाता हूं कि मुझ में भय चिंता अगर पीड़ा है तो विश्वास की कमी है इसका मतलब मुझ में समाधान नहीं है और मेरी समझ अधूरी है अभी समझ होनी है और मैं समझ जाता हूं तो उस समझ को अपने में देख पाता हूँ उस समझ का जो प्रमाण है स्वयं में समाधान मेरे विचारों में समाधान और मैं न्यायपूर्वक जी पाता हूँ इस तरह से दूसरे मेरे व्यवहार में परिवर्तन जरूर देख सकते हैं परंतु अपने में समझना तो अपने में ही होना है अभी थोड़ा ऐसा है कि मैंने जो कमरा बदला उससे लगता है कि नेटवर्क बहुत बढ़िया हो गया है लेकिन दोपहर का भी समय है और गर्मी ज्यादा है और मैं पंखा चलाना भूल गया जबकि पंखे का स्विच मेरे पास है लेकिन ये स्विच खराब है तो अभी मैं सेशन को जारी रखूंगा तो आप अ, मेरे पसीने मेरे साथ मेरे पसीने को भी देखते रह सकते हैं एक और अ, प्रश्न बना कि संप्रेषणा का क्या मतलब है संप्रेषणा यानी कि पूर्णता के अर्थ में प्रेषित होना जो भी दो प्रक्रियाएं जैसे अभी हमने जीवन क्रियाओं को समझा तो दो प्रक्रियाओं में हमको ऐसा लगता है कि एक प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया होती है एक परावर्तन की क्रिया होती है प्रत्यावर्तन पूर्वक हम समझते हैं चीजों को और परावर्तन पूर्वक हम संप्रेषित होते हैं जीते हैं तो संप्रेषणा पूर्णता के अर्थ में ही है जो हम समझे होते हैं उसको भाषा के द्वारा अंगहार के द्वारा भाव भंगिमा के द्वारा दूसरों तक पहुंचाना ही संप्रेषणा है तो जो जो संप्रेषणा शब्द पे आया कि अनुभव व्यक्ति जब समझ जाता है तो वो अनुभव को अनुभव प्रमाण बोध को तुलन द्वारा और अपने जागृति पूर्ण विचारों के द्वारा दूसरों को संप्रेषित करता है तो और दूसरे फिर उस भाषा के द्वारा शब्दों के द्वारा अर्थ को पकड़ते हैं और अर्थ के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं वास्तविकताओं को स्वयं में देखने का प्रयास करते हैं अगर ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है जैसा अनुभव संपन्न व्यक्ति समझता है जिस तरह से उसने समझा है उसको वो आगे बढ़ाता है और जिस तरह से संप्रेषित करता है अगर सामने वाला सुनने वाला भी उन शब्दों के द्वारा अर्थ को ग्रहण कर पाता है और वास्तविकताओं को सही सही अपने में देख पाता है तो संप्रेषणा सफल होती है तो आइए हम इसी बात को आगे बढ़ाते हैं और मेरी भी अपेक्षा है कि मैं जितना भी ए, समझा हूं इस दर्शन को जितना भी समझकर जीने का प्रयास कर रहा हूं वो आप सब तक पहुंच पाए अगर पहुंच पाता है तो ये संप्रेषणा सफल है वरना इसमें फेलियर तो है नहीं फिर अच्छे से आगे का प्रयास करेंगे समझने का भी और जो समझना चाहते हैं उनके संबंध में सहयोगी होने का भी क्योंकि अभी अनुभव संपन्न तो नहीं हुए हैं भैया ने कहा है कि पंखा चालू कर लीजिए तो मुझे आप एक सेकंड का समय दीजिए मैं थोड़ा उछल कूद करके है ना क्योंकि उसका स्विच कहीं और है अब क्योंकि क्योंकि में केवल है ना पिक्चर आधी ही आती है तो मैंने वैसे नीचे हाफ पैंट पहनी पे हुई है से देखने से ऐसा भ्रम हो सकता है कि पैंट शर्ट है तो ये भी आपको अब है ना सब दिख ही होगा तो कोई बात नहीं पारदर्शिता के साथ ही प्रस्तुति है जैसी स्थिति है वैसी ही अभिव्यक्त होगी है ना तो अब आगे बढ़ते हैं तो ये संप्रेषणा की बात हुई एक प्रश्न आया कि अध्ययन के लिए क्या व्यवस्था की आवश्यकता है इसमें व्यवस्था शब्द से क्या आशय है है ना उसको पहले पहचानना उसको अर्थ को लेना बहुत आवश्यक होगा किंतु मैं जिस तरह से इस बात को समझाऊं कि देखिए अध्ययन जैसे मैंने कहा था कि आदरणीय नागराज जी ने बहुत बढ़िया प्रावधान किया है कि सभी ज्ञान अवस्था के मानव मानव मतलब ज्ञान अवस्था में ही है तो सभी मानव अनुभव के जागृति के विश्राम के सत्यानुभूति के निकटवर्ती हैं, यानी सभी के लिए ये संभावना है तो पहली बात जो जहां भी है वहीं से अध्ययन का प्रारंभ कर सकता है इसके लिए ऐसे ही पहले जो मान्यताएं रही है कि भाई हमको मोक्ष की प्राप्ति करनी है या ज्ञान प्राप्त करना है तो पहाड़ों में जाना है जंगलों में जाना है ऐसा कोई यहाँ पे आवश्यकता नहीं है परंतु कई बार ऐसा लगता है कि क्या हमको जहां हम रह रहे हैं शहर में रह रहे हैं तो क्या शहर को छोड़कर गांव जाना पड़ेगा गांव में रह रहे हैं तो क्या किसी समूह में जाना पड़ेगा मैं उसको इस तरह से देखता हूं कि मेरी अध्ययन के लिए अनुकूलता कितनी है और अनुकूलता को तीन स्तर पे देखते हैं सबसे पहले तो अपने में देखना है कि मुझे कोई वस्तु समझ में आई है मेरी उसके प्रति निष्ठा है कि नहीं मैंने एक दो परिचय शिविर कर लिए हैं थोड़ा पठन भी कर लिया है तो पहली रिक्वायरमेंट तो ये है अध्ययन की अनुकूलता के लिए दूसरा अगर अनुकूलता है तो परिवार वालों के साथ में उसको शेयर किया जाए और देखा जाए कि परिवार वालों को भी कितनी सहमति बनती है अगर परिवार वाले भी सहमत हैं और लगता है कि पूरे परिवार को और आगे समझने के लिए कहीं किसी ग्रुप में जाने की आवश्यकता लगती है कुछ अनुकूलता लगती है क्योंकि अध्ययन वातावरण और संस्कार के मिले जुले मिलजुल कर ही आगे की स्थिति बनती है आगे परिमार्जन होता है अध्ययन होता है परंतु ऐसा कोई आवश्यकता नहीं आवश्यकता नहीं है कि हमको अपना घर बार छोड़ के किसी विशेष समूह के साथ जुड़ना है ये परिवार का निर्णय है अध्ययन के लिए अवधारणा के लिए जहां हमारी अनुकूलता बन जाए वहां परिवार की सहमति के साथ जाना अनुकूल है तो बिल्कुल जाया जाए लेकिन जबरदस्ती ऐसा कोई वो नहीं है कि कहीं अपने घर में बैठ के अध्ययन नहीं हो सकता है या अपने परिवार के साथ नहीं हो सकता है अध्ययन जहां है वहीं हो सकता है उसका प्रमाण के लिए जैसे जैसे हमारा अध्ययन होता है तो हम हम रास्ता खोजते ही रहते हैं और हमें मित्र मिलते ही रहते हैं तो मुझे लगता है कि मुख्य रूप से ये चार के करीब प्रश्न सुबह की है ना इसके लिए अजय भाई का धन्यवाद उन्होंने इसमें खूब सहयोग दिया क्योंकि मेरी अभी गजट के साथ हालांकि मैं टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा हूँ लेकिन जब से दर्शन के साथ आसक्ति आसक्ति हुई है इसको शब्द को आप साधारण रूप में रहें। जैसे सुबह अनुभव शब्द का प्रयोग हुआ था श्रम के लिए और विश्राम के लिए तो जब से इसके साथ जुड़ा हुआ है थोड़ी गजट में रुचि कम हो गई है परंतु जितनी आवश्यकता होती है उसका उतना है ना मैं मेरा भी सीखने का और समझने का प्रयास बना रहता है तो धन्यवाद अजय भाई एक प्रश्न और था कि कुछ उदाहरण देकर समझाना है बहुत स्पष्ट हुआ नहीं तो वैसे मेरी खुद की भी प्रवृत्ति बहुत सारी कथा कहानियां और उदाहरण देने की रहती है परंतु इस वो ज्यादातर तभी जागृत होती है अगर सेशन वन टू वन क्लास के अनुरूप चलता है ना शारीरिक सानिध्य भी बना रहता है तब वो चलता है अभी जो अगर कोई याद आ जाए तो मैं उस उदाहरण को यहाँ पे भी लगेगा तो आपके सामने शेयर करूंगा अब इस पुस्तक का पेज नंबर तो मैं फिर से कहूंगा जो भी होती है कुछ भी अगर प्रश्न बनते हैं तो मैं उसको कल सुबह लूंगा और अभी आगे का पठन करते हैं जितना हमारे भाई जी ने समय रखा है मेरा प्रयास है हालांकि उन्होंने तो वैसे खुली छूट दी है ये उनकी उदारता है परंतु प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती रहे तो मेरा प्रयास होगा कि ये चैप्टर कल शाम तक पूरा हो चारों सेशन में तो अब जो प्रश्न बनेंगे उनको हम कल सुबह पहले दस पंद्रह मिनट में लेंगे और आगे के फिर तीन पेज को पढ़ेंगे तो आप सबकी अनुमति है ही आपको हाँ कर सकते हैं और है ना मैं ये मानता हूं कि आप सब हाँ है तो आगे पढ़ने का मैं बढ़ता हूं तो हम यहां थे कि अगर फिर से अगर कनेक्ट कर लें तो सभी मानव विश्राम की अपेक्षा और आसम है विश्राम निर्भ्रमता ही विश्राम है यानी कि दूसरे शब्दों में समाधान बौद्धिक समाधान और भौतिक समृद्धि का अनुभव ही निर्भ्रमता है निर्भ्रमता के लिए हमने कहा जो जैसा है अस्तित्व में वास्तविकताएं है जैसी हैं, सत्ता में व्यापक अः संप्रक, संप्रकृत प्रकृति ही की ही सह अनुभूति होनी है अगर हम कहें ही विश्राम है तो दूसरे तो मैं ऐसा भी कह सकते हैं सत्यानुभूति ही विश्राम है यह है केवल जैसे हमने कहा रिपीटेशन भी लग सकता है लेकिन जिसको जो भाषा जिस शब्द से जुड़ाव बन जाए उस अर्थ में है तो सत्यानुभूति के लिए अध्ययन है और अध्ययन से ही सत्यानुभूति होती है उसके बीच में अनुभव मूलक विधि को फॉलो करने से अनुभवगामी विधि पूर्वक अध्ययन जब करते हैं अनुभव मूलक विधि से तो हमको अवधारणा होती है और अवधारणा के अनंतर अनुभव की प्राप्ति होती है सत्यानुभूति होती है और सत्यानुभूति के अनंतर क्या होता है कैसी उपलब्धि होती है उस अनुभूति और उपलब्धि को एक नाम दिया है परमानंद कि आत्मा जब सहस्तित्व में ये पेज नंबर फोर्टी सिक्स की नीचे की तीन चार लाइन है जो सुबह बची रह गई है मैं उन्हीं को रिपीट कर रहा हूं बोल्ड में लिखा हुआ है अति संतृप्त या परमानंद आत्मा जब सहस्तित्व में अनुभूत होती है तब इसके नित्य प्रभाव को परमानंद संख्या है अब यह स्थिति को कैसे व्याख्या किया जाए इसका ना कोई उदाहरण है ये तो जब होगी अपने में तभी पता चलेगी परंतु भास तो लग सकता है जैसे भी हमको जब जो भी विश्राम का डिजाइन हमने बनाया हुआ है अगर हमको उसी की प्राप्ति का भास होता है तो भी हमको अच्छा लगने लगता है अगर ये लग लिया जाए तो तो जैसे अवधारणा की स्थिति को मैनेज मैंने तो चेंज कर दें लेकिन अभी तो तो ये तो वाईफाई ये सोसाइटी की बात है इसमें ऐसा अब झेलना होगा पर मैं अपेक्षा रखता हूँ कि हाँ थोड़ा जल्दी रिकनेक्ट हो जाए करेगा क्योंकि वाईफाई के नजदीक हूँ वैसे वो ये इसको मनोरंजन के लिए प्रयोग करते हैं क्योंकि वाईफाई टीवी इसी कमरे में है तो ये भी उनके लिए भी धन्यवाद उन्होंने मुझे ये कमरा उपलब्ध कराया तो मुझे दूसरा भाग मेरे होने के स्वरूप मैं जीवन और शरीर का संयुक्त स्वरूप हूं यह मुझे पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाता है मैं जीवन हूं और जीवन रूप में अपने आप को स्पष्ट रूप से से उस जीवन रूप मेरी स्वीकृति मिलती है तो ये लगभग लगभग तो आत्मा में जो उसकी अनुभूति होगी वो कैसी होगी का भी हम अनुमान लगा सकते हैं कुछ भाष कर सकते हैं तो वही परमानंद की संज्ञा है अब ये कब होगी जब आत्मा की क्षमता योग्यता और पात्रता व्यापकता की अनुभूति करने योग्य सिद्ध हो जाती है उसी समय से सत्य की अनुभूति बनी रहे क्षमता तो अनुभूति योग करने की सिद्ध अब ये थोड़ा सा लग सकता है आत्मा को हम बहुत बड़ा मानते हैं बहुत अच्छा मानते हैं नित्य शांत शुद्ध बुद्ध है ऐसा फिर ये कह रहे हैं कि भाई अभी अनुभूति करने योग्य क्षमता तो है लेकिन अभी वो सिद्ध सबसे ज्यादा अच्छा कनेक्शन तो यहीं पर है इससे ज्यादा कहा जाया जाएगा वो योग्यता पूरा जो डिजाइन है वो सहस्तित्व का है और सहस्तित्व का ही प्रमाण होना है तो आत्मा के भी लिए मन, के की चित्त और बुद्धि के आवश्यकता होती है आंशिकता में सही व्यापक व्यापकता की अनुभूति कर फिर आनंद की बात करें तो सत्यानुभूत आत्मा का बुद्धि पर जब प्रभाव पड़े है अभी अपने में दान करने से ही अगर कोई सूत्र हमको स्पष्ट होता है तो वो हमको अच्छा लगता है उसमें जो खुशी मिलती है उस एक खुशी को कई बार कई गुना कर दिया जाए तो वही परमानंद और आनंद की स्थिति होगी अगला पेज चिदानंद तो सत्य सत्यानुभूत आत्मा का चित्र पर जो प्रभाव पड़ता है और इसे आहलाद या चिदान चिदानंद की संज्ञा है अब ये फैला रहे हैं कि भाई अब एक बार अनुभव हो गया तो सत्य अनुभूति हो गई तो कितनी बढ़िया बात है चित्त में उसको उसी अनुभव अनुभूति को चित्त के स्तर पर चिदानंद कहेंगे वही अनुभूति आत्मा का वृत्ति पर जो प्रभाव पड़ता है उसे उत्साह या शांति कहेंगे और जब सत्यनुभूत आत्मा का मन पर जो प्रभाव पड़ता है उसे उल्लास और या सुख कहेंगे तो मन के स्तर पर सुख के स्तर पर शांति चित्त के स्तर पर संतोष बुद्धि के स्तर पर आनंद और आत्मा के स्तर पर परमानंद इस तरह से सत्यानुभूत आत्मा का प्रभाव स्वयं में और बाकी मन वृत्ति आगे बढ़ रहे हैं कि सत्यानुभूत होना है अध्ययन होना है अध्ययन के लिए क्या क्या होना है और किस तरह की अध्ययन के बाद किस तरह की मानव परंपरा में उसका प्रकटन होना है तो इस तरह की कुछ बातें अब इसमें आगे होंगे अति थोड़ा है, जिसके फलस्वरूप संतुलन बिगड़ा हुआ है तो नैतिकता के लिए भी इन भौतिकता के संतुलन के लिए भी व्यवहारिकता का होना विवेक का होना आवश्यक है सूत्र है तो एक सूत्रता के लिए क्या क्या आवश्यक है साक्षाकार की बात कार्य में जो निष्ठा है यही समस्त व्यवहार एक से अनंत तक न्यायपूर्ण व्यवहार है समस्त व्यवहार एक से अनंत तक न्यायपूर्ण व्यवहार है तो न्यायपूर्ण व्यवहार को कैसे देख रहे हैं बहुत सिंपल रूप में न्यायपूर्ण न्यायपूर्ण व्यवहार इस तरह से दिखता है कि पहले हम पर धन तारी, पर पुरुष पर पीड़ा से मुक्त हो जाएं तो पर धन मतलब दूसरे का कमाया हुआ धन को कब्जा करना दूसरे के श्रम से जो प्राप्त धन है पर नारी जो समाज द्वारा स्वीकृत स्वयं पुरुष और नारी है वो पर नारी पर पुरुष पर पीड़ा दूसरों की टांग खिंचाई करना देश इस समय पड़े रहना दूसरों पर अपनी मान्यताओं को थोपना ये सब पीपीड़ी का स्वरूप का मतलब स्वयं श्रम से कमाया हुआ धन अः पुरुष पूर्ण आचरण के रूप में समाज की सुनी की दूसरा जो आहार विहार और व्यवहार यानी कायिक वाचिक और मानसिक गोष्ठी होती है उनको बताते कि इस समय कायिक वाचिक की एक सूत्रता है करते हैं कायिक वाचिक मानसिक यानी काया से और आहार व्यवहार करते हैं तथा तो लोगों के असंग्रह है यानी समृद्धि का भाव है सबके प्रति स्नेह का भाव है सरलता है यानी कि अभिमान नहीं है और विद्या विज्ञान और विवेक है और भय नहीं है कि विश्वास पूर्वक है सबकी अस्तित्व के प्रति विश्वास और स्वयं के प्रति विश्वास है धर्म की एक सूत्रता का स्वरूप है अन्यथा में इसके अगर संग्रह और शोषण में लगे होते हैं वे में लगे होते हैं अभिमान में होते हैं और अज्ञान में होते हैं और भय में होते हैं होता है और न्याय धर्म सत्य की एक सूत्रता नहीं बन पाती है और इसके लिए क्या आवश्यक है धीरता वीरता उदारता सहित व्यवहार ही न्याय धर्म सत्य की एक सूत्रता है यानी कि हमारा व्यवहार धीरता वीरता उदारता नेट में अभी भी मुझे ऐसे बार बार मेरा ध्यान तो रहा है जो हालांकि मैं पूरी तरह नहीं पढ़ पा रहा हूं लेकिन ऐसा फीडबैक आ रहा है कि नेट की प्रॉब्लम आ रही है और इसको मैं अब इस सेशन के बाद में और थोड़ा शोध करूंगा यहाँ पे तो, तो पूरे सेशन का ही या फिर टेक्नो पहले टेक्नोलॉजी का इंतजाम देखेंगे नहीं तो फिर और इसका विकल्प खोजेंगे तो अभी तो मेरा प्रस्ताव है क्योंकि तुरंत ही कुछ भी वैकल्पिक व्यवस्था होना थोड़ा होगा तो मैं इस सेशन को अभी सुबह की तरह चालू हुई रखता हूँ और मैं मानता हूं कि आप सब इसमें मेरा साथी देंगे आप सबको थोड़ी वाक्य को समझने में शब्द को समझने में दिक्कत आ रही है ऐसा मुझ तक मैसेज आ रहा है क्योंकि मैंने भी इसको सुबह देखा जब अपनी रिकॉर्डिंग को मैं सुनने गया तो बहुत स्पष्टता नहीं नजर आई तो क्यों इसका कारण है इसको टेक्निकल को थोड़ा देखेंगे परंतु अभी तो इसको अगर आप सबकी सहमति है ही तो मैं आगे बढ़ता हूं अगर बहुत ज्यादा व्यवधान होगा तो रोक देंगे फिर है ना ऐसा करेंगे लेकिन ठीक है लगभग सभी का कमेंट वीरता उदारता सही सत्य की एक सूत्रता है तो मानवीय स्वभाव यह बात है और मैं मानता हूं कि मैंने बहुत सोच पूर्वक भी है तो धीरता वीरता उदारता के साथ जब व्यवहार करते हैं तो न्याय धर्म सत्य में एक सूत्रता बन पाती है एक सूत्रता का अर्थ है परस्पर जागृति के लिए पूरक तथा सहायक हो जाना ऊपर वर्णित एक सूत्रता के अपेक्षाकृत अध्ययन के आधार पर मानव अपने ह्रास एवं जागृति के कारण भ्रांत भ्रांता भ्रांत तथा एक सूत्रता के आधार पर जो व्यवहार होता है वो पूर्ण हो पाता है तो निर्भ्रांत अवस्था है उसी को हम देवपद, देवपद या अति मानवेता कहते हैं और अगर न्याय धर्म सत्य के आधार पर हमारा परिवार में जीना बन पा रहा है तो उसको हम भ्रांत अभ्रांत पद भी कह रहे हैं जिसको हम क्रिया पूर्णता की स्थिति कहते हैं निर्भ्रांत अवस्था को आचरण पूर्णता की स्थिति कहते हैं और अगर न्याय धर्म सत्य केवल नहीं है और उसमें केवल सत्य का या न्याय का कुछ भास मात्र है अपेक्षा मात्र है अपेक्षा होने की वजह से क्रिया पूर्णता नहीं होती है न्याय धर्म सत्य का साक्षात्कार नहीं हुआ होता है तो केवल भ्रांत अवस्था ही उसको कहेंगे निर्भ्रांत मानव से ही एक सूत्रता सफल है इसीलिए यह सिद्ध होता है निर्भ्रांत मानव बनने के लिए सामाजिकता की परम आवश्यकता है निर्भ्रांत मानव से ही एक सूत्रता सफल है अब न्याय धर्म सत्य धीरता वीरता उदारता स्वभाव न्याय धर्म सत्य की स्पष्टता यह निर्भ्रांत मानव से ही स्पष्ट हो पाती है और तभी दूसरे व्यक्तियों तक जा पाती है तो इसलिए इसकी एक सूत्रता होने के लिए एक निर्भांत मानव का होना आवश्यक है जिससे जागृति की परंपरा समाज में हो पाए उसी को सामाजिकता कह रहे हैं विवेक एवं विज्ञान के संतुलित अध्ययन तथा व्यवस्था के अभाव में मानव में एक सूत्रता नहीं पाई जाती तो एक सूत्रता के लिए क्या करना है विवेक और विज्ञान का संतुलित अध्ययन करना है विवेक और विज्ञान का संतुलित अध्ययन के लिए अगले प्रश्न में बता रहे हैं भौतिक रासायनिक प्रयोगों के अध्ययन को भौतिक विज्ञान की संज्ञा है एवं बौद्धिक अध्ययन को वेग संज्ञा है वेग पूर्वक लक्ष्य का निर्धारण होता है तथा विज्ञान द्वारा लक्ष्य प्राप्ति के लिए दिशा का निर्धारण होता है तो इन बिंदुओं को हम फिर से करते हैं कि सत्य अनुभूति आवश्यक है निर्भ्रमता ही विश्राम है विश्राम को समाधान के रूप में हमने देखा समाधान को दो भागों में देखा एक भौतिक समृद्धि के रूप में अनुभव और एक एक भौतिक बौद्धिक समाधान के रूप में अनुभव तो भौतिक समृद्धि के लिए भौतिक रासायनिक प्रयोगों का अध्ययन आवश्यक है उसके लिए उत्पादन आवश्यक है तो उत्पादन विज्ञान का अध्ययन से ही होगा और बौद्धिक अध्ययन को वेद की संज्ञा है अस्तित्व में जो भी वास्तविकताएं है, हैं न्याय धर्म सत्य जिस अर्थ में है विकास कम विकास जागृति कम जागृति इस सब का जो अध्ययन है इसको हम विवेक कह रहे हैं तो दोनों के विवेक पूर्वक लक्ष्य का निर्धारण होता है जब हम अस्तित्व को समझते हैं अस्तित्व के प्रयोजन को समझते हैं मानव के स्वरूप को समझते हैं जो शरीर और जीवन का संयुक्त स्वरूप है तो हमको मानव लक्ष्य समझ में आता है जीवन लक्ष्य समझ में आता है विवेक तो पूर्वक अध्ययन से हमको पता चलता है कि मानव का लक्ष्य समाधान समृद्धि अभय सहस्तित्व है जो जीवन लक्ष्य सुख शांति संतोष आने के रूप में है और मानव लक्ष्य और जीवन लक्ष्य दोनों ही अन्योनाश्रित हैं हम मानव लक्ष्य को पूरा करने जाते हैं तो जीवन लक्ष्य पूरा होता है जीवन लक्ष्य को पूरा करने के लिए अध्ययन करते हैं तो मानव लक्ष्य को पूरा होता है दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं जो विज्ञान द्वारा लक्ष्य प्राप्ति के लिए दिशा का निर्धारण विवेक से ही होता है लक्ष्य का निर्धारण इस तरह अध्ययन से होता है फिर तो उसको कैसे करना है कहाँ जीना है कैसे जीना है उसके लिए हमको विज्ञान के अध्ययन की आवश्यकता होती है और हम इस तरह से पूरे समाधान के लिए सत्यानुभूति के लिए अवधारणा के लिए दोनों का अध्ययन की आवश्यकता होती है इसीलिए आगे कहा है बौद्धिक अध्ययन की पूर्णता से ही व्यापकता का बोध है जब हम बौद्धिक पक्ष का अध्ययन करते हैं यानी कि जागृत व्यक्ति का अध्ययन करते हैं जागृत व्यक्ति के आचरण का जो अभी बताया ऊपर कि निर्भांत मानव यानी निर्भ्रांत मानव का अध्ययन करते हैं तो उसी उसी को बौद्धिक अध्ययन की बात कह रहे हैं उस अध्ययन से ही व्यापकता का बोध है उससे ही अवधारणा और उससे ही अनुभव की स्थिति बन पाती है बहुत, भौतिक समृद्धि के लिए भौतिकी अध्ययन एवं कर्म अभ्यास आवश्यक है जो कि उपयोग और सदुपयोग दोनों में है। साथ ही समस्त अध्ययन कर्म आवश्यकता की पूर्ति हेतु उत्पादन सदुपयोग क्रियाएं जागृत बुद्धि के अभाव में सिद्ध नहीं है अतः हम मानव बौद्धिक अध्ययन हेतु बाध्य है अब किसी को अनुमान बन सकता है कि भाई बौद्धिक अध्ययन के अभाव में कम से कम हम विज्ञान का अध्ययन कर लेते हैं विवेक को छोड़ दें तो कम से कम बहुत भौतिक समृद्धि को तो पा ही लेंगे इस सूत्र से ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ऐसा संभव नहीं है बल्कि आज अगर देखा जाए तो भौतिक क्षेत्र में तो हमने बहुत अधिक उत्पादन कर लिया है आज जितनी मानव की आवश्यकता है तकनीकी के आधार पर हमने बहुत ज्यादा उत्पादन कर लिया है लेकिन बौद्धिक अध्ययन के अभाव में हम उसका सदुपयोग नहीं कर पाते हैं बल्कि मानव का और प्रकृति का दोनों का ही शोषण कर रहे हैं तो धरती ऐसी स्थिति में पहुंच गई है कि जो मानव के जीने को ही सपोर्ट नहीं कर पा रही है चारों अवस्थाओं का संतुलन लगभग बिगड़ ही गया है तो इस तरफ ये इशारा कर रहे हैं कि हम मानव के लिए बौद्धिक अध्ययन बौद्धिक अध्ययन हमारी बाध्यता है क्योंकि उसके बिना भौतिक समृद्धि भी सुनिश्चित नहीं रह पाए चाहे कितना ही हम टेक्नोलॉजी को बढ़ा लें कितना ही हम जिसका आज हम उदाहरण देख ही रहे हैं तो बौद्धिक अध्ययन करना अस्तित्व को समझना ये हमारी बाध्यता है ये इसके बिना हमारा गुजारा नहीं है अब अध्ययन किसको कह रहे हैं बौद्धिक अध्ययन अब फिर से थोड़ा सा रिपीटेशन लग सकता है लेकिन इस सूत्र को देखते हैं अध्ययन के मूल में जड़ चैतन्य पक्ष का जड़ चैतन्य पक्ष के मूल में ह्रास एवं विकास का ह्रास एवं विकास के मूल में श्रम गति व परिणाम का विकास के अर्थ में परिणाम का अमृत श्रम का विश्राम गति का गंतव्य श्रम गति व परिणाम के मूल में इकाईत्व का इकाई के मूल में साम्य रूप से प्राप्त ऊर्जा रूपी सत्ता में अनुभव करने वाली विश्रामस्थ जीवन इकाई का अध्ययन आवश्यक है अब अध्ययन के लिए किस किस का अध्ययन होना है और क्या क्या आवश्यकता है उसको भी अच्छे से स्पष्ट किया है तो एक एक चीज को देख लेते हैं तो अध्ययन के मूल में जड़ और चेतन पक्ष का अगर अब इस पूरे सूत्र को देखेंगे तो सत्ता है व्यापक सत्ता है सत्ता में संप्रक इकाई और हर दो ही तरह की इकाइया हैं जड़ और में जड़ इकाइया हैं जो पदार्थ अवस्था प्राण अवस्था के रूप में प्रकट होती हैं और चैतन्य पक्ष यानी कि जीवन जीवन परमाणु के रूप में जिसको हम पहचानते हैं अब जड़ और चेतन के पक्ष के मूल में क्या है ह्रास एवं विकास क्रम है तो विकास क्रम विकास की यहां पर बात हो रही है इसका अध्ययन होना है एक दो अंश के परमाणु से लेकर जो ह्रासव विकास के मूल में श्रम गति वे परिणाम का सिद्धांत है कि यानी कि श्रम का मतलब है जो मूल चेष्टा है विकास के लिए क्योंकि व्यापक में संपक्त होने से ऊर्जा और प्रेरणा प्राप्त है उसी से जागृति के लिए विकास के लिए मूल चेष्टा प्राप्त है उसी के लिए जो प्रयास है उसको श्रम कह रहे हैं उसके आधार पर कोई ना कोई इकाई का एक इक गठन है उसको परिणाम कह रहे हैं और उस गठाई का एक आचरण है तो उसको एक गति भी कह रहे हैं इस तरह से हर इकाई में नित्य श्रम और गति तीनों साथ साथ हैं इसी को कह रहे हैं विकास के अर्थ में परिणाम का अमृत तो जड़ में जब विकास होता है तो विकास होते होते परिणाम का अमृत हो जाता है अगर कोई परमाणुओं का को जो गठन है वो बदल रहा है उसमें परिवर्तन हो रहा है किस अर्थ में हो रहा है ताकि वो परिणाम के अमृत तक पहुंच जाए वो उसका विकास की स्थिति है तो परिणाम का अमृत ही है कि गठन परमाणु का हो जाना लेकिन अभी श्रम का विश्राम नहीं है तो ये तो चैतन्यक्वाई हुई फिर उस, उस उसके क्रम में ही शरीर का हो जाना प्राण अवस्था का हो जाना अनेक प्रकार के जीव अवस्था के शरीरों का निर्माण हो जाना और फिर मानव शरीर का प्रकट हो जाना उस मानव शरीर में ही जब चेतन परमाणु आता है तो वहीं पर मानव परंपरा में ही श्रम का विश्राम होना है जिसके लिए निर्भ्रमता की आवश्यकता है विश्राम के लिए गति का गंतव्य यानी आचरण पूर्णता विश्राम के साथ जब हम गति बनी रहती है आचरण की पूर्णता होती है तो गंतव्य तक पहुँचते हैं श्रम गति वाम के मूल में इकाई का तो हर अब श्रम गति परिणाम कहाँ होगा ये ये तीनों प्रक्रिया है श्रम प्लस गति परिणाम किसी ना किसी इकाई में ही और इकाई के मूल में भी क्या है व्यापक से जैसे हमने कहा कि मूल रूप है साम्य ऊर्जा सभी इकाई को प्राप्त है और और दूसरी बात अनुभव करने वाली सत्ता में ऊर्जा रूपी सत्ता में अनुभव करने वाली विश्रामस्थ विश्रामस्थ का मतलब ऐसी इकाई जिसको विश्राम की प्राप्ति हुई हो उसी को हम जागृत मानव कह रहे हैं उसी को हम आ, समाधान समाधानित मानव कह रहे हैं उसी को हम सत्यानुभूत मानव कह रहे हैं उसी को अनुभव संपन्न मानव कह रहे हैं तो ऐसी भी इकाई का अध्ययन आवश्यक है और एक्चुअली में देखा जाए तो हमारी जो भी मध्यस्थ दर्शन को समझने में लगे हुए हैं ऐसी निष्ठा है ऐसा हम मेरा भी ऐसा ही स्वीकार्यता है आदरणीय नागराज जी विश्रामस्थ इकाई है और जो उनका लिखा हुआ है जो, हुआ है, जो उन्होंने संप्रेषित किया है जब हम उनके साथ रहे या जो उन्होंने लिख के दिया है उसी को हम पढ़कर उन शब्दों से अर्थों को लगाकर वस्तुओं को वास्तविकताओं को देखने का प्रयास कर रहे हैं यही अध्ययन है तो इस पूरे इस सूत्र में अध्ययन किस चीज का होना है तो अगर इस सूत्र का एक संक्षिप्त रूप में कहें तो सत्ता में संप्रतिकाई यानी अस्तित्व अस्तित, सहअस्तित्व है और उसमें जो विकास क्रम विकास है जागृति क्रम जागृति है उसी का अध्ययन होना है और उसी के अध्ययन में अपना मूल्यांकन करते हुए हम जहां पर भी है अपने लिए अध्ययन करते हुए अभ्यास करते हुए परिमार्जन की स्थिति को पाना है प्रत्येक अवस्था के परमाणु क्रियाशील हैं इन सबको सम्यक रूप से प्राप्त सत्ता शून्य व्यापक ही है तो ये इसमें तो कोई पक्षपात नहीं है कि ये तो हर एक कोई प्राप्त है बिल्कुल स्पष्ट है अनंत इकाइया व्यापक वस्तु में प्रेरणा पाते हुए क्रियाशील है मानव व्यापक वस्तु में प्रेरणा पाते हुए अनुभव के लिए प्यासा है अनुभव हेतु अर्हता के अभाव में ही इसके योग क्षमता योग्यता पात्रता के विकास के लिए मानव श्रमशील है अथवा श्रम में व्यस्त है शुरुआत में कहा कि सभी मानव जो अस्तित्व सहज प्रयोजन कि सभी मानव सारा प्रयास सारा श्रम विश्राम के लिए है उसी बात को यहां दूसरे शब्दों में कहा है क्या कहा है कि अनंत व्यापक वस्तु तो में प्रेरित हैं, प्रेरणा पा ही रहे हैं व्यापक किसी को प्रेरित नहीं कर रहा है क्योंकि व्यापक तो करता नहीं है व्यापक में होने भर से ही सभी इकाइया प्रेरित हैं प्रेरणा पाते हुए क्रियाशील हैं क्रियाशील हैं तो भिन्न विभिन्न रचनाएं हमारे सामने हैं जिसके फलस्वरूप ही अ, अनेक धरतियां हैं धरतियों पर पदार्था समृद्ध होती है प्राण अवस्था समृद्ध होती है जीव अवस्था समृद्ध होती है मानव व्यापक वस्तु में प्रेरणा पाते हुए अनुभव के लिए प्यास है उसमें अनुभव की प्यास है वही प्रेरणा प्रेरणा पाते हुए क्योंकि भी को भी प्रेरणा प्राप्त है आत्मा में बुद्धि में चित्त में वृत्ति में मन में भी सहस्तित्व का प्रभाव है ही प्रेरणा प्राप्त है ही उसी के लिए जीवन में मानव में अनुभव के लिए प्यास बनी हुई है इसी के लिए जब तक ये अनुभव की स्थिति नहीं बनती है हम अपने में अधूरापन देखते रहते हैं इसीलिए जो भी हम अपना सामिक लक्ष्य बनाते हैं जिसको हम अंतिम उपलब्धि मानते हैं उसमें हम तनमधन लगाते हैं और उस उपलब्धि को जो भी उपलब्धि निर्धारित करते हैं उसको पाने के बावजूद भी अधूरापन का एहसास बना रहता है वो इसीलिए कि अभी पूर्णता की प्यास उसमें है ही जो पूर्णता की अवस्था है वो भी हमने प्राप्त नहीं की है अनुभव की प्यास तो है लेकिन अनुभव के हेतु हेतु अभी नहीं है उसके अभाव में ही इसकी योग्यता क्षमता और पात्रता हमें बन जाए उसी के लिए हम श्रमशील है दूसरे शब्दों में हमारा पुरुषार्थ अध्ययन के लिए अवधारणा के लिए है उसी के फलस्वरूप सत्यानुभूति होगी अनुभव होगा ऐसा फिर से इसी सूत्र में बताया गया इसी बात को फिर स्पष्ट किया है ज्ञान अनुभूति के बिना मानव में विश्राम नहीं है इसको बार बार याद दिलाना क्यों मैंने सुबह भी बताया था क्योंकि और बार बार याद दिला रहे हैं कि भाई हमने तो अपने में हमारी मान्यताएं बड़ी दृढ़ है हमारी मान्यता जिंदगी भर की कमाई है ऐसे ही तो हम उठा के फेंक नहीं सकते वो मान्यताएं हमें बहुत गहरे से अंकित है बहुत गहरे से हमने उनको संजो के रखा हुआ है वो निकलती नहीं है इसीलिए विभिन्न दृष्टिकोण से भिन्न भिन्न तरीके से आदरणीय नागराज जी ने जैसे उन्होंने हर भ्रमित इकाई का और पूरे सृष्टि का अनुभव किया है पूरे देखा है तो ये पता लगा है कि मानव कितने कोनों से सोच सकता है इसलिए बार बार कह रहे हैं कि और कोई तरीका नहीं ज्ञान अनुभूति के बिना मानव में विश्राम संभव ही नहीं है इसीलिए जागृति का भाव नहीं है क्योंकि अस्तित्व में इसकी व्यवस्था है ये कारण नहीं है कि श्रम का क्षोभ है बल्कि ये लक्षण है क्योंकि श्रम का क्षोभ ही विश्राम की त्रशा है क्योंकि हम जो भी श्रम करते हैं जो भी उपलब्धि प्राप्त करते हैं तो क्षोभ ही रहता है जैसा फल परिणाम चाहते हैं जो तृप्ति यानी परमानंद चिदानंद सुख शांति संतोष आनंद की जो अपेक्षा है जो हमने मानव परंपरा में सुन भी लिया है और स्वयं में भी अपेक्षा है वो पूरी हो नहीं पाती है तो क्षोभ ही रहता है और उससे हमको अनुभव के लिए प्यास बनी रहती है तो ये कह रहे हैं कि ज्ञान वो पूरी नहीं होगी जब तक ज्ञान की अनुभूति नहीं हो जाएगी अब यहाँ ज्ञान अनुभूति कह दिया उसी को सत्य अनुभूति भी कहा तो कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है व्यापक के बहुत सारे नाम दिए गए हैं व्यापक ज्ञान सत्य सहस्तित्व व्यापक और इकाई का साथ साथ होना सहस्तित्व तो सहस्तित्व अनुभूति सत्य अनुभूति ज्ञान अनुभूति सब एक ही बात है अनुभव इसमें कोई कंफ्यूजन की आवश्यकता नहीं तो जब तक ज्ञान की अनुभूति नहीं हो जाती है तब तक श्रम का क्षोभ बना रहना है विश्राम की त्रषा यानी विश्राम की प्यास बनी ही रहनी है यह पूरा तो तभी होगा जब ज्ञान की अनुभूति सत्य की अनुभूति हो जाएगी उसके लिए क्या करना है अवधारणा होनी है सत्यबोध होना है सत्य बोध के लिए अध्ययन करना है और अध्ययन किसका करना है उसका उसकी चर्चा चल रही है और अब उसके लिए क्या क्या करना है इसकी भी आगे बात बता रहे हैं व्यवसाय प्रयोग व्यवहार उपयोग व सदुपयोग की क्रिया प्रक्रिया पद्धति वे उपलब्धियां प्रधानतः विवेक सम्मत विज्ञान के अध्ययन पर निर्भर है एक साथ साथ में दोनों को लेकर चलना है भौतिक समृद्धि और बौद्धिक समाधान तो ज्ञान विभूति के लिए बौद्धिक समाधान बौद्धिक अध्ययन और भौतिक समृद्धि के लिए व्यवसाय करना है प्रयोग करना है मानव मानव के साथ व्यवहार करना है जो हम व्यवसाय से वस्तुओं का उपयोग करते हैं उत्पादन करते हैं उनका सदुपयोग की क्रिया की सदुपयोग यानी कि पूर्णता के अर्थ में उपयोग करना शरीर स्वस्थता के अर्थ में उपयोग करना न्याय धर्म सत्य के अर्थ में उपयोग करना उसकी क्रिया प्रक्रिया पद्धतियां वह उपलब्धियां उपलब्धियां प्रधानते विवेक सम्मत विज्ञान जब हमें विवेक संपन्न हो जाता है तभी भौतिक समृद्धि भी संभव है उसके बिना भौतिक समृद्धि हम अधिक उत्पादन कर लें और अंदर में हमको स्वयं में भौतिक समृद्धि का अनुभव हो जाएगा अनुभूति हो जाएगी वो संभव नहीं तो वो बाध्यता है फिर से इस बात की तरफ ध्यान देना है अनुभव प्रमाण बोध की संप्रेषणा तंत्र के माध्यम से होता है यह मानव परंपरा में ही होता है तो शरीर की अब ध्यान आकर्षण कराया कि देखिए केवल ऐसा नहीं कि हमको ज्ञान उपलब्ध हो जाए और पुस्तकें उपलब्ध हो जाए निर्भ्रांत मानव भी उपलब्ध है उसके साथ साथ स्वस्थ शरीर की भी आवश्यकता है क्योंकि ये संप्रेषणा और समझ ये अध्ययन उसके लिए मेधस तंत्र के माध्यम से ही दोनों होता है शरीर में जो मेधस तंत्र है अनुभव प्रमाण बोध तो जो निर्भ्रांत इकाई है जागृत इकाई है अनुभव संपन्न इकाई है वो अपने अनुभव प्रमाण और बोध की जो संप्रेषणा है वो मेधस तंत्र के द्वारा शरीर के द्वारा और वो मानव परंपरा में ही करता है अगर किसी की ऐसी मान्यता है कई बार ऐसा प्रश्न आ ही जाता है शिविर में पूछते रहते हैं कि भाई शरीर की क्या आवश्यकता है समझने वाला जीवन है समझाने वाला जीवन है तो जीवन ही जीवन को समझा दे बिना शरीर बिना धरती पे जन्म लिए ऐसा हो जाए तो कितना बढ़िया है पर ऐसा है नहीं तो अध्ययन तो जो है उसी का है ऐसा होता नहीं है यह मानव परंपरा में ही होता है इसीलिए शरीर के भी महिमा है इसीलिए चारों अवस्थाओं में स्वन की भी आवश्यकता है जागृत मानव एवं मनोवेक के बराबर में उपलब्धि मानवीय परंपरा है जागृत मानव एवं मनोवेक के बराबर में उपलब्धि मानवीय परंपरा है ध्यान तो जो कमेंट आ रहे हैं उस तरफ जाता ही है लेकिन तो क्योंकि पढ़ना दूसरी तरफ होता है तो वो कमेंट्स को बार बार नहीं देखा जा सकता है परंतु अभी मेरा एक कमेंट की तरफ ध्यान गया कि परंपरा में विश्राम की स्थिति को ही मोक्ष कहा है समाधान को ही मोक्ष कहा है ब्रह्म मुक्ति को को ही ब्रह्म मुक्ति ही मोक्ष कहा है तो इस अर्थ में विश्राम की स्थिति को मोक्ष भी कह सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है शब्द कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं हमको स्थिति क्या है उसका अगर हमको वस्तु दिखती है तो वस्तु के लिए किस भाषा का प्रयोग करना है कौन सा शब्द इस्तेमाल करना है वो हमारी स्वतंत्रता है अपना बच्चा है कुछ भी नाम दे दो अपने प्यारा सा बच्चा है उसको गोलू मोलू है ना सुंदर कुछ भी बुला लें लेकिन बच्चा होना चाहिए बच्चा है तो बढ़िया है जागृत मानव एवं मनोवेग के बराबर में उपलब्धि मानवीय परंपरा में ही है श्रम गति एवं परिणाम परस्पर निम्न निम्न अनुसार परिलिक्षित है गति एवं परिणाम के फलन में उपलब्धि श्रम है श्रम एवं गति के फलन में उपलब्धि परिणाम है परिणाम एवं श्रम के फलन में उपलब्धि गति है इसकी व्याख्या पिछले भी चैप्टर में की गई है ये तीनों का इकाई में साथ साथ होना ही है ये अविभाज्य हैं हर इकाई में श्रम गति और परिणाम हर इकाई तभी वो क्रम यानी कि श्रम एक इकाई में श्रम भी है गति भी है और एक गठन भी है उसी इकाई में तीनों के संयोग से तीनों के योग से अगली स्थिति के लिए प्रयास बनाई रहता है और उस, उस वो जब एक एक गठन के साथ जब श्रम एक आचरण होता है और उसमें श्रम होता है तो अगला गठन मिलता है उस गठन का आचरण होता है फिर श्रम लगता है तो अगले गठन की उपलब्धि होती है अगला आचरण होता है और फिर श्रम होता है तो ये श्रम और गति और परिणाम की अनन्यता यानी एक सूत्रता और साम्यता बनी ही रहती है पूर्व में वर्णन किया जा चुका है कि विकसित इकाई में अव, अविकसित और समान इकाई को पहचानने व समझने की प्रवृत्ति है उसी के तारतम्य यह परिलक्षित होता है कि ज्ञान अवस्था की एक सामान्य इकाई ने अवस्था की अनेक इकाइयों का उपयोग सदुपयोग व दुरुपयोग भी किया है इसी क्रम में जीवावस्था की एक सामान्य इकाई प्राण अवस्था की अनेक तथा प्राण अवस्था की एक सामान्य इकाई पदार्थ अवस्था की अनेक इकाइयों के लिए पूरक होते हैं जागृति के क्रम में प्राप्त क्षमता योग्यता प्राप्त पात्रता के आधार पर भी उक्त सिद्धांत ही परिलक्षित होता है। वर्णन कर चुके हैं कि विकसित इकाई में अविकसित और समान इकाई को पहचानने समझने की प्रवृत्ति होती है तो जो समझदार इकाई है जो विकसित इकाई है यानी अनुभव संपन्न इकाई है वह अविकसित अविकसित यानी कि पदार्थ अवस्था प्राण अवस्था और जीव अवस्था का सदुपयोग करती है सुरक्षा करती है परंतु अगर अगर हम यह भी हमको देखने में आता है कि जो ज्ञान अवस्था की एक सामान्य इकाई है अगर वो भ्रमित है तो उसने तीनों अवस्थाओं का दुरुपयोग भी किया है ये तो परिलिक्षित हो रहा है परिलिक्षित मतलब सर्वेक्षित हो रहा है हमको दिखता ही है परस्परता में और लेकिन बाकी इकाइयों को अगर हम देखते हैं तो जो अवस्था की इकाई और प्राणवस्था की इकाई और पदार्थ अवस्था की इकाइयों में पूरकता है वो दुरुपयोग नहीं करते हैं तो अवस्था की इकाई प्राण अवस्था की इकाई की अनेक इकाई और प्राण अवस्था की इकाई पदार्थ अवस्था की इकाइयों के पूरक होते हैं उनका उपयोग करते हैं और उनके पूरक होते हैं पूरक जो अभी बताया कि सामाजिकता में ज्ञान अवस्था की इकाई जागृत होकर ही बाकी सब इकाइयों के पूरक हो पाती है अन्यथा वो बाकी इकाइयों का भी दुरुपयोग करती है भ्रमवश अपने सुख की तलाश में करती रहती है ज्ञान अवस्था की अगली लाइन को मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आप अपने आपने पास ये संस्करण आपको चाहे ई बुक के रूप में चाहे पुस्तक के रूप में उपलब्धि होगा और हम साथ साथ पढ़ी रहे ज्ञान अवस्था की एक निर्भ्रांत इकाई अनेक, अनेक भ्रांता भ्रांत तथा भ्रांति इकाइयों के लिए अनुसरण योग्य तथा समाधान की ओर प्रेरक सिद्ध हुई है ये तो स्वयं ही है कि ज्ञान व्यवस्था की जो भी परंपरा में भी अगर कोई ऐसे लोग रहे हैं जो इसमें जैसे कृतज्ञता चैप्टर में भी ध्यान आकर्षण कराया गया है कि ज्ञान अवस्था जो अनुभव संपन्न व्यक्ति होता है वो क्रियापूर्ण यानी कि जो प्रावधान को प्राप्त है उनके लिए भी ताकि आगे भी वो देव मानव देव मानव की ओर अग्रसर हो पाए जागृति की ओर बढ़ पाए तथा ध्यान तिकाइयों के लिए अनुसरण योग्य तथा समाधान की ओर प्रेरक है समाधान और प्रेरणा देती हैं ये जो पुस्तक है जो वांग में है ये उसका ही स्वरूप है ये एक तरह से आदरणीय नागराज जी का जो समाधान पूर्ण विचार है वही प्रस्तुत है और उन्हीं से उन्हीं का हम अध्ययन करते हुए उन्हीं से कि उनका उनका जो ज्ञान है जो ये लिखे हुए को भी देखते हैं और जिन लोगों ने उनके साथ समय गुजारा है तो उनका जो विश्वासपूर्वक जीना है वो उनका जीना देख देखना हम, हम लिए प्रेरक सिद्ध हुआ ही है। तो मानवीय परंपरा में ऐसी अवस्था ही है क्योंकि मानव में सारा श्रम विश्राम के लिए है और आ, विश्राम आ, और आ, आ, सत्ता में संपर्क प्रकृति होने से सभी को प्रेरणा प्राप्त होने से शोध की अनुसंधान की प्रेरणा प्राप्त है और इस प्रेरणावश कोई ना कोई मानव अनुसंधान करता ही है और वो अनुसंधान बाकी सब मानवों के लिए प्राप्त हो ही जाता है यह अस्तित्व की महिमा है यह स अस्तित्व की महिमा है और इसी से हम संतुलन को प्राप्त हो सकते हैं पदार्थ इसी के लिए इसी अर्थ में अगले अगले सूत्र को देखते हैं पदार्थ अवस्था में अस्तित्व यथा स्थिति में संतुलन क्रिया प्राण अवस्था में अस्तित्व एवं पुष्टि और यथास्थिति में संतुलन क्रिया जीव अवस्था में अस्तित्व पुष्टि no तथा जीने की आशा सहित उपभोग प्रवृत्ति और यथा स्थिति में संतुलन क्रिया ज्ञान अवस्था में अस्तित्व पुष्टि जागृति पूर्वक जीने की आशा सहित समाधान समृद्धि अभय सहस्तित्व को प्रमाणित करने के रूप में संतुलन क्रिया अध्ययन के लिए संपूर्ण वस्तु है तो विश्राम की एक स्थिति संतुलन भी है कि हम नियम मीयं, नियंत्रण संतुलन पूर्वक अपना जीना प्राप्त कर सके उस स्थिति को प्राप्त कर सकें तो बाकी अवस्थाओं में अगर देखते हैं तो पदार्थ अवस्था में तो यथास्थिति में क्योंकि उसमें केवल होने की होने का उसका धर्म है उसके धर्म के अनुसार ही उसमें यथास्थिति बनी रहती है और उसमें वो संतुलित रहता है प्राण अवस्था जो संतुलित होती है अस्तित्व के साथ साथ जो पुष्टि उसका धर्म है उसमें जो यथा स्थितियां बनी हुई हैं वो संतुलित ही हैं अगर मानव का हस्तक्षेप नहीं रहता है तो पदार्थ और हस्तक्षेप भी नेगेटिव हस्तक्षेप नहीं रहता है तो वो पदार्थ अवस्था प्राण अवस्था और जीव अवस्था संतुलन में ही है जैसे जीव अवस्था में भी अस्तित्व यानी होने के साथ साथ पुष्टि और और उसके साथ जीने की आशा के सहित उनमें जो यथास्थिति है उसमें संतुलन क्रिया बनी रहती है वो जीने की आशा उनका धर्म है ज्ञान अवस्था में ये आवश्यक है ये बाध्यता है कि अस्तित्व पुष्टि और जागृति पूर्वक जीने की आशा के सहित सुखपूर्वक जीने का जब तक लक्ष्य पूर्वक जीने का नहीं आ जाता है यानी कि समाधान समृद्धि अभय तथा सहस्तित्व को प्रमाणित करने योग्य नहीं हो जाते हैं वैसे वही अध्ययन उसके साथ ही संतुलन क्रिया हो पाएगी तभी चारों अवस्थाओं में संतुलन हो पाएगा अन्यथा तो संतुलन की क्रिया पाना चारों अवस्थाओं में संतुलन को प्राप्त करना विश्राम को प्राप्त करना थोड़ा सा मुश्किल काम रहेगा समय और दो तीन मिनट लगेंगे ये हम इस चैप्टर को पूरा कर लेते हैं जागृति के मूल में यह सिद्धांत है कि मानव सही में एक है तथा संघर्ष के मूल में कारण मानव गलती में एक है तो यह सिद्धांत हमको दिखता ही है स्वयं स्पष्ट है कि मानव अगर सही के साथ होता है तो एक रहता है और एक सूत्रता के साथ जी पाता है अपनी अपनी मान्यताएं है होती हैं और गलत होती हैं तो फिर संघर्ष में रहता है क्योंकि तो गलती में ही अनेकता है यदि उपरोक्त सिद्धांत हृदयंगम हो जाए तो विश्व में सामाजिकता के लिए उपयुक्त वातावरण स्वमेव स्थापित हो जाए इस वाक्य की बहुत बड़ी इंप्लीकेशन है कि हम आज एकता अखंडता की अपेक्षा रखते हैं हमने आज अनादिकाल से अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था इसको वस्तु दो है कुटुंब के रूप कुटुंब कम के रूप में पहचाना आज भी हम ग्लोबल विलेज के रूप में धरती को देखते हैं एक 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 के ही रूप में देखते हैं उसकी अपेक्षा तो रही है लेकिन वो पूरी कैसे होगी जब हम सही को पहचान पाएंगे तभी वो पूरी होगी मानव को पूर्ण सुखी होने का प्रमाण ही बौद्धिक समाधान और भौतिक समृद्धि सहित प्रमाण है तो पूर्ण सुखी होने का प्रमाण शुरू में भी कही यही विश्राम की भी स्थिति है भौतिक समाधान और भौतिक समृद्धि को पाना है उसका प्रमाण देना है भौतिक समृद्धि आवश्यक नीति आचरित करने से ही सिद्ध होती है पुनः सदुपयोग आत्मक काटे ही जागृति प्रमाणित हुआ है अन्यथा ह्रास अवश्यम है एक तरह से फिर वार्निंग भी दे रहे हैं कि देखिए भौतिक समृद्धि तो आवश्यकता अशिधिक उत्पादन से हो तो जाएगी लेकिन अगर उसका सदुपयोग नहीं होगा तो जागृति प्रमाणित नहीं होगी और हरास की तरफ ले जाएगी जो आज हमको दिखती ही है बौद्धिक समाधान हेतु व्यवहारिक सुगमता सामाजिकता और मानवीयता से संपन्न अध्ययन की व्यवस्था चाहिए तो हमको बौद्धिक समाधान प्राप्त करना है उसके लिए व्यावहारिक सुगमता चाहिए सामाजिकता चाहिए और मानवीयता से संपन्न अध्ययन की व्यवस्था चाहिए इसकी और डिटेल में इस वाक्य को हम कल सुबह समझेंगे अभी एक घंटे से लगभग समय हो गया है तो जैसा हम सबने समय को निर्धारित किया है हम समय को अध्ययन को इस पठन को और इसके ऊपर चर्चा को यहीं रोकते हैं सभी ने जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम है उनको ध्यान में रखते हुए ध्यान से सुना इसके लिए धन्यवाद आभार नमस्कार कि विवेक सम्मत विज्ञान विवेक हमने पाया हमने समझा कि वो लक्ष्य को तय करता है कि हम जो भी कुछ क्रियाएं करते हैं वो किस अर्थ में करते हैं किस लक्ष्य में कर रहे हैं तो जैसे विवेक से हमको जब हम अस्तित्व को समझते हैं मानव को समझते हैं मानव के प्रयोजन को समझते हैं तो लक्ष्य तय होता है समाधान समृद्धि अभय सहस्तित्व अब विज्ञान यहाँ पर आदरणीय नागराज जी ने तकनीकी शब्द का प्रयोग बहुत कम किया है जब यहाँ पे विज्ञान शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो विज्ञान में तकनीक की भी समाहित है अब इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आ, हमको विज्ञान की आवश्यकता होती है और विज्ञान के नियमों के अनुसार आजकल हम बहुत सारी वस्तुओं का प्रोडक्शन कर ही रहे हैं दूरगमन दूरदर्शन है ना और दूर श्रवण की चीजों को भी उत्पादन कर रहे हैं अब ये कितनी चीज उत्पादित की जाए कितनी मानव के लिए उपयोगी है कितनी मानव के लिए सहज नहीं है तो मानव का शोषण हो रहा है या प्रकृति का शोषण हो रहा है अत्यधिक उत्पादन से जिसको हमको देखने से मिल रहा है तो विज्ञान और तकनीकी से जो उत्पादन की क्रिया है उसका संतुलन वो विवेक के अनुसार ही होना है तो जितनी भी एक्टिविटी लक्ष्य के रूप में जो हमारे लक्ष्य की ओर अग्रसर करें उतना ही विज्ञान और टेक्निक टेक्नोलॉजी का उपयोग सही होता है तो इसलिए जो विज्ञान है उसको तकनीकी है उसको विवेक सम्मत होना आवश्यक है यह बात इससे स्पष्ट होती है अब हम कह रहे हैं कि विज्ञान सम्मत विवेक अब इसको कैसे देखते हैं ये थोड़ा सा ट्रिकी है विज्ञान सम्मत विवेक अब हमने लक्ष्य मानव लक्ष्य तो निर्धारण कर लिया अब वो एक ही छलांग में हम नहीं पाते हैं उसको पाने की प्रक्रिया होती है उसके कई सारे स्टेप्स होते हैं उन स्टेप्स को पाने की प्रक्रिया क्या होगी उसकी बात कर रहे हैं कि वो अखंड समाज व्यवस्था तक समाधान समृद्धि के अनुरूप जो जो मानव लक्ष्य है और उसकी जो पहुंचने की सीमा है वो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था तक पहुंचना है अब ये एक ही दिन में नहीं हो जाएगा तो विज्ञान जो होती है वो कालवादी निर्णयवादी विज्ञान होती है उसकी क्रियावादी विज्ञान है जिसको इसमें बताया गया है कि भौतिक और रासायनिक क्रियाओं का जो अध्ययन होता है उसको विज्ञान कह रहे हैं तो अब ये जो लक्ष्य है वो एक एक ही समय में एक ही दिन में या कुछ निश्चित समय में ही उसको पाना है तो वो उसके लिए पाने के लिए हमको छोटे छोटे स्टेप्स उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक स्टेप्स की जरूरत पड़ती है और वो स्टेप्स को पाने की जो प्रक्रिया है वो विज्ञान अनुसार होनी होगी फॉर एग्जाम्पल अभी हम इस, इस सेशन को लेते हैं उदाहरण के लिए तो फिर से जो लोग जुड़ते जा रहे हैं मेरा फिर से सभी को नमस्ते तो मैं बीच बीच में है ना नमस्ते कहता ही रहूंगा तो अब जैसे हमने हमारे साथियों ने राकेश भाई ने सोचा राकेश गुप्ता भाई ने कि ये बहुत बढ़िया समय है सभी लॉकडाउन में है घर पर ही है इसका समय का सदुपयोग किया जाए और इस सदुपयोग के अनुसार जो अध्ययन प्रक्रिया है अध्ययन है उसको कर लिया जाए सब लोग घर में हैं तो टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए इस सेशन को किया जाए अब ये एक अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था की अग्रसर होने में एक बहुत छोटा सा स्टेप है अब ये सेशन कैसे होगा इसको केवल मैं सोच लो, मेरे पास बहुत ज्ञान है और मेरे सोचने भर से ही लोगों तक बात पहुंच जाएगी या जिसके पास भी ज्ञान है मेरे पास नहीं हम सभी साथियों के पास अब इसको पहचान पह, इसको जो पहचान पहुंचाने की जो प्रक्रिया है वो विज्ञान के अनुरूप ही होगी हम मुझे शोध करना ही पड़ा हम सबको शोध करना पड़ा कि भाई कहां पे ज्यादा बेनविट मिलती है कहां पे कनेक्शन अच्छा है कहां पर किस तरह से ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकता है तो इसमें विज्ञान टेक्नोलॉजी का प्रयोग होना ही है इसी को हम कह रहे हैं कि जो ये विवेक है ये जो छोटा सा स्टेप है कि दर्शन की वस्तु दर्शन की सूचना हमारे द्वारा सबको पहुंच जाए उसके लिए विज्ञान का अध्ययन होना ही है और ये सारे स्टेपति होने हैं तो हम आते हैं कि अच्छे लोग सोचते हैं कि हमारा तो हमने तो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में सोच लिया है हम हमको तो अब आग का असर नहीं होना चाहिए मौसम का असर नहीं होना चाहिए नहीं है हमारे, तो लगता सोचने से जो, जो हमारे शरीर की स्वस्थता है उसके लिए तो जो वैज्ञानिक प्रक्रिया है उसको क्योंकि शरीर अब ये कनेक्शन क्योंकि वाईफाई है और संभव है कि पॉस में भी कहीं किसी के पास हो किस किस को बताया जा सकता है घर में तो सबकी सहमति होगी है कि इस समय वाईफाई का प्रयोग नहीं करेंगे परंतु उसके बावजूद भी इतना रिलायबल नहीं दिख रहा है तो इसको आगे बढ़ाते हैं और मुझे लगता है ये समस्या जैसे हमने कल इसको सहा तो आज भी इसको सहेंगे कुछ असुविधा तो होगी परंतु इस असुविधा को की सीमाओं में ही हम इस सेशन को फिर से चलाएंगे और जारी रखेंगे तो इस तरह से इस तरह से ये पूरी प्रक्रिया को विज्ञान सम्मत करने का ही प्यास कर रहता है पूरा कनेक्शन की जो रिलायबिलिटी है उसकी सीमा में ही ये कम्युनिकेट हो पाएगा तो इस तरह से तो मैं कह रहा था कि बहुत जगह पहले लोग चमत्कार की उम्मीद करते हैं लेकिन हमको जो भी वस्तुएं प्राप्त होती हैं तो विज्ञान शरीर के अर्थ में है शरीर स्वस्थता के अर्थ में है उस अर्थ में वो विज्ञान से ही यह संभव हो पाएगा इस तरह विवेक मानव लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जितने भी स्टेप्स हैं वो विज्ञान सम्मत होने हैं कोई भी हम चमत्कार की उम्मीद नहीं कर सकते कि हम वैज्ञानिक नियमों का उल्लंघन करके अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था को पालेंगे ऐसा संभव नहीं है एक और कल प्रश्न आया है कि क्या परंपरा में विश्राम को ही मोक्ष कहा है कल मैंने इसको थोड़ा सा देखा था तो मुझे लगा कि क्या विश्राम को ही मोक्ष कह सकते हैं परंतु ये प्रश्न थोड़ा अलग दिखता है क्या परंपरा में विश्राम को ही मोक्ष कहा है अब तो ये तो इस बात पे निर्भर करता है कि हमने परंपरा में मोक्ष का मोक्ष शब्द का अर्थ कैसे लिया है मैंने दो तीन अर्थ पाए हैं ए, मोक्ष के उसमें से दो को मैं कहूंगा कि परंपरा में एक तो अद्वैत मोक्ष की संकल्पना है परिकल्पना है मोक्ष की, की जिसमें आत्मा का विलय परमात्मा में होता है तो वो बात तो यहां नहीं कह रहे हैं यहां पे उस अर्थ में मोक्ष को या विश्राम को नहीं बताया जा रहा है कठोपनिषद में एक जिक्र आता है कि जब वासनाओं से मुक्त चिंतन में ब्रह्म का प्रभाव होता है उसको मोक्ष पद कहते हैं मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ जो विश्राम की बात कही जा रही है समाधान आ, के साथ में बौद्धिक समाधान और भौतिक समृद्धि का अनुभव सत्यानुभूति के साथ में ही विश्राम है तो देखी जा सकती तो परंतु बहुत अच्छे से अध्ययन किया नहीं है परंपरा का पर जितना मुझे कही जा रही है ब्रह्म मुक्ति मोक्ष है इसका मतलब यह है निर्भ्रमता ही विश्राम है तो निर्भ्रमता ही मोक्ष है ऐसा भी कहा जा सकता है सत्यानुभूति ही विश्राम है सत्यानुभूति ही मोक्ष है ऐसे कहा जा सकता है इस अर्थ में यह ठीक है एक और प्रश्न आया कि पशु मानव से मानव की यात्रा में क्या राक्षस बनना आवश्यक है मुझे ऐसा नहीं लगता है कि पहले अगर पशु मानव होगा और फिर राक्षस मानव होना जरूरी है और तभी मानव पद में पहुंच सकते हैं ऐसा आवश्यक नहीं लगता है मेरा देखना ऐसा रहा है और जैसे इसमें पहले इस चैप्टर के पहले पेज पे लिखा है कि ज्ञान अवस्था के सभी मानव सत्यानुभूति के जागृति के निकटवर्ती हैं तो सभी मानव में तो पशु मानव और राक्षस मानव दोनों ही आते हैं तो उससे बिल्कुल यह स्पष्ट होता है कि जो भी मानव अध्ययन करना प्रारंभ कर देता है जो भी मानव अध्ययन शुरुआत कर देता है वही जागृति की ओर बढ़ सकता है जागृति परंपरा हो जाएगी और जब हम शिक्षा में इसको पूरी तरह से ले आएंगे शिक्षा का पूरा हो जाएगा, तो बच्चे आएंगे और बच्चे फिर पशु मानव या राक्षस मानव या पशु मानव बने या राक्षस मानव बने ऐसा इसको की आवश्यकता ही नहीं रहेगी वो सीधा ही मानव पद में पहुंच सकते हैं शिक्षा के पूर्ण होने तक तो इस तरह से ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि पशु मानव मानव बनने से पहले राक्षस मानव बन जाए एक और प्रश्न है श्रम गति परिणाम में रूप गुण का बदलना ही परिणाम है क्या यह जो श्रम गति परिणाम की बात है यह परमाणु में है तो इसमें परिणाम मात्रा को कहा है कई बार हम परिणाम शब्द को फल परिणाम के रूप में जब करते हैं कोई फलन के रूप में वैसा प्रयोग करते हैं लेकिन इस समय इस संदर्भ में जब श्रम गति परिणाम की बात करते हैं तो परिणाम शब्द एक गठन के रूप में है मात्रा के रूप में है तो इस तरह से जब परमाणु में गठन बदलता है तो उसमें वो परिणाम का बदलना हो रहा है और परिणाम का अमृत ही विकास की क्रिया है फिर उसके बाद में उसके गठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो इस तरह से लेकिन गठन बदलता है तो रूप गुण तो बदलता है लेकिन रूप गुण का बदलना तो रचनाओं में भी है और ये केवल परमाणु के, के स्तर की बात है इस तरह से हम कल ये मूल रूप से चार प्रश्न को देख पाए बाकी अगर कोई है अगर किसी का प्रश्न कोई रह गया है लगता है कि वो एड्रेस नहीं किया गया है तो उसको आप टेलीग्राम में भेज सकते हैं और हम पूरा प्रयास करेंगे कि उनको एड्रेस किया जाए तो ये तो रहे कल के आने वाले प्रश्नों का है ना स्पष्टीकरण पूरी बात की सारा मानव का प्रयास विश्राम बौद्धिक समाधान और भौतिक समृद्धि के अर्थ में और उसके लिए निर्भ्रमता का होना आवश्यक है का होना आवश्यक है सत्यानुभूति के लिए अस्तित्व में वास्तविकताएं जैसी हैं, उनको वैसा ही जानना आवश्यक है और उसके लिए अध्ययन आवश्यक है और अध्ययन मूल रूप से सत्यता का सत्ता में संपर्क जड़ चैतन्य प्रकृति का उसके अनुसार विकास क्रम विकास कम जागृति एक जागृत मानव जागृत मानव की मनोवैज्ञानिक उसकी मानसिकता उसका रूप गुण स्वभाव उसका स्वभाव और धर्म का अध्ययन है और यह बात भी इसमें इस स्पष्ट हुई कि जागृत मानव भी जो संप्रेषणा करता है जागृति की समाधान की सत्य बोध के लिए वो मेधस के द्वारा ही करता है और वो भी वैज्ञानिक तरीके से ही होता है क्योंकि मेधस एक भौतिक रासायनिक रचना है तो और फिर जागृति का जब संप्रेषणा होती है उसका मुख्य प्रयोजन मानव में जागृत परंपरा की स्थापना ही है तो ताकि जागृति की परंपरा बने कड़ी से कड़ी बने एक जागृत मानव हुआ तो वो अनेक जागृत मानवों के लिए एक अवसर पैदा करता है उनके लिए प्रेरणा का काम करता है और ये जागृति की परंपरा कैसे स्थापित होगी उसके लिए एक प्रक्रिया है उसके समाज में कुछ का, क्रियाओं का होना है समाज में कुछ कार्यक्रमों का होना है समाज में कुछ व्यवस्था का होना है तो वो कैसे होगा उसकी यहाँ पर आगे चर्चा करते हैं तो कल जहां से हमने छोड़ा था तो ये पेज नंबर हम अभी आगे फोर्टी नाइन का लास्ट ना, की लाइन बची हुई है तो यहां से आगे शुरू करते हैं ये कह रहे हैं कि निर्भ्रमता के लिए बौद्धिक समाधान आवश्यक है तो बौद्धिक समाधान हेतु अब व्यावहारिक सुगमता सामाजिकता और मानवीयता से संपन्न अध्ययन की व्यवस्था चाहिए तभी आ, मानव में जागृत परंपरा स्थापित हो पाएगी ताकि सभी ज्यादा से ज्यादा मानव अध्ययन कर पाए अध्ययन कर कर सत्य बोध की तरफ अवधारणा की ओर अग्रसर हो पाए तो उसके लिए व्यावहारिक सुगमता का क्या मतलब है आगे लिखा हुआ है जिसको कह रहे हैं न्याय सम्मत नीति संपन्न आचरण तो जो जो मानवीय व्यवस्था है उसमें अगर अमानवीय परंपरा रहती है तो उसमें अध्ययन की सुगमता नहीं होती है न्याय सम्मत जिसमें कल भी बात हुई धीरता वीरता उदारता पूर्वक अध्ययन की परंपरा बने शिक्षा की व्यवस्था बने उससे संपन्न नीतियां बने उससे संपन्न आचरण मानव में हो जो दूसरे के संबंध में सहयोगी हो पाए ऐसी व्यावहारिक सुगमता की आवश्यकता है फिर कह रहे हैं बौद्धिक समाधान के लिए व्यावहारिक एक सूत्रता सु, अनिवार्य है एक सूत्रता अपने में ज्ञान विज्ञान विवेक में संगीत है अथवा पूरकता है तो अध्ययन के लिए इस जैसे अभी हमने चर्चा की तरी विवेक सम्मत विज्ञान और विज्ञान सम्मत विवेक तो बौद्धिक समाधान के लिए जो अध्ययन है वो विज्ञान ज्ञान और विवेक की संगीत नेता पूरकता एक सूत्रता में है तो व्यवहारिक एक सूत्रता होगी कि अध्ययन की प्रक्रिया भी इस तरह से हो जो तर्क संगत हो सार्वभौमिक हो और सबके लिए स्पष्ट हो जीने में आ सके भौतिक रासायनिक क्रियाओं को प्रयोग करते हुए सभी समाधान और समृद्धि को प्राप्त हो सके इस प्रक्रिया में एक सूत्रता के साथ ही आगे आने वाली पीढ़ी के लिए बौद्धिक समाधान की सुगमता रहती है क्या कह रहे हैं इससे आगे बढ़े वैचारिक एवं व्यवहारिक संतुलन के लिए मानवीयता की सुरक्षा तथा संरक्षण की नीति एवं रीति आवश्यक है अब समाज में वैचारिक और व्यवहारिक संतुलन हो प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन हो जैसा हम अवधारणा बनी है जैसा हमारा संकल्प बना है वैसा विचार हो और वैसा ही व्यवहार हो पाए उसके लिए उसके संतुलन के लिए विचार और व्यवहार में संतुलन के लिए मानवीयता मानवीयता स्वभाव मानवीय दृष्टि और मानवीय शिक्षा इसकी इसके लिए सुरक्षा हो पाए उसके लिए संरक्षण हो पाए उसके लिए और रीतियां आवश्यक है और जागृति सहज यथास्थिति क्या है उसको भी पढ़ लेते हैं जागृत मानव परंपरा में मानवीयता ही यथास्थिति है तो हमने पदार्थ अवस्था की यथास्थिति प्राण अवस्था की यथास्थिति जीव अवस्था की यथास्थिति पिछले पेज में देखा था कि वो अपने अपने धर्म के साथ में ही यथास्थिति में बने रह सकते हैं तो जागृत मानव मानव का धर्म सुख है सुख बराबर समाधान तो समाधान की जो परंपरा है मानवीयता मानवीयता मानवीय धर्म मानवीय दृष्टि मानवीय स्वभाव पूर्ण आचरण जब ये मानवीय परंपरा में आता है और इसकी यथास्थिति बनी रहती है इसके बने रहना ही मानवीयता की सुरक्षा है मानवीयता की सुरक्षा में मानवीय परंपरा में क्या क्या होता है संस्कृति सभ्यता विधि यानी मानवीय आचार संहिता एवं व्यवस्था चारों परस्पर पूरक तथ्य इन चारों पक्ष का अध्ययन पूर्ण हुए बिना मानवीयता का संरक्षण संभव नहीं है क्योंकि गलती एवं अपराध प्रवृत्ति व कृत्य से अमानवीयता उजागर होती है मानवीयता से पूर्ण होने के पूर्व मानव अमानवीयता के स्तर में अवस्थित है तो जब तक मानवीयता की परंपरा नहीं बनेगी तब तक हम अमानवीयता में तो हैं ही ये तो बहुत ही स्पष्ट है अब जागृत मानव परंपरा यानी उसकी सुरक्षा के लिए यथास्थिति बनाए रखने के लिए मानव में संस्कृति सभ्यता विधि और व्यवस्था चारों में चारों में पूरकता होना आवश्यक है संस्कृति और सभ्यता विधि व्यवस्था की बात अगले सूत्र में कही गई है उसको हम पढ़ लेते हैं और उसके बाद इसको एक बार फिर से रिपीट करेंगे रिवाइज करेंगे बार पढ़ लेते हैं मानवीयता का अध्ययन अपेक्षाकृत रीति से तीन प्रकार से वर्णित किया जा चुका है वह है मानवीय भाव मानवीय दृष्टि मानवीय दृष्टि धर्म सत्य मानवीय स्वभाव धीरता वीरता उदारता अति मानवीय स्वभाव दया कृपा करुणा और मानवीय विषय यानी कि समाधान समृद्धि अभय सहस्त इनके स्थापन पोषण एवं वर्धन हेतु मानव को प्रयासरत रहना ही होगा ही का मतलब है हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं तो इसके प्रयासरत होना ही होगा तभी जागृत मानव परंपरा बन पाएगी पूर्ण समाज या व्यवस्था द्वारा प्रत्येक संबंध एवं संपर्क का निर्वाह करते हुए मानवीयता के संरक्षण के लिए किए गए समस्त अध्ययनात्मक प्रयास की संस्कार संज्ञा है अब संस्कार हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा मानव सहज प्रियोजन में कि मानवीय है ना पूर्णता के अर्थ में स्वीकृतियां ही संस्कार हैं अवधारणा ही संस्कार है ये पेज नंबर हम पढ़ रहे हैं फिफ्टी फिफ्टी को जो दो का संस्करण है उसमें पढ़ रहे हैं पेज नंबर फिफ्टी मानवीयता का अध्ययन मानवीय तो संस्कृति की हमने बात की थी संस्कृति का मतलब पूर्णता के अर्थ में स्वीकृतियां अवधारणा ही संस्कृति है मानव में और जब यही समाज के स्तर पर इन स्वीकृतियों को देखते हैं शिक्षा के रूप में तो उसी को संस्कृति कह रहे हैं और जब इसके इसको शिक्षा के द्वारा आचरण में और मानवीय आचरण में लाते हैं इसका प्रचार करते हैं और इसका प्रदर्शन होता है वही समाज के स्तर पर वही स्वीकृतियां वही संस्कार संस्कृति के रूप में जाने जाते हैं और जब यही संस्कृतियां संस्कृति एक आचरण मानवीय आचार संहिता के रूप में मानव समाज में लिखित रूप में सभी को उपलब्ध होती है उसी को विधि कह रहे हैं उसी को संविधान भी कह रहे हैं और उसके अनुसार जो जीने का स्वरूप है हम क्या उत्सव बनाएंगे किन किन उत्सवों को मनाएंगे किस तरह से उत्पादन करेंगे किस तरह से आपस में बैठेंगे उठेंगे उसके उसी को सभ्यता कह रहे हैं और इन सबको पूरा करने के लिए क्या व्यवस्था होगी शिक्षा व्यवस्था होगी उत्पादन व्यवस्था होगी अध्ययन की व्यवस्था होगी स्वास्थ्य की व्यवस्था होगी विनिमय की व्यवस्था होगी इन सभी को आपस में संस्कृति सभ्यता और विधि व्यवस्था चारों पूरक हैं, चारों एक दूसरे को पोषण करती हैं, चारों में एक सूत्रता होना आवश्यक है उसी से जागृति की परंपरा यानी कि यथास्थिति इस बनेगी इसको आगे भी फिर से कहा गया है तो जो ऊपर कहा और नीचे कहा उसका इस तरह से संस्कृति सभ्यता और विधि व्यवस्था में जुड़ाव है इसी बात को चारों में जो अन्य है जो एक दूसरे के ऊपर निर्भर है एक, एक एक हर दूसरे को पोषण करती है तो संस्कृति का पोषण सभ्यता से सभ्यता का पोषण विधि यानी मानवीय आचार संहिता से विधि का पोषण व्यवस्था से और आचरण का पोषण संस्कृति से है जो अन्योन आश्रित है वह संबंधित है तो जैसे मैंने अभी आ, संस्कृति सभ्यता और विधि व्यवस्था में एक दूसरे में पूरकता की बात की तो उसी को यहां से फिर से ध्यान आकर्षण कराया है कि ये एक दूसरे का पोषण करती हैं एक दूसरे जब संस्कृति सभ्यता विधि व्यवस्था मानवीयता से पूर्ण हो जाएगी मानवीयता का संरक्षण मानवीयता के पोषण के अर्थ में व्यवस्थित हो जाती है तो मानव समाज के का जो गठन है उस समय वो जागृत होता रहना पाया जाता है और उसमें मूलतः मानव अभय को प्राप्त कर लेता है मानव समाज उसका उसी बात को यहां कह रहे हैं कि मानव समाज के गठन का मूल उद्देश्य भयमुक्त होना तथा जागृत होना रहना है मानव सहज प्रयोजन मानव जो भी कुछ करता है वो विश्राम के लिए करता है और उसके लिए भिन्न भिन्न स्टेप हैं क्या है स्टेप हैं सबसे पहला एक मानव कोई निर्भ्रमता की स्थिति को प्राप्त हो सत्य में अनुभूत हो फिर वो वैज्ञानिक तरीके से विवेक विज्ञान और विज्ञान सम्मत विवेक से आचार संहिता दर्शन सबके लिए प्रेरणा के रूप में उसको स्थापित करे जिसकी स्थापना हो चुकी है ऐसा हमको देखना है और उसके मूल में स्टेप होता है कि सभी को विधि व्यवस्था के द्वारा संस्कृति सभ्यता के द्वारा समाज में इस तरह का वातावरण बने की पूर्ण वातावरण अगर स्थापित हो जाता है तो समाज में अभ्यता स्थापित होती है तो ये एक स्टेप के रूप में भी दिखता है तो मानव समाज का एक उद्देश्य आसपास जब हम आपस में आते हैं भयमुक्त होने के लिए ही आते हैं मानव में समस्त भय के तीन ही कारण परिलक्षित होते हैं भय इस रूप में दिखते हैं प्राकृतिक भय पार्श्विक भय मानव में निहित मानवीयता का भय तो हम मानव समाज में किन चीजों से पीड़ित होते हैं ज्यादातर मानव शुरू शुरू में जैसे मैंने कल कहा कि मानव की इस धरती पर यात्रा होमोसेपियंस के रूप में दो लाख साल पुरानी तो शुरु शुरु है तो शुरू शुरू में मानव ऐसा अनुमान बनता ही कि प्राकृतिक घटनाओं से ही डरता था पशुओं से डरता था उनसे कैसे बचा जाए उनको कैसे अपने अनुकूल बनाया जाए उसको विजय पाने में ही बहुत सारा समय लगाया और मानव में नहीं, नहीं निहित दीनता नहींनता क्रूरता उसका भी भय रहा उसके लिए एक दूसरे से लड़ता रहा तो ये तीन भय मानव जाति में परिलिक्षित होते रहे परिलिखित का मतलब परीक्षण में निरीक्षण में आते रहे तो आज की स्थिति अगर हम देखेंगे तो विज्ञान के द्वारा और जो भी हमने शोध की जो भी हमने इस धरती पर अपनी यात्रा की है उससे लगभग प्राकृतिक भय से हम मुक्त हो चुके हैं हालांकि अभी मुक्त हो चुके हैं ये कहना भी बिल्कुल सटीक नहीं लगता है कि कोरोना वायरस जो कि आजकल चल ही रहा है उससे सभी भयभीत हैं तो है ना पूरी तरह से भय खत्म हो गया है तो मुझे लगता है इन तीनों से भय भी तभी समाप्त होगा जब तक मानवता स्थापित समाज में नहीं हो जाती है क्योंकि तभी हम चारों अवस्थाओं में संतुलन को प्राप्त करने की स्थिति में पाएंगे तभी प्रकृति के साथ भी हम संतुलन पूर्वक जी पाएंगे और तभी भयमुक्त हो पाएंगे तो जब तक अभी हमको ऐसा भ्रम हो गया है कि हमने प्राकृतिक भय और पाश्विक भय से मुक्त हो गए हैं पर अभी लगता है कि उससे भयमुक्त नहीं हुए हैं और उसका प्रमाण यदा कदा हमको मिलता ही रहता है तो ये भय से मुक्त होने के लिए ही जागृत होना और रहना आवश्यक है अब जागृति के लिए क्या स्थितियां बनती हैं उसका अगले पैरा में वर्णन है पेज नंबर फिफ्टी वन पर पहुंच गए अब हम उसका है ना पहला पैरा है इसको एक बार पढ़ लेते हैं पूरा पढ़ने के बाद फिर इस पर चर्चा करेंगे विकास व ह्रास भेद से अवस्था अवस्था भेद से आशा आशा भेद से आकर्षण प्रति आकर्षण आकर्षण प्रत्याकर्षण भेद से आसक्ति आसक्ति भेद से विवस्था विवस्था भेद से संवेग संवेग भेद से कर्म कर्म भेद से फल फल भेद से समस्या एवं समाधान समस्या एवं समाधान भेद से ही ह्रास विकास जागृति सहज गतियां हैं जिससे मानवीयता अमानवीयता एवं अति मानवीयता का प्रादुर्भाव प्रमाण है तो इस पृथ्वी पर जो मानव है वो तीन अवस्थाओं में पाया जाता है सामान्य रूप से अवस्था शब्द का प्रयोग धरती पर चार अवस्थाओं के लिए प्रयोग किया गया है पर इस सूत्र में यहां पर अवस्था जो मानव की अवस्था है उस अर्थ में लिया गया है तो मानव धरती पर जागृति क्रम में तीन अवस्थाओं में पाया जाता है अमानवीय मानवीय और अतिमानवीय विकास ह्रास मानवीयता से विकास की तरफ यात्रा होती है अति मानवीयता अति मानवीयता से अगर ह्रास होता है तो मानवीयता मानवीयता पद से अमानवीयता में नहीं जाया जाता है जीव अवस्था से अमानवीय यानी कि भ्रमित मानव की तरफ गति बनती है तो इस तरह से विकास या भेद से ही अवस्थाएं हैं। मानव जैसी अवस्था में होता है वैसी आशा करता है क्या मतलब आशा का मतलब उसी तरह के आस्वादन की उसकी स्थिति बनती है वैसे ही आस्वादन की अपेक्षा में रहता है उदाहरण के लिए अगर अमानवीय है अमानवीय स्थिति में है पशु मानव राक्षस मानव की स्थिति में है तो मूलक आस्वादन की ही अपेक्षा रखता है मानव है मानवीयता में है तो प्रधानतः मूल्य मूलक आस्वादन की अपेक्षा में रहता है और मानवीय स्थिति में है देव मानव देव मानव पद में है उस अवस्था में है तो प्रधानतः वो लक्ष्य मूलक आस्वादन जागृति आस्वादन समाधान के आस्वादन में रहता है जैसी आस्वादन की अपेक्षा होती है जैसी आस्वादन की आशा करता है उसी उसी के प्रति आकर्षण अथवा उसके विपरीत के प्रति प्रत्याकर्षण रहता है अब हम देखेंगे अमानव रुचिमूलक आस्वादन में निमग्न रहता, रहता है तो विषयों के प्रति उसका आकर्षण होता है और कहीं भी अध्ययन की बात अगर की जाती है वास्तविकताओं को जानने की बात की जाती है तो अपना माथा पटकता है और उससे दूर भागता है क्योंकि उसके प्रति आकर्षण रहता है लेकिन अगर मानवीय स्थिति में है और यह अध्ययन क्रम में भी आ गया है तो हम अपने में ही इसको निरीक्षण पूर्वक देख सकते हैं तो धीरे धीरे हमारा अध्ययन के प्रति आकर्षण बढ़ता है ऐसे लोगों के प्रति आकर्षण बढ़ता है जो मानवीय व्यवस्था में लगे हैं और धीरे धीरे विषयों के प्रति हमें प्रत्याकर्षण होने लगता है और मानव में तो विषयों के प्रति प्रत्याकर्षण हो ही जाता है और और दिव्य मानव में तो आकर्षण उस अर्थ में केवल लक्ष्य के प्रति व्यापक के प्रति ही आकर्षण रह जाता है और सबके बाकी विषयों के प्रति के प्रति भी प्रत्याकर्षण हो जाता है आकर्षण प्रत्याकर्षण भेद से आसक्ति आसक्ति का मतलब है अब उसी में निमग्न रहना हर समय तो जो पशु मानव राक्षस मानव है विषयों में ही निमग्न रहता है उसी के बारे में सोचता है उसी के सपने देखता है उसी के लिए प्रयास करता है यही आसक्ति है और उसी तरह से मानव है तो वो समाधान समृद्धि के अर्थ में अति मानव है तो उपकार के नहीं अगर आसक्त शब्द को निमग्नता के रूप से पूरी तरह से अगर इसको हम इस तरह से लेते हैं तो उसी भेद से आसक्ति जैसी जैसी अवस्था होती है उसी में उसकी आसक्ति रहती है आसक्ति भेद से अब पे देखते हैं कि जो जिस अवस्था में होता है उस अवस्था में जीने के लिए वो विवश होता है ना चाहते हुए भी बार बार उसी का ध्यान करता है उसी के लिए गति उसकी बनती है उसी को संवेद कह रहे हैं कि जैसी व्यवस्था होती है उसी भेद से उसमें संवेद होता है उसी वेग से उसमें आगे कर्म करने की जो गति बनती है उसी को संवेक कह रहे हैं और जैसी गति बनती है कर्म करता है अब कर्म के भी भेद होते हैं तो जिसमें जैसी आसक्ति होती है जैसी व्यवस्था होती है उसी भेद से कर्म होते हैं अगर वो मानवीयता में है तो सुकर्म करेगा नहीं तो दुष्कर्म करेगा दुष्कर्म का फल क्या होगा समस्या होगा सुकर्म का फल समाधान होगा और समाधान होगा तो आगे की गति बनेगी समस्या होगी तो फिर ह्रास की गति बनेगी इस तरह से अब अब ये इस ये चक्र कैसे टूटे यानी कि मानव में अगर व्यवस्था है आसक्ति है और विषयों के प्रति आकर्षण है इसकी बात आगे होगी उसको आगे करेंगे लेकिन एक ये पूरे मानव में किस तरह से अवस्था के अनुसार आशा आकर्षण आसक्ति संवेद और समाधान समृद्ध और या समस्या की स्थितियां बनती हैं उसका एक स्थिति का वर्णन किया है वो जागृति क्रम में ये अपने मूल्यांकन के लिए भी आवश्यक है ये सूत्र तो हम अपने में देख सकते हैं कि मैं किस तरह की सपने में देखता हूं केवल सोते हुए नहीं जगते हुए भी दिवा स्वप्न मैं किस तरह के विचार करता हूं में क्या विचार चलता है विषयों के बारे में चलता है रुचिमूलक आस्वादन के बारे में चलता है या कुछ मूल्यों के बारे में भी चलता है उसको अपने में हम देख सकते हैं इस तरह से आगे बढ़ते हैं मानव की जागृति बहुत बौद्धिक समाधान एवं भौतिक समृद्धि के लिए ही है तो जागृति यानी कि सत्यानुभूति अवधारणा तो जीने में मानवीय परंपरा में बौद्धिक समाधान उपलब्ध हो जाए क्योंकि अब यहां परंपरा की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं एक एक मानव की पहले बात हो चुकी है जहां पे अध्ययन प्रिया की बात हुई अनुभवगामी विधि की बात हुई अनुभव मूलक विधि की बात हुई और भास आभास प्रति साक्षात्कार एक जीवन में जो घटने वाली क्रियाएं हैं जागृति के अर्थ में अवधारणा बोध और अनुभूति की बात हुई अब यहाँ मानवीय परंपरा की बात कर रहे हैं मानव में मानव भिन्न भिन्न स्थितियों में किस तरह की उसकी स्थिति होती है किस तरह उसका स्वभाव होता है किस तरह उसका गुण होते हैं उनकी चर्चा कर रहे हैं और मानव परंपरा में किस तरह से बौद्धिक समाधान तो उसकी पुष्टि के उसी के लिए जागृति है कि मानवीय परंपरा में तो जागृति की आवश्यकता भी इसीलिए है कि मानव में क्योंकि सारा श्रम विश्राम के लिए है और सारा विश्राम बौद्धिक समाधान और भौतिक समृद्धि के लिए है तो केवल एक मानव ही नहीं एक मानव ही विश्राम की स्थिति की बात नहीं कर रहे हैं मानव हर प्रत्येक मानव विश्राम की स्थिति को प्राप्त हो प्रत्येक परिवार विश्राम की स्थिति को प्राप्त हो पूरा समाज विश्राम की स्थिति को प्राप्त हो पूरा राष्ट्र अंतरराष्ट्र चारों अवस्थाओं ही विश्राम की स्थिति को प्राप्त संतुलन को प्राप्त हो और मानव एक विश्राम की निरंतरता को प्राप्त हो जाए उसकी बात कर रहे हैं उसके लिए जागृति की परंपरा की आवश्यकता है उसी के लिए जागृति की आवश्यकता है उसी की बात यहाँ कर रहे हैं तो ये पुष्टि कैसे होगी बौद्धिक समाधान और बहुत भौतिक समृद्धि की पुष्टि के लिए स्थूल सूक्ष्म एवं कारण भेद से दर्शन है दर्शन का ये अध्ययन है तो ये मध्यस्थ दर्शन जो अध्ययन कर रहे हैं है ना उसके लिए दर्शन की आवश्यकता है तो दर्शन के तीन भेद हैं उसकी आगे चर्चा है शब्द स्पर्श रूप रस एवं की जानकारी को स्थूल स्थूल दर्शन है इसको हम पहचान पाते हैं जिसको इंद्रिय मूलक कह रहे हैं शब्द स्पर्श रूप रस एवं गंध की जानकारी इससे जो जानकारियां प्राप्त होती है मन वृत्ति चित्त एवं सापेक्ष शक्तियों की जानकारी को सूक्ष्म स्पष्ट है और निरपेक्ष शक्ति एवं उसको अनुभव करने वाली आत्मा और बोध कर, करने वाली बुद्धि की समझ को कारणात्मक समझ की संज्ञा है तो दर्शन कि मैं हम देखेंगे दर्शन वाद शास्त्र तो पूरा जो सृष्टि है पूरा जो अस्तित्व है इसको तीन तरह से हम देख सकते हैं एक तो स्थूल रूप में हमारे सामने विद्वान है ही जो इंद्रिय गोचर है और फिर ज्ञान गोचर से हम आ, मन वृत्ति चित्त जिसको सूक्ष्म परिभाषित कर रहे हैं सूक्ष्म दर्शन के रूप में और आत्मा बुद्धि व्यापक की जो जानकारी है जो उसकी समझ है उसको कारणात्मक समझ या कारणात्मक दर्शन की बात कह रहे हैं अब ये जो चारों अवस्थाएं हैं तो जागरती क्रम जागृति किस तरह से प्रकट होता है वो अभिव्यक्तियां किस तरह से है उसकी बात यहां करते हैं ये अगले पैरा में है संपूर्ण इकाइयों की अभिव्यक्तियां तो अभी ये मानव की बात कर रहे हैं सत्ता में संप्रक्त क्रिया के रूप में ही है तो जितनी भी अभिव्यक्ति है जो अस्तित्व हमारे सामने प्रकट है मूल रूप से सत्ता में संप्रक्त इकाइया है उनकी अभिव्यक्तियां क्रियाओं के रूप में ही हमारे सामने प्रकट है तथा समस्त क्रियाएं रूप और शब्द के भेद से हैं यानी कि कोई ना कोई गठन है उसका कोई रूप है और उसके लिए कोई शब्द का प्रयोग किया गया है उसको समझने के लिए ये अभिव्यक्तियों की बात करें तो अभिव्यक्तियां रूप और शब्द के के भेद से ही है यह समस्त क्रियाएं अगर मानव में देखते हैं तो किस रूप में है ये अभिव्यक्तियां किस रूप में सत्ता में संप्रक्त होने से मानव में जो क्रियाएं होती हैं उन वो वो क्रियाएं क्या क्या है स्फुरन प्रेरणा क्रांति संवेग आवेग तथा प्रयोग के रूप में परिलक्षित है पहचानने में आते हैं तो चलिए इनको देख लेते हैं एक एक-एक का नीचे वर्णन है उसके साथ साथ इसको पढ़ते हैं रूप क्रिया का तात्पर्य हर इकाई में निहित गुण स्वभाव धर्म से है और शब्द क्रिया का तात्पर्य रूप क्रिया और उसमें निहित अर्थ को निर्देशित करने के रूप में है तो रूप कह रहे हैं कोई भी इकाई है वो एक गठन के साथ में है उसकी एक रचना है उसका एक गठन है और उसमें निहित उस रूप में निहित गुण है स्वभाव है धर्म है यानी उस इकाई की वास्तविकता है रूप गुण स्वभाव धर्म उसको रूप क्रिया के, के नाम से परिभाषित कर रहे हैं और इसको रूप क्रिया तथा उसमें जो अर्थ है यानी कि उसमें गुण स्वभाव धर्म है उसको निर्देशित करने के लिए जो शब्दों का प्रयोग किया गया है उसको शब्द क्रिया कह रहे हैं निर्देशित करने का तात्पर्य परस्परता में संप्रेषणा समझना समझाना करना और संप्रेषित होना यही शब्द क्रिया की सार्थकता है अभी हम परस्परता में अभी तो ये एक तरफ हो रहा है ज्यादातर जब हम क्लास में अगर एक साथ बैठते हैं तो इंटरेक्टिव सेशन करते हैं आपस में संवाद करते हैं अभी कुछ मित्र लोग यहाँ पे अपना स्पष्टीकरण के लिए अपने मंतव्यों को कुछ लिख के भी भेज रहे हैं लेकिन ये आपकी कमी नहीं है ये मेरी अयोग्य

तो निर्देशन का तात्पर्य यानी अर्थ को कम्युनिकेट कर पाना उसको संप्रेषित कर पाना जो कल हमने बात की थी पूर्णता के अर्थ में शब्द के द्वारा जो अर्थ है वास्तविकता है उसको एक दूसरे को संप्रेषित कर पाना यही शब्द क्रिया की सार्थकता है अब ये जो सत्ता में संप्रक्त होने से मानव में विभिन्न अवस्था में क्या क्या होता है संप्रेषण होता है संप, स्फूरण होता है प्रेरणा होती है तो उसका अर्थ क्या है यहां पर उनकी परिभाषा दी गई है तो जागृति की ओर प्राप्त प्रेरणा की सूर्ण संज्ञा है अब अमानव की स्थिति में है विषयों में लिप्त है लेकिन मूल में अपेक्षा और आशा तो विश्राम की है और विश्राम कहीं दूर दूर तक भी नहीं दिखता है बल्कि पूरे विश्व में आसक्ति एक मर्ग मरीचिका की तरफ किसी दिन हमको दिखाई पड़ने लग जाती है जिसको हम कभी कई बार शमशान वैर, वैरागी भी कहते हैं हम अपने चारों ओर देखते हैं कोई ना कोई घटनाएं घटती है, रहती हैं उससे हम में कोई स्फुरन होता है हमें अपने से प्रेरणा प्राप्त होती है जागृति की ओर क्या कि हमको कोई लाइफ का मीनिंग ढूंढना है हमने रूप पे ध्यान दिया धन पे ध्यान दिया, बल पे ध्यान ध्यान दिया दिया बल पद पे ध्यान दिया उसमें बहुत समय लगाया लेकिन विश्राम की कहीं स्थिति दिखाई नहीं दी जैसे कल मैंने सुबह सुबह ही इसकी बात की थी कि हम एक विश्राम का डिजाइन लेकर चलते ही कोई भी बच्चा आता है अपने चारों तरफ संस्कृति सभ्यता विधि व्यवस्था जो भी समाज में स्थापित होती है उसका जो आचरण अपने बुजुर्गों का देखता है अपने से बड़ों का देखता है उसके अर्थ में कोई ना कोई विश्राम का डिजाइन बनाता है और अपना उसके पीछे हाथ धोकर धो पड़ जाता है पीछे जब तक वो मिल नहीं जाए चाहे कोई एक नौकरी को माने कोई व्यापार को माने कोई पद को माने कोई क्रिकेटर बनना चाहता है कोई फिल्म में जाना चाहता है कहीं ना कहीं सुख को प्राप्त करने के लिए विश्राम का डिजाइन बनाता है लेकिन एक हद तक पाने के बाद या विफल होने के बावजूद भी दोनों ही स्थितियों में जब उसकी असफलता को देखता है तो और कहीं ना कहीं उसमें जो सहस्तित्व के प्रभाववश आत्मा का चित्त का बुद्धि का वृत्ति का उसके मन पे प्रभाव पड़ा ही रहता है सहस्तुत्वश उसको कोई सिग्नल को पा लेता है उसी का नाम प्रे स्फुर है लेकिन ये तो स्वयंस्फूर्त होता है जो सहस्तित्व का प्रभाव है विधि व्यवस्था का प्रभाव है संस्कृति सभ्यता जो भी जिस तरह से भी समाज में जिस भी में होती है परंतु वो लोगों से मिलता भी रहता है मिलन के अंतर उभय की ओर गति की प्रेरणा संज्ञा है अब देखिए ऐसा है कि हम जब एक बार मैं अहमदाबाद में रहता था तो अहमदाबाद से हमारी पूरी टीम जिसमें मावजी भाई योगेश भाई उमेद भाई कल्पेश भाई और ख्याति दीदी बहुत सारे लोग हम एक साथ इकट्ठे होकर अछोटी में अध्ययन के लिए आते थे और अध्ययन के लिए आते थे आपस में बहुत सारी बातें करते रहते थे और उसमें जो ट्रेन के कंपार्टमेंट में लोग बैठे रहते थे या तो हमसे परेशान हो जाते थे और कंपार्टमेंट बदल लेते थे या सीट बदल लेते थे या कुछ लोग आ जाते थे कि भाई ये कुछ अच्छी बातें कर रहे हैं और एड्रेस लेकर जाते थे और कोई कोई फिर हमारे साथियों को कांटेक्ट भी करते थे भाई आप क्या बात कर रहे हो तो मिलने के अंतर में जो उभय स्वीकृति की ओर गति की इसको प्रेरणा मिलते हैं कि जब हम हम मिलते ही रहते हैं लोगों से और जो व्यक्ति जो मानव जागृति की ओर लगे होते हैं जिस भी अवस्था में होते हैं अध्ययन में लगे हैं या जागृति संपन्न है तब तो प्रेरणा मिलती है कि हम लोग जिस भी तरह से किसी जैसे मैं अजय भाई के कहने से अजय भाई के सानिध्य में आने से आदरणीय नागराज जी से मिला तो मुझे प्रेरणा प्राप्त हुई तो मिलन के अन्तर जो जागृति की ओर प्रेरणा प्राप्त होती है उसको प्रेरणा कह रहे हैं अब ऐसा नहीं है मिलन के अंतर उभे विकृति की और गति की अब चलिए हमसे मिले और थोड़ी देर बाद में ही कोई दारू पीने वाला मिल गया और जुआ खेलने वाला मिल गया या ऐसे जो विषयों में और इवन आसक्त होते हैं ऐसे लोगों से मिल जाते हैं और फिर लगता है छोड़ो यार अध्ययन अध्ययन में तो कोई सुख नहीं मिल रहा है दो साल हो गए रगड़ते हुए और अभी तो कोई भास भी नहीं हो रहा है पता नहीं इन लोगों को अभी तो ये प्रबोधक लोगों को ही नहीं हुआ है तो हमको कहाँ होगा कब होगा कुछ लोग ऐसा भी सोचने लग जाते हैं नेगेटिव की तरफ ध्यान चले जाते हैं और उनको लगता है वो तो पता नहीं कब होगा अभी का सुख तो ले ही कम से कम तो संवेदनाओं की तरफ उस तरफ चले जाते हैं मिले के अनंतर उभय विकृति यानी हास की ओर गति हो गई तो उसी की प्रतिक्रांति संज्ञा है संज्ञा का मतलब जो शब्द क्रिया है उसकी बात कह रहे हैं कि परिभाषा दे रहे हैं है ना उभय विकृति अमूल्यम एवं परिणाम या शीघ्र परिणाम एवं हास की ओर गति अब यानी कि अब दोनों ही दोनों मिले अवूल्यन हो गया और परिणाम या शीघ्र परिणाम एवं ह्रास की ओर तुरंत ही उससे भी और अपराधों की ओर निकल पड़े तो वो उभय विकृति की ओर बात है पर धन पर नारी पर पुरुष पर पीड़ा में लग जाना उसमें सुख ढूंढ लेना ऐसा भी लोग निकल पड़ते हैं करते ही अगर आप देखेंगे तो इसका है ना अब मैं इसका ज्यादा वर्णन नहीं करूंगा क्योंकि वो चारों तरफ दिखता ही है टीवी के समाचार अगर किसी दिन आपका मन करे तो देख सकते हैं पॉलिटिक्स के ऊपर देख सकते हैं तो वो तो दिख ही जाएगा आपको है ना उसकी बात नहीं है संवेग संयोग से प्राप्त वेग की संवेग संज्ञा है अब संवेग का मतलब ही संवेग यानी कि प्राप्त वेग यानी कि हमारी गति जब जागृति की तरफ होती है ना संयोग से प्राप्त तो अब संयोग से प्राप्त जैसे ज्यादातर हम लोगों को जो अध्ययन की सूचना मिली ये एक संयोग से मिली हमने उसमें बहुत एफर्ट नहीं किया जैसे मैं अपनी इस, जब इस अध्ययन की यात्रा का वर्णन करता हूं तो मेरे लिए ये मैं जैसे अजय भाई ने बताया था कि मैं शैल हजीरा में कार्यरत था तो मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग चल रही थी और वहां पे एक ऐसी एक चर्चा चल रही थी कि लोगों के स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या किया जाए तो कोई ट्रांसीडेंटल मेडिटेशन की बात कर रहे थे कोई जीव, कोई विपचना की बात कर रहे थे कोई आर्ट ऑफ लिविंग की बात कर रहे थे अजय भाई ने वहां थोड़ा धीरे से है ना जीवन विद्या शब्द भी बोला तो मेरा ध्यान उस तरफ चला गया तो ये एक संयोग है और संयोग से प्राप्त मुझ में अंदर में स्फुरन हुआ प्रेरणा हुई तो संवेग भी और प्रेरणा भी और स्फुरन तीनों एक साथ हो गए मैं तो अपने बारे में ऐसा मानता हूँ ये थोड़ा भी हो सकता है लेकिन उसके बाद मेरी गति बदल गई है ना तो इस तरह से ये ये क्रियाएं होती रहती हैं क्योंकि ऐसी कोई स्थिति है ही नहीं कि जब मानव भी सत्ता में संपर्क ना हो हम है ही हमको नहीं पता हो या पता हो इससे कोई फर्क अस्तित्व पे नहीं पड़ता है हम सत्ता में संपर्क है और ये स्पुरन प्रेरणा हमको प्राप्त होती रहती है आवेग जब होता है जब हमें एक संयोग से गति बन गई अब हमारी आवश्यकता बन जाती है कि अब हमको विश्राम ही अगर हमारा लक्ष्य है समाधान ही हमारा लक्ष्य है सुखी होना ही अगर हमारा लक्ष्य है और हमको ये स्वीकृति बन जाए अध्ययन के बिना कोई चारा नहीं है है ना तो फिर हम उसमें प्रयास करते हैं और फिर आवश्यकता के अनुसार हम अपनी दिनचर्या को अपनी जीवन शैली को उसके अनुकूल बनाते हैं उसी का नाम आवेग है अब हम जो अध्ययन में लगे हुए हैं आप सब जितने भी यहाँ पे लोग इससे जुड़े हुए हैं इसको हम आवेग कहेंगे क्योंकि आवश्यकता अनुसार आप इससे जुड़े हैं संयोग और स्फुरन और प्रेरणा आप ऑलरेडी प्राप्त है ही प्रयोग प्रयास पूर्वक करते हैं कि किस तरह से और अध्ययन को कर लिया जाए कुछ शोध करते हैं है ना? और, और कुछ उत्पादन करने के लिए प्रयास करते हैं उससे जो हमको गतियां प्राप्त होती हैं उनको प्रयोग कहते हैं इस तरह से सत्ता में संपर्क होने से मानव जिस भी स्थिति में है ये हमें हम अभिव्यक्तियों के रूप में पता चलता ही रहता है अब आगे कह रहे हैं, फिर से इसको स्पष्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारे जो संप्रेषण है वो शब्दों के द्वारा सबसे अधिक होता है भाव भंगिमा से भी होता है अंगहार से भी होता है लेकिन शब्दों से सबसे अधिक होता है मानव जाति ने जो हमको पाया है इसके लिए पूरी मानव जाति के प्रति कृतज्ञता की भाषा हमको बहुत आसानी से प्राप्त हो गई है जिस भाषा के द्वारा ही हम इन अर्थों को एक दूसरे को संप्रेषित कर पा रहे हैं तो क्रिया को निर्देशित करने के लिए प्रयुक्त अक्षर या अक्षर समूह को शब्द शब्द के अर्थ को व्यक्त करने हेतु प्रयुक्त शब्द या शब्द समूह को परिभाषा तथा परिभाषा सहज मौलिकता ही भाव है तो भाव को व्यक्त करने के लिए ही परिभाषा है आ, ये एक पहले उसमें आया भी हो कि, कि भाषा के मूल में भाव है ना तो उसी बात को फिर से यहाँ ध्यान आकर्षित कर रहे हैं अस्तित्व में भाव वस्तु के रूप में होता है अस्तित्व सहस्तित्व परम भाव है और अस्तित्व में देखेंगे तो वास्तविकता भाव के रूप में ही है भाव मतलब भाव भाव से भाव है और मूल्य से मौलिकता है तो हर इकाई की मौलिकता है तो मौलिकता ही भाव है तो दोनों को ही एक साथ कह रहे हैं क्योंकि हर इकाई एक मौलिक है उसकी मौलिकता है यानी उसमें मूल्य है और वो है है का मतलब भाव भाव से ही भाव है उसी को जब शब्दों से करते हैं तो परिभाषा तथा परिभाषा सहज मौलिकता ही भाव है अस्तित्व में भाव वस्तु के रूप में होता है सभी भाव सहस्तित्व में होने के रूप में है शब्द केवल किसी क्रिया एवं वस्तु का नाम है तो जो वास्तविकताएं हैं उसका नाम है जबकि परिभाषा शब्द एवं क्रिया की मौलिकता को स्पष्ट करती है तत्पश्चात भाषा का रूप धारण करती है तो शब्द क्रिया केवल क्रिया की वस्तु का नाम है जबकि परिभाषा शब्द एवं क्रिया की मौलिकता को स्पष्ट करती है तो जो क्रिया है जो भाव है, है वो उसमें भाषा की क्या प्रयोग है उसका वर्णन कर रहे हैं तो आ, किसी वस्तु का नाम केवल शब्द है परिभाषा से उस क्रिया की मौलिकता स्पष्ट होती है और पूरी भाषा पैरा से दर्शन से पूरा जो अवधारणा है वो स्पष्ट होती है निश्चित क्रिया को निर्देश करने वाले शब्द की सार्थक संज्ञा है और इसके विपरीत शब्द की निरर्थक संज्ञा है तो अब सार्थक शब्द भी होते हैं शब्दों की एक महिमा है सार्थक शब्द का मतलब है जो भाव को स्पष्ट कर दें वो सार्थक शब्द हैं जो है को स्पष्ट करते हैं जो अभाव को इस हम हमारी भाषा में मा, मानव ने जो भी प्रयोग किए हैं अभी तक उनमें कुछ इस तरह के शब्दों का भी प्रयोग करते हैं जो जो है के अभाव को बताते हैं जैसे उसका प्रमुख उदाहरण अंधकार है तो अंधकार प्रकाश का अभाव है तो यहाँ पे सार्थक शब्द प्रकाश है उस अर्थ में निरर्थक शब्द अंधकार है उसी तरह से अज्ञान शब्द ज्ञान का अभाव है, है। दुख शब्द सुख का अभाव है समाधान एक सार्थक शब्द है वो है का है को निर्देशित करता है जबकि समस्या समाधान का अभाव है इस तरह से शब्दों को अगर देखेंगे तो सार्थक और निरर्थक शब्द के रूप में देख सकते हैं मौलिकता का निर्णय रूप गुण स्वभाव तथा धर्म के निरीक्षण परीक्षण तथा सर्वेक्षण से एवं अध्ययन के द्वारा होता है तो अब यहाँ मौलिकता का जब अध्ययन करते हैं तो क्या करना है शुरू में ही बताया था जिस इकाई की जैसी वास्तविकता है जैसी मौलिकता है जब जो जैसा है उसको वैसा ही समझना है वैसा ही जानना है ऐसा करते हुए मौलिकता का निर्णय मौलिकता का निर्णय कि, कि किस इकाई की क्या मौलिकता है उसका निर्णय उसकी स्वीकृति कैसे होगी तो रूप गुण स्वभाव और धर्म के निरीक्षण परीक्षण सर्वेक्षण परीक्षण और सर्वेक्षण का सबसे ज्यादा अच्छा मैंने बताया कि जब हम अध्यन के लिए आते थे तो हमारे साथ में योगेश उपाध्याय भाई भी आते थे वो इसको बहुत बढ़िया से रखते थे है ना कि जो रूप गुण स्वभाव धर्म है जो वास्तविकता है उसका जो अध्ययन हो हम कोई भी काय को स्वयं में कल्पनाशीलता में ला उसका देखते हैं उसके रूप को देख पहले तो रूप ही आता है फिर उसके क्या गुण हैं गुणों की अभी आगे चर्चा होगी पहले हम गुण को ही देखते हैं अध्ययन प्रक्रिया में इसको यहाँ पे भी ये बताना आवश्यक है कि अनुभूत मानव को तो मौलिकता दिखता स्वभावी दिखता है फिर वो दूसरों को संप्रेषित क्रम में होते हैं तो हमको पहले रूप ही दिखता है रूप तो जो अध्ययन में और अध्ययन में कोई ना कोई मानव किसी ना किसी स्थिति में लगाई होता है जिसको मध्यस्थ दर्शन का प्रस्ताव नहीं है वो भी ट्रायल एंड एरर मेथड से रूप का तो अध्ययन करता ही है तो आ, लेकिन हम जब अध्ययन की तरफ जाते हैं तो पहले निरीक्षण देखते हैं अपनी कल्पनाशीलता में लाते हैं उसका रूप देखते हैं उसके गुणों को देखते हैं और फिर धर्म और स्वभाव को पहचानने का प्रयास करते हैं यही हम परस्परता में भी परीक्षण करते हैं वस्तु के साथ अब अपने में स्वयं भी नहीं देखते उस वस्तु के साथ इंटरेक्ट करते हैं मानवों के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो इसको परीक्षण कह रहे हैं उसको देखने का प्रयास करते हैं उसी को सर्वेक्षण कह रहे हैं तो आकार आयतन घनता से रूप का सम विषम और मध्यस्थ से भेद से गुण का इकाई द्वारा गुण की उपयोगिता से स्वभाव का निर्णय होता है हर गुण की प्रयुक्ति केवल उद्भव विभव और हर गुण की केवल हर गुण की प्रयुक्ति केवल उद्भव विभव या प्रलय में ही है अतः हर इकाई का स्वभाव उद्भववादी विभववादी या प्रलयवादी स्वभाव की प्रवृत्ति के रूप में ही प्रस्तुत है यह क्या विकास या ह्रास के ओर ही है तो हमको हमने कहा कि जब अध्ययन होना है अगर अब अध्ययन हम कई बार इकाई से समग्रता की ओर और, और समग्रता से इकाई की ओर तो इकाई भी समग्रता में ही होता है जब हम अगर हमको आ, कार के पहिए का अध्ययन करना है तो बिना कार की अवधारणा के बिना कार की परिकल्पनाएं चाहे वो अस्पष्टी हो लेकिन कुछ छोटी मोटी कल्पना एक भास के रूप में हमको कार की होनी होगी तभी हम कार के किसी पुर्जे का अध्ययन कर पाएंगे उसी तरह अगर कार का फिर और अच्छे से अध्ययन करना है गहराई से तो फिर उसके एक एक पुर्जे का अध्ययन करना होगा किसी भी इकाई का इसी तरह अगर हमको संपूर्ण अस्तित्व समझना है तो संपूर्ण अस्तित्व में जो एक एक इकाई है जो चारों अवस्थाओं के रूप में है उसका अध्ययन करना होगा और एक एक इकाई -एक का अध्ययन कर तो वो एक एक इकाई अकेले में तो कोई इकाई है ही नहीं सब जुड़ी हुई हैं तो जब हम उसका अध्ययन करते हैं तो पूरे अस्तित्व का भी हमारे पास एक भास होना होगा यही क्रिया विकास या हिरास को कह रहे हैं तो पहले हमारे पास एक मोटे मोटे रूप में अवधारणा के रूप में परिकल्पना के रूप में विकास कम विकास जागृति कम जागृति का कोई एक मोटा खाका अपने पास होना होगा फिर हम उसमें एक एक इकाई का रूप गुण स्वभाव धर्म को देखते हैं जब हम रूप गुण स्वभाव धर्म को देखते हैं तो रूप तो आकार और आयतन के रूप में ही है फिर वो हर इकाई का एक दूसरे पर क्या प्रभाव है पहले हमको वही दिखता है इकाई में क्या स्वभाव है उसको हम उसका सम विषम और मध्यस्थ के रूप में सम का मतलब जो उद्भव की ओर मध्यस्थ का बने रहना विभव यानी कि बने रहना और प्रलय यानी जो ह्रास की ओर क्रिया है उसको हम देखते हैं और फिर जो विभववादी गुण है जब उसकी तरफ हम जा पाते हैं बने रहने में कौन सा गुण हमको दिखता है उसी को हम स्वभाव कहते हैं तो इस तरह हर इकाई के रूप गुण और स्वभाव धर्म का हम अध्ययन करते हैं तो उसी को आगे बात कीजिए जो जिसकी धारणा है वह उस इकाई का धर्म है तो धर्म की पहले बात देख लें तो ये हमको स्पष्ट होता ही है पदार्थ अवस्था का धर्म अस्तित्व है यानी कि पदार्थ अवस्था है उसके बने रहना उसका होना ही उसका धर्म है जिसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर भी बोलते हैं कि उसमें परिवर्तन होता है लेकिन वो बने रहता है प्राण अवस्था का धर्म अस्तित्व सहित पुष्टि है तो यानी कि पेड़ पौधों का धर्म है ये परिचय शिविर में और पहले भी चर्चा हुई गई हो गई होगी तो इसको मैं थोड़ा जल्दी से ही बता देता हूं कि पुष्टि उसका धर्म है ग्रोथ और जीव अवस्था का धर्म अस्तित्व के साथ पुष्टि के सहित जीने की आशा है और ज्ञान अवस्था का धर्म अस्तित्व पुष्टि जीने की आशा सहित सुख है जब हम गुणों के आधार पे स्वभाव को देखते हैं स्वभाव के आधार पे धर्म को देख पाते हैं धर्म को देखना स्वभाव को देखना ही साक्षात्कार है रूप और गुण को हम चित्र चित्रण में, में लाकर है ना उसका विश्लेषण करके हम पहचानने की प्रक्रिया को देखते हैं धारणा के अनुकूल चेष्टा को फिर से एक बात बात की अब जो ये धर्म है इसके अनुकूल चेष्टा जब हमें होती है उसको स्फुरन अथवा क्रांति और इसके प्रतिकूल जो चेष्टा होती है उसी को प्रतिक्रांति स्फूर्ण से समाधान और प्रतिक्रांति से समस्या की ओर गति है अब हमको ये जो चक्र बताया था कि अवस्था से व्यवस्था विवस्था से कर्म और, और अब यहाँ पे वो चक्र को तोड़ देखते हैं कि अगर को समाधान की ओर प्रेरणा प्राप्त करनी है कोई तो ना कोई स्फूर्ण या तो योग को हमें प्रेरणा प्राप्त होगी उससे हम फिर उस कुचक्र से जो ह्रास के कुचक्र से निकलकर विकास के चक्र की ओर चल पाएंगे तो मुझे लगता है कि आज हमने कहा था कि ये है ना तीन पेज पूरा करेंगे तो इसको हो चुका केवल मैं पढ़ देता हूँ चर्चा करेंगे आत्मा की प्रेरणा से संपन्न ये जागृत मानव में स्फुरन कैसे होगा जो आत्मे की प्रेरणा से अब वो जागृत मानव का स्फुरन होगा किस लिए होगा जागृत मानव का स्पुरन वो अति मानवीयता की ओर जागृति के लिए होगा उपकार के लिए होगा ये कैसे होगा जब उसमें आत्मीयता में जब उसमें परमानंद आनंद सुख शांति संतोष की स्थिति बनेगी तो उसके संकल्प इच्छा विचार और आशा स्व सापेक्ष है वो बाहर से नहीं है तो उसमें तो स्फुरण ही होता रहता है उसको प्रेरणा की आवश्यकता नहीं है ऐसा ही हम कह रहे हैं इसका डिटेल में आप सब ने ने हमारा साथ दिया थोड़ा इसमें विज्ञान की भी वो रही कि थोड़ा है ना कुछ शोध हुई तो व्यवधान के बावजूद भी आप सबने धैर्य पूर्वक इस सेशन में सहयोग दिया और मैं अपनी बात को रख पाया मुझे भी इसको बात को रखने में काफी प्रसन्नता का अनुभव कहूंगा वो तो ठीक नहीं लगेगा लेकिन भास आभास हो रहा है इस सभी के लिए आप जीवन मैंने सुबह के सेशन में एक लाइन आई है और उसमें ऐसा जिक्र किया था कि जो जागृत व्यक्ति है वो संप्रेषणा करता है तो वो भी मेधस के द्वारा करता है तो मेधस यानी मस्तिष्क ब्रेन है ना हमारे पास हमारी भाषा में कई शब्द हैं, जिसमें ब्रेन है माइंड है है ना सोल है आत्मा है तो हम यहां कह रहे हैं कि अस्तित्व में जो वास्तविकता है दो ही मुख्य इकाइया हैं, जड़ और चेतन और चैतन इकाई गठन पूर्ण परमाणु के रूप में है ना जिसको हम जीवन कह रहे हैं जीवन मन वृत्ति चित्त बुद्धि और आत्मा का संयुक्त स्वरूप है तो उसको हम जीवन कह रहे हैं और जीवन जो व्यक्त होता है वो शरीर के द्वारा होता है और जो कम्युनिकेट करता है वो मेधस यानी कि ब्रेन के द्वारा करता है इसका थोड़ा जिक्र और इस, इस चैप्टर में आगे भी है तो उसको जब वहां पर आएगा तो फिर से और थोड़ी चर्चा कर लेंगे है ना लेकिन इतना भी पर्याप्त होना चाहिए स्फुरन की बात मैंने बताई दी थी कि स्फुरन जो स्वयं से स्वयं की मैं आत्मा की प्रेरणा से स्वयं की प्रेरणा से जागृति की ओर गति होती है उस क्रिया का नाम अफुरन है तो क्रिया इंपॉर्टेंट है उसके लिए हम जो शब्द दे रहे हैं बाबा जी ने शब्द क्रिया और रूप क्रिया की बात की है तो आदरणीय नागराज जी ने भाषा की भी बड़ी सटीकता की ओर ध्यान दिलाया है अभी तक हम थोड़ा शब्दों को ढीलेपन में भी प्रयोग करते रहे लेकिन यहाँ पे बिल्कुल सटीकता के हर शब्द का एक निश्चित अर्थ है और उस अर्थ के साथ ही हम भाव को समझने का प्रयास करते हैं तो फिर एक स्वभाव तो हर इकाई का रूप गुण स्वभाव धर्म है तो स्वभाव का मतलब है जिस भाव में उस उस इकाई की निरंतरता है उस हर अवस्था का जो धर्म है वो पहले से परिचय शिविर में भी बताया जाता है यहाँ पे भी बता दिया होगा पदार्थ अवस्था का धर्म एग्जिस्ट करना यानी कि होना और प्राण अवस्था का धर्म पुष्टि होने के साथ ग्रो करना पुष्टि जीव अवस्था का धर्म होना और पुष्टि के साथ क्योंकि जब जीव अवस्था में जाते हैं तो जीवन और शरीर का संयुक्त स्वरूप हो जाता है तो उसमें जीने की आशा होती है उसका धर्म और शरीर के साथ में होना और पुष्टि तो बना ही रहता है मानव ज्ञान अवस्था का धर्म सुख से जीने की आशा है तो मानव का सारा प्रयास सुख से जीने की आशा में है और हर एक का जो धर्म है धर्म को सफल होने के लिए जो भाव की निरंतरता चाहिए उसी को स्वभाव कह रहे हैं तो जैसे जीव अवस्था में जीने की आशा तभी सफल होती है उसी के अनुरूप उसका स्वभाव है जो कि दीनता हिंता क्रूरता के रूप में रहता है क्रूर अक्रूर के रूप में रहता है और मानव में जो स्वभाव है अगर वो अजागृत मानव है भ्रमित मानव है तो दीनता हिंता क्रूरता के रूप में रहता है और अगर मानवीयता है क्रिया पूर्णता के साथ में मानव है तो धीरता वीरता उदारता के साथ में है अति मानव की अवस्था में है तो दया कृपा करना के साथ स्वभाव है और इन दोनों स्वभाव के साथ में मानव सुखी होता है और उसके फिर गुण प्रकट होते हैं इस तरह से गुण स्वभाव धर्म की चर्चा है तो एक ही प्रश्न था इससे मुझे लगता है मैं ये मानकर खुश होता हूं कि भाई जो मैं यहाँ पर ये सूत्रों की जितनी मेरी समझ बनी है उनकी व्याख्या कर रहा हूं तो सभी को समझ आ रहे होंगे ऐसे मानने में मुझे अच्छा लगता है तो मैं ऐसा ही मानता हूं क्योंकि प्रश्न एक ही है तो आगे बढ़ते हैं तो पृष्ठ जो मैंने बताया था सुबह फिफ्टी टू का आखिरी लाइन पे हम चर्चा कर रहे थे कि आत्मा की प्रेरणा से संकल्प और इच्छा विचार आशा स्वसापेक्ष स्फूरण है अब स्वसापेक्ष और पर सापेक्ष की बात है ना ये एक और बात स्पष्ट हो जाए कि अस्तित्व अस्तित्व तो है ये तो हम सब बार बार ये मंत्र है महामंत्र है इसको बार बार कहेंगे ही और इसी की ओर ध्यान जाना है और सहस्तित्व का मतलब है व्यापक सत्ता है जो क्रिया शून्य है और क्रिया शून्य के अलावा बाकी सब क्रिया ही है तो अब वो क्रिया है किसी इकाई में जो घटती है तो उसी अर्थ में शब्द और रूप को भी क्रिया गे. रूप का मतलब है जो गठन है जो भी क्रिया इकाई की रचना है गठन है वो उसका रूप है और उस जब गठन को उसके रूप गुण स्वभाव धर्म को संप्रेषित करते हैं तो शब्दों के द्वारा ही करते हैं परिभाषा के द्वारा करते हैं उसी को शब्द क्रिया कहा है तो एक एक भाषा की शैली है तो उस अर्थ में शब्द को भी क्रिया कहा है है ना तो आत्मा की प्रेरणा से जो संपन्न तो दूसरी लाइन में पढ़ लेते हैं तो इससे स्पष्ट होगा कि स्फुरन और स्फुरन के अलावा प्रतिक्रांति चैतन्य पक्ष की एक के अभाव से उत्पन्न संकल्प के नाम से इच्छा आशा एवं विचार पर सापेक्ष है पर सापे का मतलब है कि जड़ के प्रति जड़ के प्रति जो आसक्ति होती है शरीर से जो सुख पाने की जो प्रक्रिया है उसको पर सापेक्ष कह रहे हैं तो जब शरीर से सुख पाने का प्रयास रहता है तो उसमें मन चैतन्य पक्ष की एक सूत्रता का अभाव का मतलब है कि मन वृत्ति चित्त बुद्धि और आत्मा में एक सूत्रता नहीं होती है आत्मा का प्रभाव बुद्धि पर बुद्धि का चित्त पर वो तो सहस्तित्व के प्रभाव और चित्त का वृत्ति और मन पर पड़ा रहता है लेकिन मन क्योंकि शरीर से आस्वादन शरीर से मूलक आस्वादन संवेदनाओं को से सुखी होने का प्रयास करता है विषय में सुखी होने का प्रयास करता है तो मन और वृत्ति और चित्त में कोई एक सूत्रता नहीं होती है क्योंकि उनको आत्मा के प्रभाव की प्रेरणा भी स्वीकार नहीं होती है तो उस अर्थ में उनमें मन वृत्ति और चित्त में जो एक सूत्रता का अभाव है वो दुख अशांति और संतोष के रूप में रहता है इसी को पर सापेक्ष कह रहे हैं जो प्रतिक्रांति यानी ह्रास की और गति है जब आत्मा के प्रभाव से बुद्धि और चित्त और वृत्ति और मन पर पड़ता है उससे जो स्फुर्णन होता है उससे जो जागृति ओर गति बनती है उसको स्वसापेक्ष कह रहे हैं तो दर्शन को जैसे मैंने ध्यान दिलाया था मेरा जैसे इस पे ध्यान गया है कि दर्शन को होलोग्राफिक भी लिखा गया है यानी कि हर सूत्र में हर पेज पर पूरा का पूरा ही है अगर एक सूत्र की व्याख्या करेंगे तो पूरे दर्शन की ही व्याख्या करेंगे जिसमें विकास क्रम विकास सहस्तित जागृति क्रम जागृत संस्कृति सभ्यता विधि व्यवस्था यहाँ तक की बात होती है और और दूसरी तरह से देखेंगे तो जो व्यक्ति जो भी मान्यता रखता है सभी के लिए एंट्री पॉइंट हो जाए उस तरह से भी रिखा है और फिर से मैं याद दिलाऊं कि रिपीटेशन भी है जिसको मैं बाबा जी की दया के रूप में ही मानता हूं क्योंकि हमारा ध्यान एक बार से जाता नहीं है तीसरा एक और या चौथा एक और एंगल है कि बहुत सारे परंपरा में शब्द प्रयोग हुए हैं जैसे मोक्ष शब्द है तो कोई नया नहीं है पर मोक्ष शब्द से हम एक परंपरा से कुछ ना कुछ अर्थ मानकर बैठे ही है उसकी भी यहाँ पर स्पष्टता की है तो ऐसे बहुत सारे शब्द इस दर्शन में आएंगे जैसे आलोक है स्वसापेक्षता है परसापेक्षता है इन इन शब्दों को भी मध्यस्थ दर्शन की मूल वस्तु को रूप को कैसे देखें उस तरह से भी रिपीटेशन कई बार लगता है क्योंकि उन शब्दों को भी स्पष्ट किया गया है तो इस तरह से स्फुरन के साथ में पर, आ, एक किसी को यह लग सकता है कि भाई फिर पर सापेक्ष और स्वसापेक्ष के कहने की क्या आवश्यकता है क्योंकि परंपरा में ये कहीं ना कहीं शब्दों का प्रयोग हुआ है तो जिन्होंने उन शब्दों को सुना है तो उसका क्या अर्थ है ऐसा मन में अगर बनता है तो उस मन में जिज्ञासा पैदा होती है या कौथल भी होता है तो वो पूरा हो जाता है तो दर्शन को लिखने का कई एंगल से लिखा है और मेरी ऐसी स्वीकृति है कि इस पर कोई टिप्पणी करने की या फिर और इसके टीकाएं करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है क्योंकि दर्शनवाद शास्त्र में सभी एंगल और सभी कोणों को पूरा कर लिया गया है फिर भी क्योंकि अध्ययन होता है तो अध्ययन तो मिलकर ही होता है ये अध्ययन प्रक्रिया है तो हम शब्द से अर्थ और अर्थ से वस्तु को पहचानने की जो क्रिया है वो अध्ययन है और उसको हम उसके पहले पड़ाव में पठन के रूप में और शब्द से अर्थ का शब्द से अर्थ को पहचान रहे सापेक्षता में विश्राम तथा पर सापेक्षता में यहां पर उसको स्पष्ट किया है जड़ पक्ष के साथ आसक्ति में श्रम का प्रसव है हमको श्रम अपने में कब एहसास होता है तो ये जो पर सापेक्षता का कार्यक्रम है शरीर मूलक विधि से स्वयं को शरीर मानकर जो सुखी होने का प्रयास है वो आदि से अंत तक उसमें श्रम का ही प्रसव है यानी श्रम का ही एहसास होना है श्रम का शुरू में वर्ड यूज किया गया था अनुभव पर वो उस अर्थ में अनुभव नहीं है अपने में देखने के अर्थ में ही है एहसास के अर्थ में ही है तो हम बहुत श्रम कर रहे हैं श्रम के लिए ही अभी विश्राम के लिए श्रम तो तब शुरू होता है जब हम अध्ययन के लिए प्रेरित हो जाते हैं तो जब तक पर सापेक्षता में जीते हैं यानी स्वयं को शरीर मानकर शरीर को ही से ही संवेदनाओं और विषयों से सुखी होने की प्रयास करते हैं तो उसमें श्रम रहता ही है क्यों श्रम रहता है मानव इकाई की आशा और उपलब्धि के बीच में ऋणात्मक स्थितियां ही श्रम है तथा धनात्मक ही समाधान है क्यों श्रम का प्रश्न है क्यों श्रम बना रहता है क्योंकि हम मानव की की इकाई आशा और उपलब्धि उपलब्धि तो हम सुख की चाहते हैं निरंतर सुख की चाहते हैं और हम पर सापेक्षता सा मूलक विधि से जी रहे होते हैं तो वो ऋणात्मक स्थिति बनी रहती है वो स्थिति निरंतर सुख की उपलब्ध नहीं होती एट बेस्ट क्षणिक सुख मिल जाता है क्षणिक तो उसको भी हम सुख कहें वैसे तो संवेदनाओं का आस्वादन ही होता है पर फिर भी जीवन को उसमें क्षणिक सुख तो भाजता ही है परंतु अपेक्षा आशा विश्राम की है निरंतर सुख की है वो प्राप्त नहीं होता है तो वो ऋणात्मक स्थिति बनी रहती है इसीलिए श्रम है श्रम का विश्राम तभी होता है विश्राम की स्थिति की जब हम काम कम करें और फल अधिक मिल जाए जैसी उपलब्धि चाहते हैं उपलब्धि अधिक हो जाए तो वो अध्ययन से ही होती है थोड़ा अध्ययन करते हैं जब जीवन मूलक विधि से जीते हैं मूल्य मूलक विधि से जीते हैं तो वहां पे जो भी प्रयास करते हैं उपलब्धि प्रयास से कहीं अधिक होती है तो वो धनात्मक स्थितियां बनती हैं और फिर स्वयंपेक्षता में विश्राम का प्रसव होता है स्वयं में विश्राम दिखाई पड़ता है तो धनात्मक स्थितियां ही समाधान है और ऋणात्मक स्थितियां श्रम है है ना तो मानव सुख धर्मी है ये, ये ये भी एक महामंत्र है कि मानव का सारे प्रयास सुख के लिए है समाधान बराबर सुख समस्या बराबर दुख ये इसकी चर्चा हम परिचय सिर से अब तक करते रहे हैं। तो जब धनात्मक स्थितियां ही समाधान है कि हमको हर स्थिति परिस्थिति में कैसे हम समाधान पूर्वक जी जब हमको सभी जीने के सभी आयामों में सभी हमारे पास उत्तर होते हैं उसी स्थिति का नाम समाधान है जब हम समाधान पूर्वक जीते हैं तो निरंतर सुख के साथ जी पाते हैं और निरंतर सुख के साथ जीते हैं तो उपलब्धि रहती है तो ऋणात्मक स्थिति बनती नहीं है धनात्मक स्थिति ही बनी रहती है तो हम निरंतर विश्राम में ही रहते हैं अन्यथा तो श्रम है अब हम सुबह भी बात कर चुके हैं कि ये जो चैप्टर में एक दोनों बातें कही गई हैं कि विश्राम की स्थिति समाधान की स्थिति चार स्तर पर है एक तो स्वयं के स्तर पर मानव चार स्तरों में पाया जाता है स्वयं में परिवार में समाज में और प्रकृति अंतरराष्ट्र में है ना? तो ये चारों स्थितियों में ही हमको विश्राम की आवश्यकता है उसके लिए जागृति की परंपरा की आवश्यकता है एक मानव जागृत हो जाता है तो फिर क्या करना है एक मानव जागृत हो जाता है तो अन्य मानव भी जागृत हो पाए उस स्थिति को पाने के लिए जो संस्कृति सभ्यता विधि व्यवस्था की आवश्यकता है उसकी बात है वहां पर भी धनात्मक स्थितियां बने ऋणात्मक स्थिति का मतलब है कि दूरी का बढ़े रहना जो उपलब्धि चाहते हैं और जो आशा है उसके बीच में दूरी है सही बात है और ऋणात्मक है धनात्मक स्थिति का मतलब है कि उसमें हमारी पॉजिटिविटी आ गई यानी कि कम श्रम से अधिक उपलब्धि प्राप्त हो रही है तो वो विश्राम की स्थिति बनती है इसमें और ज्यादा है ना ऋण धन से दूरी कम दूरी शायद उस तरह से एक्सप्लेन नहीं हो पाएगी परंतु इस तरह से इसको देख सकते हैं परंतु मैं उस लिंक को फिर से कहूं तो अब ये तो आदरणीय नागराज जी ने अनुसंधान विधि से इस समाधान को प्राप्त किया इस शिक्षा को प्राप्त किया जो हमारे सामने प्रस्तुत है परंतु ऐसी सभी की स्थिति नहीं है कि घर बार छोड़कर है ना ऐसी अनुकूलता भी नहीं और आवश्यकता भी नहीं एक बार अनुसंधान हो जाता है अब थॉमस एलवा एडिसन ने स्वप्रयोग करके एक बल्ब को खोज निकाला उसके बाद किसी को स्वप्रयोग करने की जरूरत नहीं पड़ी उसके बाद तो बल्ब की फैक्ट्रियां लग गई और केवल फैक्ट्रिया ही नहीं विद्युत से प्रकाश पाने के जितने भी उपकरण हो सकते हैं आजकल तो एलईडी है और है ना बहुत एफिशिएंट मेथड है तो वही मानव जाति की परंपरा है कि आगे की पीढ़ी आगे ही होती है जो भी अनुसंधान होता है उसको और अच्छे से, से कैसे कर लिया जाए तो इसी तरह से अभी आदरणीय नागराज जी ने है ना अमरकंटक के जंगलों में अपने परिवार के साथ में 20 साल साधना की जो भी उस समय उपलब्ध विधियां उपलब्ध थी उनके द्वारा ही की जो भी परंपरा में समाधि संयम का प्रावधान था उसको लेकर अपने गुरु जी अपने माता पिता की आज्ञा से किया और सबके सामने ये अनुसंधान हमारे लिए उपलब्ध हो गया पर अब हमको भी वैसा ही करना है हालांकि वो सबके पास स्वतंत्रता होती ही है परंतु उन्होंने हमारे लिए एक एक बढ़िया शिक्षा विधि दे दी है जिससे मानव परंपरा में जागृति की परंपरा बन जाए और आने वाली पीढ़ियों को ये सुगमता से उपलब्ध हो जाए तो उसके लिए ही संस्कृति सभ्यता विधि व्यवस्था की बात हुई उसी की बात को आगे बढ़ा रहे हैं कि ये सुख धर्मी है तो कैसे मानव कब उसके लिए क्या किया जाए तो उसके लिए वो कह रहे हैं मानव द्वारा प्राप्त कर्तव्यों का सुख के पोषणवादी रीति व नीति का पालन करना ही धर्म नीति है तो हम धर्म नीति की बात करते हैं राज्य नीति की बात करते हैं अर्थनीति की बात करते हैं अभी भी राजनीति या राजनीति हालांकि उसको पॉलिटिक्स बोलते हैं राज्य नीति और धर्म नीति यानी कि सदुपयोग सुरक्षा तो ये बातें पिछले चैप्टर में भी हुई होंगी इन नीतियों की आवश्यकता है धर्म नीति के द्वारा सुख की पोषण तो धर्म नीति में क्या आना है कि जिस भी प्रकार से ये इन प्रकार हर मानव वसुधैव कुटुंबकम के अर्थ में सभी मानव सुखी हो सके हैं। सभी के लिए ऐसी रीति नीतियां बन जाए और उससे जो भी रीति नीतियां होंगी उससे जो कर्तव्यों का अगर हम पालन करते हैं तो एक से अनेक ते सुखी होने का प्रावधान हम कर सकते हैं ये हमारे लिए आवश्यक भी है हमारे खुद के सुखी होने के लिए भी यही प्रक्रिया है और इसका बाई प्रोडक्ट के रूप में आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुखी होने का प्रावधान हो जाएगा उसी की यहां पे वो अलग अलग एंगल से चर्चा कर रहे हैं हमारा ध्यान आकर्षण करा रहे हैं मानव द्वारा सामाजिक एवं प्राकृतिक नियमों के अनुसार व्यवहार की पोषणवादी रीति तथा बौद्धिक नियमों के अनुसार विचार एवं आचरण की व्यवहार नीति संज्ञा है इसको पूरा पढ़ लेते हैं व्यावहारिकता में रीति का पालन होते तो देखा जाता है पर नीति का पालन होते हुए भी और नहीं होते हुए भी पाया जाता है तो बढ़िया ध्यान आकर्षण है कि अब जब हम मानवीय परंपरा में जीते हैं तो जो भी जिस समय समाज की यथास्थिति होती है उस समय सामाजिक और प्राकृतिक नियमों के अनुसार जो पोषणवादी रीति है उसका अनुसार पालन करने की कर सकते हैं और बौद्धिक नियमों के अनुसार जो पहले वर्णन कर चुके हैं उनके अनुसार विचार एवं आचरण की व्यवहार नीति संज्ञा है तो नीति और रीति समाज में स्थापित होती है व्यवहारिकता में देखने जाते हैं तो रीति का पालन होते तो देखा जाता है पर नीति का पालन होते हुए भी और नहीं होते हुए भी पाया जाता है अभी मैं हमारे एक मित्र हैं जैसे राकेश गुप्ता जी हैं अजय भाई हैं साधन भाई हैं सोम भाई हैं हम सभी चर्चा करते रहते हैं मनन गोष्ठी में उसी में हमारे एक मित्र हैं श्याम भाई मैं इन रीति रिवाज और किसी संदर्भ में उनसे चर्चा कर रहा था एक बार तो उन्होंने बताया कि एक उदाहरण लेकर उनका एक बहुत फेमस उदाहरण है चर्चा में बता रहे थे कि देखिए अगर रीति और नीति को समझने का प्रयास करते तो एक उदाहरण हम जन्म से लेकर मृत्यु तक बहुत सारे रीतियों का रिवाजों का चलन है उसमें से सबसे अधिक जो जो भी जिनका अभी विवाह हो चुका है उन्होंने देखा ही होगा कि भारतीय परंपरा में विवाह के लिए सात फेरे का प्रावधान है अगर आप क्रिश्चियनिटी में जाएंगे बाहर जाएंगे तो चर्च के अंदर वो प्रतिज्ञा लेने का प्रावधान है तो सात फेरा लेना एक रीति है बीच में अग्नि की साक्षी में अभी हम में से अगर निरीक्षण करें कि हमको कितना को याद है कि हमने वो सात फेरे तो लिए लेकिन क्या वचन एक दूसरे को दिए पति पत्नी को हमने क्या क्या प्रतिज्ञाएं ली तो पाएगा कि इतना तो याद है कि भाई रात के दो ढाई बजे है ना जब भी शुभ मुहूर्त होता है हम धुएं से और है ना भूख से त्रसित साथ फेरे ले रहे थे है ना और कुछ पंडित जी कह भी रहे थे लेकिन उन्होंने क्या कहा और हमने तो ये रीति का पालन तो हमने किया परंतु उसके पीछे जो व्यवहारिक रीति है जो बौद्धिक नियम है जो हमने एक दूसरे को वचन और प्रतिज्ञाएं दी तो ये निरीक्षण करने की बात है कि हम में से कितनों को याद है मैंने भी बहुत बार प्रयास किया है वो पंडित वाला तो मुझे याद नहीं है लेकिन बाद में मैंने किसी और का सुना तो सोचा कि कम से कम एक बार याद तो कर लिया जाए कि भाई है ना तो व्यवहार में फिर पालन तो उसका अक्सर होते हुए भी देखा जाता है और नहीं होते हुए भी देखा जाता है नीतियों का पालन इस तरह हम देखेंगे तो ये तो विवाह एक उदाहरण है ऐसे हम बहुत सारे रीतियों का पालन करते हैं मृत्यु पश्चात कुछ अपने पूर्वजों के लिए कुछ करते हैं मानवीय परंपरा में शिक्षा की प्रारंभ के करने के लिए कुछ करते हैं तो इस तरह अगर देखेंगे तो रीतियों का पालन होते हुए तो ज्यादातर अक्सर देखा ही जाता है परंतु नीति का पालन होते हुए और नहीं होते दोनों पाए जाता है अब कह रहे हैं कि जिसमें सुख की पोषणवादी नीति पूर्ण नीति पूर्ण मतलब अब ऐसी नीतियां जिनमें पूर्ण विचार हो यानी जागृति का जागृति पूर्ण विचार हो अगर ऐसी नीति में अभाव ही शोषण का कारण है अगर नीतिपूर्ण विचार का अभाव नीतिपूर्ण विचार का अभाव है तो उससे शोषण है जो पर दुख कारक होता है ऐसी नीतियों से जो रीतियां बनती हैं उससे एक दूसरे का शोषण करते हैं तो सभी दुखी होते हैं आगे बढ़ते हैं परिवार समाज तथा व्यवस्था दत्त भेद से कर्तव्य को स्वीकारने तथा इसे निष्ठा नियम एवं सत्यता पूर्वक पालन करने पर ही मानव में विशेष प्रतिभा का विकास हर स्तर पर है अर्थात पारिवारिक सामाजिक तथा व्यवस्था के साथ सफलताएं इसके विपरीत स्थिति में प्राप्त प्रतिभा तथा सफलता भी निरस्त होती है तो यहाँ पर हमारा ध्यान आकर्षण है कि अगर हम पूर्णता के अर्थ में सत्यता पूर्वक है ना जो नीतिपूर्ण विचार है उसको अगर देखते हैं तो परिवार समाज और व्यवस्था दत्त भेद से जब हम कर्तव्य स्वीकारते हैं संस्कृति समाज शिक्षा के अर्थ में या उत्पादन के अर्थ में उसको स्वीकारते हैं उसमें निष्ठा लगा रखते हैं निष्ठा का मतलब निश्चित उसको पूरा करने की प्रतिज्ञा करते हैं उसके अनुसार जो नियम है उनका पालन और सत्यता पूर्वक करते हैं तो हम में परिमार्जन होता है हर स्तर पर प्रतिभा यानी कि ज्ञान आता है और इस तरह से हमको आगे आगे हम बढ़ते जाते हैं हमें जागृति आगे बढ़ती जाती है उसके विपरीत अगर हम सामाजिक पारिवारिक स्तर पर अगर शारीरिक मूलक कोई हम पद भी पा लेते हैं धन इकट्ठा कर लेते हैं इस तरह की सफलताएं भी मिल जाती हैं तो ये सफलता भी निरस्त हो जाती है अगर पूर्णता के अर्थ में इस तरह की नीतियां नहीं है तो तो जो हमारी सांसारिक सफलताएं वो भी निरस्त हो जाती है क्योंकि उससे पोषणवादी नीतियां रीतियां नहीं बन पाती हैं एक से अनेक के सुखी होने का संस्कृति सभ्यता या विधि व्यवस्था का हम निर्माण नहीं कर पाते हैं तो सांसारिक सफलताएं निरस्त हो जाती हैं दूसरे का प्रभाव परस्परता की आवश्यकता तथा अवस्था पर निर्भर करता है प्रभावित होते ही है सस्तित्व का प्रभाव है उसके साथ साथ में एक दूसरे का भी प्रभाव है आवश्यकता तथा अवस्था का प्रादुर्भाव जागृति क्रम के अनुसार है जो हमने पहले एक सूत्र पढ़ा था कि अवस्था के अनुसार ही संवेग और व्यवस्था और कर्म होता है उसी तरह दूसरे का प्रभाव भी परस्परता की आवश्यकता और अवस्था पर ही निर्भर करता है और आवश्यकता और अवस्था का प्रादुर्भाव जागृति क्रम में जो जो भी मानव की जो स्थिति है वैसी ही उसकी आवश्यकता होगी है ना? तो जैसे पदार्थ से ही इन्होंने शुरू किया है विकास क्रम विकास जागृतिक्रम जागृति बार बार ध्यान दिलाएंगे क्योंकि अध्ययन की वस्तु और मानव को समझने की वस्तु विकास सहस्तित विकासक्रम विकास, विकास जागृतिक्रम जागृति ही है और उसमें जो सिद्धांत है वो श्रम गति परिणाम है तो उसी का फिर से यहाँ पर जिक्र आ है पदार्थ का विकास एवं उसकी अवस्था उस इकाई की गति श्रम तथा परस्परता के दबाव पर निर्भर करती है जिससे संगठन विघटन तथा परिणाम होता है तो मानव पर भी आएंगे तो दूसरे का प्रभाव क्योंकि जागृति क्रम के अनुसार है तो विकास पर भी ऐसा ही है पदार्थ का विकास यानी परमाणु में जो विकास होता है उसकी अवस्था और उसी काई की गति श्रम तथा परस्परता के दबाव पर निर्भर होती है तो पदार्थ में जो विकास होता है वो श्रम गति पहले भी इसको एक्सप्लेन किया है और मुझे लगता है हमारे साथियों ने भी उसको एक्सप्लेन किया ही होगा सृष्टि दर्शन में भी और मानव सहज प्रयोजन में भी तो पदार्थ का स्वभावी है संगठन और उसमें परमाणु के स्तर पर जब हम देखते हैं तो श्रम गति परिणाम से दो अंशों का परमाणु है वो इसका गठन है उसका एक आचरण है उसको गति कह रहे हैं उसके गठन है उसको परिणाम कह रहे हैं और उसमें आगे बढ़ने की चेष्टा है यानी कि सहस्तित्व का जो उसमें प्रभाव है वो है ही और परस्परता का भी प्रभाव है उससे उसमें विकास की गति होती है और उससे संगठन और विघटन के आधार पर पहुंचते पहुंचते अनेक अनेक गठन बनते हैं अनेक अनेक, अनेक है ना उनके आचरण बनते हैं और उसके बनते बनते एक स्थिति विकास की बनती है जिसको अगले सूत्र में बताया गया है तो क्या होता है परस्परता का दबाव और जिस तरह से सहस्तित्व का दबाव होता है सहस्तित्व में पदार्थ अवस्था में दबाव होता है ऐसी मानो में भी होता है उससे जागृति क्रम होती है तो दोनों को अगर एक साथ संयोग एक साथ देखेंगे तो क्या सूत्र निकल के आता है उसको देख लेते हैं इसके मूल में यह ध्यान रखना है कि हम एक व्यक्ति ने जो जागृति की स्थिति है समाधान की स्थिति है वो अनुभव मूलक विधि से अवधारणा बोध की स्थिति के लिए प्रयास है जागृति के लिए प्रयास है और अनुभव गामी अनुभव मूलक विधि से जो अवधारणा बोध होता है और अनुभव मूलक विधि से फिर हम जो हमको विधियां प्राप्त होती हैं वो समाज में उसका हम संप्रेषणा करते हैं तो शिक्षा संस्कार विधि व्यवस्था का प्रादुर्भाव होता है उसकी स्थापना होती है वो सारी प्रक्रिया ही एक से अनेक सूत्रों में उनको अलग अलग तरह से बताया गया है तो संगठन एवं विघटन भेद से रूप रूप भेद से विकास विकास भेद से क्षमता क्षमता भेद से माध्यम माध्यम भेद से अवस्था अवस्था भेद से आवश्यकता आवश्यकता भेद से चेष्टा चेष्टा भेद से प्रगति प्रगति भेद से फल परिणाम फल परिणाम भेद से योग भेद से ही संगठन एवं विघटन और समाधान एवं समस्या है तो यहां पे दोनों बातों को एक साथ कर रहे हैं जड़ और चैतन्य प्रकृति में इसको हम लेकर देखेंगे क्योंकि समाधान और समस्या तो ने हमारा साथ दिया है सुबह केवल एक बारी हुआ इस बार भी मैं अपेक्षा रखता हूं क्योंकि जितना शोध कर सकता मैं उतना किया जहां पर अच्छे से अच्छे मिल सकता है तो सठन और विठन भेद से रोक तो पदार्थ अवस्था की बात कर रहे हैं जड़ की बात कर रहे हैं जड़ में संगठन और होते ही रहता है और उसी भेद से रूप होता है तो रूप भेद से ही विकास तो पदार्थ अवस्था में देखेंगे परमाणु के स्तर पर देखेंगे तो उसमें विकास की प्रक्रिया है जो संगठन और विघटन के भेद से है ना और उसी भेद से विकास होता है विकास भेद से क्षमता तो जो विकास की स्थिति है वो चैतन्य की स्थिति है तो जड़ में ही विकास होते होते एक स्थिति बनती है कि वो चैतन्य हो जाता है एक परमाणु और उस विकास वेद से ही क्षमता है क्षमता वेद से माध्यम है तो चैतन्य परमाणु की क्षमता भिन्न है और जड़ परमाणु की क्षमता भिन्न है जड़ परमाणुओं में, में जो क्षमता है उसमें गतियां हैं कंपनात्मक गति है और उसमें जो अभिव्यक्ति होती है मूल रूप से जो जड़ पदार्थ विद्युत ताप ध्वनि के रूप में प्रकट होता है लेकिन चैतन्य आशा विचार इच्छा के रूप में प्रकट होता है तो विकास भेद से यह क्षमता बदल जाती है जैसे ही चैतन्य विकसित होता है क्षमता भेद से माध्यम तो जैसी क्षमता होती है वो वैसे ही माध्यम का प्रयोग करता है तो इसमें विकसित चैतन्य है तो चैतन्य जड़ का माध्यम का प्रयोग करता है अभिव्यक्त होने के लिए माध्यम भेद से ही अवस्था है अब जैसा माध्यम चैतन्य लेता है अब यहाँ पे अवस्था चारों अवस्थाओं के आधार पे या जीव अवस्था है ना तो जिस जिस भी शरीर से वो प्रकट होता है तो या तो जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था, अवस्था का माध्यम यानी शरीर को चलाता है अवस्था भेद से ही आवश्यकता है तो जीव अवस्था है तो उसकी आवश्यकता तो, तो आहार निद्रा भे थुनी है उसको जीने की आशा के साथ वो जीता है और लेकिन अगर ज्ञान अवस्था की आवश्यकता कहेंगे तो उसकी आवश्यकता सुख है उसकी आवश्यकता विश्राम है अवस्था भेद से ही आवश्यकता बनती है और जैसी आवश्यकता होती है वैसे ही चेष्टा करता है आवश्यकता भेद से ही चेष्टा होती है तो हम देखेंगे जीव अवस्था की सारी चेष्टा जिंदा रहने के लिए उसका सारा प्रयास चाहे वो फाइट हो या फ्लाइट हो अपना जिंदा भर रहने के लिए करता है जबकि मानव के समस्त प्रयास के मूल में देखेंगे तो विश्राम या सुख के लिए है समाधान के लिए है उसी से जैसी जितनी चेष्टा करता है उतनी ही प्रगति मिलती है है ना अगर हम जिंदा रहने के लिए प्रयास करते हैं तो वो हमने मानव जाति ने पाया भी है हमने जिंदा रहने के लिए प्रयास किया तो हम हमारी पॉपुलेशन इस बात का सबूत है कि हम काफी अच्छे से जिंदा हैं हालांकि वो जिंदा रहने के क्रम में हम भटक भी गए हैं और अब जिंदा रहने पर क्वेश्चन मार्क खड़ा भी कर दिया है है ना तो इसको भी ध्यान रखना है कि जिंदा रहना भी हमारा सफल तभी हो पाएगा जब हम हमारा सुखी होना सफल हो पाएगा इसकी तरफ भी बार बार इसमें ध्यान आकर्षण होता ही है प्रगति भेद से ही फल परिणाम मिलता है कि जितनी प्रगति करते हैं जितना जितना हम चेष्टा करते हैं उतनी ही प्रगति होती है और वैसा ही फल परिणाम मिलता है फल परिणाम भेद से ही हमको योग होता है या तो हम अच्छे लोगों से मिलते हैं जागृति और या फिर वियोग होता है और योग और वियोग के भेद से ही जड़ में संगठन और विठन होता है और चैतन्य में समाधान और समस्या तो यहाँ पर मानव की बात करेंगे मानव योग मतलब आ, आ, दो तरह का योग है एक तो जागृत मानव के साथ योग और शरीर के साथ तो योग हो ही गया है तो उस योग से अगर हम जागृत मानव के साथ हम योग में रहते हैं तो समाधान की स्थिति को प्राप्त करते हैं और अन्यथा में समस्या को प्राप्त होते हैं तो फिर से एक पूरे विकास क्रम विकास से जागृति क्रम जागृति तक की बात कर दी है और इसी को अगर हम देखेंगे तो जब मानव जाति में इसको देखेंगे तो जब मानव साथ साथ आता है तो उसमें योग आता है तो हम समाधान के अर्थ में ही अगर साथ साथ आते हैं उसी का नाम परिवार और समाज है तो जीवन को जागृति के लिए माध्यम तो माध्यम की बात हुई के रूप में मानव शरीर उपलब्ध है ये बात हम कर ही चुके हैं तो जीवन जागृत होना चाहता है सफल होना चाहता है विश्राम को पाना चाहता है उसको ये जो हमारा शरीर है जड़ शरीर है कि प्राण अवस्था की इकाई के रूप में ही है इसको माध्यम के रूप में प्रयोग करता है इसी के लिए कहा है, इसमें जो सबसे विकसित अंग है वो मेधस है तो जीवन जो पहले बात हुई मेधस से ही संप्रेषित मेधस के द्वारा ही जीवन संकेतों को ग्रहण करता है और संकेतों के द्वारा ही संप्रेषणा करता है आगे बढ़ते हैं चार अवस्थाओं कि सृष्टि का वर्णन पूरा किया जा चुका है यानी पदार्थ अवस्था प्राण अवस्था जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था ये किया जा चुका है इसमें पदार्थ अवस्था का धर्म अस्तित्व तथा ज्ञान अवस्था में सुख धर्म सिद्ध हुआ है बिल्कुल ठीक बात है अस्तित्व का अभाव किसी भी की अस्तित्व का अभाव किसी भी काल में नहीं है ऐसा निरीक्षण परीक्षण तथा सर्वेक्षण से सिद्ध हो चुका है अब ये बाबा जी को सिद्ध हो चुका है हमको सिद्ध करना बाकी है कि हमको भी ऐसा हो जाए कि अस्तित्व नित्य वर्तमान है तभी उसका कभी भी किसी काल में अभाव नहीं है यहाँ पर जो प्रचलित एक विज्ञान की मान्यता है कि कभी अस्तित्व का प्रारंभ हुआ तो एक बिग बैंग तो हमारे पास सामने दोनों प्रस्ताव हैं हम दोनों जा सकते हैं मैंने बहुत कल्पना करने का प्रयास किया कि भाई ऐसा कोई समय हो सकता है कि जब अस्तित्व ना हो व्यापक ना हो पदार्थ ना हो एक साथ तो हम कहते हैं कि पदार्थ का संरक्षण का नियम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर है तो ऐसा हो नहीं सकता कि मैटर को पूरी तरह से नष्ट किया जा सके क्योंकि वो उसका धर्म है अगर नष्ट नहीं हो सकता है तो बनाया भी नहीं जा सकता है ऐसा भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर में कहा है तो ना बनना है ना बिगड़ना है केवल उसका रूप परिवर्तन होते रहता है तो ऐसा लगता है कि कभी ऐसा कल्पना में आता नहीं कि अस्तित्व ना हो ऐसा कोई समय रहा होगा तो ऐसा निरीक्षण करने से तो लगता है है ना इसको अपन भी जांचते रह सकते हैं अस्तित्व की कल्पना पदार्थ के अभाव में सिद्ध नहीं होती साथ ही पदार्थ के ससीमित होने के कारण इसकी सर्वव्यापकता सिद्ध नहीं होती तो पदार्थ अस्तित्व की कल्पना पदार्थ के अभाव में सिद्ध नहीं होती है अस्तित्व क्योंकि व्यापक तो नित्य निरंतर है ही और साथ साथ में उसकी पदार्थ हर जगह नहीं है तो उसकी व्यापकता भी सिद्ध नहीं है तो अस्तित्व से अस्तित्व के रूप में ही है जिसमें पदार्थ यहाँ पर चार अवस्थाओं के रूप में बताया गया है और साथ साथ में व्यापक भी है सुख अब सुख ज्ञान अवस्था का धर्म है तो सुख एक वैचारिक तथ्य है बुद्धि के अभाव में विचार तथा ज्ञान के अभाव में बुद्धि की क्रियाशीलता सिद्ध नहीं होती है सुख सृष्टि सहज सर्वोत्कृष्ट सृजन मानव इकाई का धर्म है जहां कहीं भी पदार्थ नहीं है वहां मानव को ले जाने पर भी सुख धर्मिता का अभाव मानव में नहीं पाया जाता है नहीं पाया गया इसीलिए सुख का आधार ज्ञान संपन्नता सार्वदेशिक सिद्ध हुआ क्योंकि जो नहीं है उसकी उपलब्धि संभव नहीं है इस प्रकार ज्ञान सर्वव्यापक सिद्ध हुआ ज्ञान ज्ञाता द्वारा ज्ञ सहित मानव परंपरा में प्रमाणित होता है सर्व मानव ज्ञाता होने योग्य है तो सुख समाधान है विचार है यह बात ठीक है कि सुविधा शरीर के लिए है लेकिन सुख हमको हमारी मानसिकता में ही है वैचारिक तथ्य का मतलब है कि हमारी मानसिकता में हम विचारों में ही सुखी दुखी हो जाते हैं बुद्धि के अभाव में विचार तथा ज्ञान के अभाव में बुद्धि की क्रियाशीलता सिद्ध नहीं होती है तो सुखपूर्वक यानी समाधान पूर्ण विचार के लिए बुद्धि में ज्ञान की आवश्यकता है और बुद्धि के अभाव में विचार और जब तक बुद्धि में ज्ञान नहीं होगा तो समाधान पूर्वक विचार भी नहीं होगा ऐसा कभी सिद्ध नहीं हुआ है कि बुद्धि में बोध के अभाव में ज्ञान आदमी सुखी हो जाए ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है तो सुखी होने के लिए विचारों में समाधान के लिए बुद्धि में ज्ञान का होना आवश्यक है अब और सुख तो सर्वोत्कृष्ट सृजन मानव इकाई को सर्वोत्कृष्ट कह रहे हैं तो सुख सृष्टि से सर्वोत्कृष्ट सृजन मानव इकाई का धर्म है जहां कहीं भी पदार्थ नहीं है अगर भी मानव को ले तो भी मानव में सुख धर्म नहीं जाता है इससे ऐसा लगता है ऐसा सिद्ध होता है कि मानव में हमेशा हमेशा सुख धर्म है क्योंकि अगर हर जगह पर उसमें सुख की अभिलाषा सुख की अपेक्षा पाई जाती है तो उसी की उपलब्धि संभव है जो है इस तरह से ज्ञान सर्व व्यापक सिद्ध हुआ क्योंकि ज्ञान से ही सुख होता है और सुख की अपेक्षा हमेशा ही है तो ज्ञान का प्रभाव यानी कि जिसको व्यापक कह रहे हैं सहस्तित्व कह रहे हैं उसका व्यापक ताप हर जगह है उसमें ये प्रभाव बना ही रहता है जिसके प्रति उसका सुख के सुख की अपेक्षा सुख की आशा बनी ही रहती है और ये ज्ञान से ही प्राप्त होता है और फिर कह रहे हैं और मानव परंपरा में ही प्रमाणित होता है हम सुखी शरीर के साथ मानव परंपरा का मतलब है कि शरीर और जीवन का संयुक्त स्वरूप बने रहना जिसमें मानव एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी और उससे अगली पीढ़ी बनी रहे उसमें ही प्रमाणित होता है जीवन जी, ऐसा कई बार शिविर में पूछते हैं कि भाई कल भी मैंने इस बात को रखा था कि जीवन जीवन को ही समझा दे ऐसी कोई साइंटिफिक तरीका नहीं है और विवेक को विज्ञान सम्मत होना ही आ, हम शरीर के द्वारा टेक्नोलॉजी के द्वारा विज्ञान के द्वारा ही संप्रेषित हो पा रहे हैं एक दूसरे से तो सर मानव ज्ञाता होने योग्य हैं। यह भी बात सही है कि कोई विरला नहीं है ऐसा नहीं है कि सुखी होना क्योंकि सभी सुखी होना चाहते हैं तो अस्तित्व में सभी के सुखपूर्वक जीने की सुखी होने की व्यवस्था है सभी मानव ज्ञाता को प्राप्त करना और ये तो सहस्तित्व है इसको समझ सकते हैं इसीलिए सहस्तित्व में अनुभव ही पूर्ण ज्ञान है तो पूर्ण ज्ञान क्या है हमने पहले बात की अवधारणा क्या जो सहस्तित्व में सत्यानुभूति होती है उसी को अनुभव कह रहे हैं आत्मा में अनुभव का हो जाना ही पूर्ण ज्ञान है वो ज्ञान का प्रभाव बुद्धि में होता है उसी को बोध कहते हैं बुद्धि का प्रभाव चित्त में होता है उसी को प्रतीति कहते हैं उसी को चिंतन कहते हैं और जब वो उसका प्रभाव वृत्ति में होता है वही सुखपूर्वक समाधान पूर्वक विचार है और उसी का फिर मन मूल्य मूलक और लक्ष्य मूलक यानी ज्ञान का आस्वादन फिर मन कर पाता है है ना तो ये प्रक्रिया है सिद्धि होने के लिए इस रीति से पदार्थ अनादि तथा ज्ञान भी व्यापक सिद्ध होता है इससे ये पता चलता है कि जो ऊपर बात की गई कि भाई मानव है हमेशा हमेशा है तो पदार्थ भी अनादि का मतलब है पदार्थ भी हमेशा हमेशा से है और व्यापक भी हमेशा हमेशा से और व्यापक है और, और ज्ञान भी हमेशा हमेशा है यानी व्यापक ही ज्ञान है इस रीति से सह अस्तित्व नित्य वर्तमान है तो हमारा हमको सुखी हुए बिना कोई है ना रास्ता नहीं है क्योंकि अस्तित्व है ही और हम है ना खत्म हो जाए ऐसा कोई प्रावधान अस्तित्व में है नहीं तो हमारे पास दो ही रास्ते हैं या तो हम सुखपूर्वक जीने के लिए प्रतिबद्ध हो जाएं या दुखपूर्वक जीते रहें इसके अलावा तीसरा ऑप्शन नहीं है ना क्योंकि अस्तित्व नित्य वर्तमान है अस्तित्व से बाहर जाया नहीं जा सकता कहां जाएंगे भाग कर है ना कुछ लोग शरीर हत्या का है ना जब सुखी नहीं हो पाते हैं सुख की आशा टूट जाती है तो देह हत्या कर लेते हैं आत्महत्या तो कर नहीं सकते हैं परंतु उनको क्या पता है कि दूसरी देह उनके लिए तैयारी है फिर अभी यहां से छोड़ के जाएंगे तो फिर से दूसरे शरीर के साथ में फिर वही प्रयास करना है तो किसी भी उम्र में है किसी भी स्थिति में है सुख के लिए प्रयास अध्ययन की प्रक्रिया कभी भी, भी प्रारंभ की जा सकती है ये ये बहुत बढ़िया एक हमारे पास संभावना है उपरोक्त संदर्भ में यह भी स्पष्ट हो जाना आवश्यक है यह स्पष्ट हो जाना आवश्यक है कि पदार्थ अवस्था में संगठन और विघटन की जो प्रक्रिया पाई जा रही है वह संकेत देती है कि समूह का होना समूह की ओर पदार्थ का आकर्षित होना उसका घनीभूत होना इस प्रकार से आकर्षण का नियम सिद्ध होता है सिद्ध है अब ये पूरे अस्तित्व में तो सिद्धांत तो है कि श्रम गति तो जड़ में परमाणु में जो श्रम और गति है वो विकास के लिए है और विकास हो गया चैतन्य में श्रम और गति है वो विश्राम के लिए है तो उसमें भी संगठन और विघटन की जो क्रिया पाई जा रही है यानी कि समूह की ओर होने की ओर संकेत दे रही है तो पदार्थ आकर्षित हो रहे हैं तो इसका मतलब अस्तित्व में आकर्षण का नियम तो है ही है ना तो आकर्षण का नियम पदार्थ में भी है ठीक इसी प्रकार प्राण अवस्था में भी है कि वो समूह के साथ साथ में उनमें पुष्टिकरण भी होता है पूरकता के अर्थ में प्रक्रिया भी परिलक्षित हो रही है यथा एक प्राण अनेक अनेक खनिज द्रव्यों को एकत्रित कर लेता है और साथ ही उनमें रचना भी सिद्ध कर देता है इससे हमें यह प्रेरणा मिलती है कि अस्तित्व के लिए हर प्राणी अपने ढंग से पूरकता रचना एवं उपयोग में व्यस्त है तथा उसमें कुलीनता के प्रति तीव्र निष्ठा या अक्षुण निष्ठा भी निष्ठा भी सिद्ध होती है क्या बात कह रहे हैं तो इस सिद्धांत को देख रहे हैं कि ये पूरे विकास क्रम विकास में और जब हम संगठन और निरीक्षण परीक्षण सर्वेक्षण करते हैं तो हम पाते हैं कि समूह का होना भी एक आवश्यक प्रक्रिया पाई जा रही है क्योंकि आकर्षण का नियम है ही है ना तो हम कह रहे हैं कि डूबे भीगे गिरने से हर इकाई है ना चुंबकीय बल संपन्नता उसमें है ही तो चुंबकीयता है ही आकर्षण का नियम है ही तो उस आकर्षण के नियम से वो समूह बनने की प्रक्रिया बनी रही है वो पदार्थ अवस्था में भी बन रही है प्राण अवस्था में बन रही है तो इससे प्रेरणा मिलती है कि वो मानव में भी है मानव भी समूह की तरफ बनाने की ओर अग्रसर होता ही है पर उसमें कुलीनता के प्रति निष्ठा कुलीनता का मतलब श्रेष्ठता यानी कि समाधान समृद्धि को प्रमाणित करने की परंपरा बन जाना मानव में उसकी अक्षुण निष्ठा भी सिद्ध होती है है ना इसी सिद्धांत के आधार को अगर इसको एक्स्ट्रा करेंगे एक्सटेंड करेंगे जो पदार्थ में चुंबकीयता आकर्षण है ना संगठन के ओर आकर्षित कर रहा है प्राण अवस्था में एक रचना के रूप में दिख रहा है दोनों में परिवार और समाज के रूप में दिख रहा है और परिवार और समाज में भी जो उसका उत्कृष्ट रूप है वो कुलीन है कुलीन कुलीन परिवार कुलीन समाज मतलब ऐसा परिवार जिसमें समाधान समृद्धि यानी सुख प्रमाणित होता है ऐसा समाज जिसमें सुख प्रमाणित होता है जिसमें रीति और नीतियां सुख के पोषणवादी हैं उसको कुलीनता कह रहे हैं अब अभी फिर से उसी बात की तरफ ध्यान कह रहे हैं है ना अभी किसी ने अब ये तो है ना बाध्यता है कि आगे फोन को देखकर बात करना ही है और हमारे मित्रों के जो कमेंट आ जाते हैं तो नजर तो पड़ी जाती है हालांकि वो कमेंट इतने थोड़े समय के लिए होता है उसको पूरी तरह पढ़ना और समझना थोड़ा सा आ, मुश्किल होता है अभी मेरा टेक्नोलॉजी के साथ इतना अभ्यास नहीं है अनंतर तो हो सकता है हम आगे आगे जैसे बढ़ेंगे और ऐसे सभी की निष्ठा होगी तो ये कैसे इस तकनीकी के माध्यम से भी हम इसको इंटरेक्टिव अगर कर पाते हैं तो यह भी अच्छा होगा पर ये आगे की बात है अभी तो जैसा चल रहा है उसी को कितना अच्छा किया जाए वैसे करते हैं तो अनंतर जैसे ही परमाणु विकसित होकर चैतन्य पद में संक्रमित होता है वह भार बंधन वह अणुबंधन से यानी समूह बंधन से मुक्त हो जाता है पर तत्काल ही आशा बंधन से युक्त हो जाता है ये आशा मात्र जीने की ही रहती है तो यही एक प्रश्न आया कि भाई ये भार बंधन और तो अनुबंधन से कैसे मुक्त हो जाता है तो हम देखते हैं कि अणु जो बनते हैं वो परमाणु से बनते हैं है ना जैसे हाइड्रोजन का परमाणु है और वो क्लोरीन के परमाणु से मिल जाता है तो हाइड्रोजन क्लोराइड बना देता है उसी तरह से अगर हम हम उसी तरह से अगर हम कहते हैं कि Uh, मेरा अभी ध्यान गया है अनुभवगामी विधि और अनुभव मूलक विधि उसको फिर से ए, मैं एक बार फिर से ले लूंगा हमारे पास थोड़ा समय है पर ए, इसको पूरा कर लेते हैं उसके बाद में इसको ले लेंगे जी तो जैसे ही परमाणु विकसित होकर चेतन पद में होता है तो हाइड्रोजन मिलता है क्लोरिन के साथ तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के एटम के साथ मिलता है तो हाइड्रोजन ऑक्साइड बनाता है हाइड्रोजन ऑक्साइड बनाता है अब बनात जीवन परमाणु ऐसा है कि वो किसी भी और परमाणु के साथ नहीं जुड़ता है तो जीवन क्लोराइड नहीं बनाएगा जीवन नहीं बनाएगा ऐसा ऐसा नहीं बनाता है पर तो वो ऐसे समूह है समूह अनु बनाने की जो प्रक्रिया है यानी अनुबंधन से किसी को अनुबंधन कह रहे हैं अनु बनाने की जो प्रवृत्ति है तो मूल रूप से जो भार है वो परमाणु में होता है और परमाणु में जो आ, नाभिक है उससे होता है अब इसमें कोई भार ही नहीं होता है यह भी है कि भार बंधन से मुक्त हो जाता है इसकी गठन ऐसा होता है कि इसके केंद्र में केवल एक अंश होता है और और बाकी चारों परिवेश में सात अंश होते हैं तो यह गठन की यह महिमा है कि यह भारहीन हो जाता है और भारहीन होता है तो भार के कारण ही आकर्षण होता है यह सूत्र आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा भार के कारण या आकर्षण के कारण भार होता है तो आकर्षण से मुक्त हो जाता है ये भार से भी मुक्त हो जाता है तो अणुओं से ये बंधन नहीं बनाता है परंतु इसमें आशा बंधन हो जाता है आशा 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 बंधन क्या है कि जीने की आशा जीने की की और सुख से तो जीवन में ऐसा नहीं होता है कि वो किसी दूसरे अणु या परमाणु से जुड़े लेकिन वो जुड़ना तो चाहता है क्योंकि उसमें सुख से जीने की आशा है तो वो रचना से जुड़ता है और माध्यम बनाता है शरीर को तो जब केवल जीने की आशा बनती है तो जीव अवस्था के शरीरों को चलाता है कुत्ते को चलाएगा बिल्ली को चलाएगा शेर को चलाएगा चीते को चलाएगा ऐसा अनेक शरीर को चलाएगा लेकिन जब सुख से जीने की आशा में परिमार्जित होता है तो मानव शरीर को चलाता है तो फिर जो समूह बनाता है वो परिवार के रूप में समाज के रूप में बनाता है क्योंकि सुख की आशा को पूरा करना चाहता है इस तरह से सुखपूर्वक जीने के लिए बंधन समूह बनाता है वो अणु और परमाणुओं के समूह से मुक्त हो जाता है इससे ज्ञात होता है कि वर्तमान में मानव जिस समुदाय में सामाजिकता को पाना चाहता है उसके मूल में भय ही है अभी प्राकृतिक भय और उसकी बात की थी क्योंकि जीने की आशा उसमें रहती है अभी तक जब तक जागृत परंपरा नहीं बनती है तब तक तो जीने की आशा ही है और जीने की आशा में भय बनाई रहता है क्योंकि मरने का भय और क्योंकि स्वयं को शरीर मानता है और शरीर को विचरित होते हुए देखता ही है बाल सफेद हो जाते हैं बुजुर्ग होता है और देखता रहा है कि जब जब जीव के शरीर को चलाया है तो शरीर को छोड़ना ही पड़ा है कोई हिरन है तो शेर खाई जाता है शेर है तो अब अः प्राकृतिक विधि से, से शरीर छूट ही जाता है और तो दुखी उससे वो जीने की आशा में बाधा दिखती है तो प्रारंभिक यात्रा तो समूह बनाने की यात्रा भी वो भय से मुक्त होने के लिए ही करता है इससे ज्ञात होता है कि वर्तमान में मानव जिस समुदाय में यानी जो समूह बनाता है और उसमें सामाजिकता को पाना चाहता है उसके मूल में भय से मुक्त होना ही इसके निवारण की प्रक्रिया आशय या प्रवृत्ति मानव में है इस भय से मुक्त होने की प्रक्रिया से ही वो चेतना के में परिमार्जन के लिए प्रयास करता है इससे यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि मानव ज्ञान वेग विज्ञान पूर्वक गुणों व स्वभाव के उपार्जन से अपनी मौलिकता सिद्ध करता है अब पूरी बात को जोड़ रहे हैं अभी यहाँ पे जो पूरी निर्भ्रमता ही विश्राम है और सत्य बोध और अवधारणा की बात की थी तो इसको करते हैं तो इसके मूल में ज्ञान यानी सत्यबोध होना ज्ञान और उसको मानव मानव के साथ जो संबंध है उसके उसको जीना विवेक लक्ष्य को समाधान समृद्धि को पहचान लेना विवेक और उसके लिए जो भौतिक रासायनिक नियम है उनके पालन करते हुए विवेक सम्मत सम्मत विवेक सम्मत विज्ञान इन तीनों में जो सामरसता है उसके पूर्वक ही अपने गुणों और स्वभावों में परिमार्जन करता है और जो अपनी मौलिकता है जो अपना धर्म है सुख पूर्वक जीना उसको सिद्ध करता है इसी के लिए पूरी सामाजिकता है इसी परिपेक्ष में योजना बनाता है योजना एवं प्रक्रिया पूर्वक केवल मानवीयता अति मानवीयता और अमानवीयता का ही रेखाकरण सिद्ध होता है तो ये पूरे प्रक्रिया में जो सामुदायिकता है और सामाजिकता है अगर हम भयवश एक साथ जुड़ेंगे भय और अभी हमारा जो जुड़ना है ज्यादातर हम निरीक्षण परीक्षण सर्वेक्षण देखेंगे तो परिवार और समाज इकट्ठे होते हैं प्राकृतिक भय से मुक्त होने के लिए मानव में जो अमानवीयता है उससे मुक्त होने के लिए और और जंगली जानवरों से भय उससे मुक्त होने के लिए हम इकट्ठा होते हैं अब तो आजकल तो आइसोलेशन में भी चले गए हैं है ना कोई एक ऐसा भय आ गया है कि भाई है ना सोशल डिस्टेंसिंग करनी पड़ेगी तो फिर भी जिस भी समूह में तो है ही और ये जब हम इसको मानवीयता और आति मानवीयता के आधार पर समूह को देखते हैं तो वही सामाजिकता है जिसमें विधि और संस्कृति सभ्यता विधि व्यवस्था जागृति के अर्थ में है और केवल अगर जिंदा रहने के अर्थ में है तो वो पशुओं के समान ही है हम समूह में तो हैं लेकिन वो भय वसी है और जिंदा रहने के अर्थ में ही है और अध्ययन भी सामाजिकता का इसी अर्थ में है इस प्रकार संपूर्ण मानव को एक जगह में पाने की तथा एक जगह में होने की इच्छा के मूल कारण में उसका सुख धर्मी होना है तो भयसे मुक्त होना भी सुख के लिए ही है है ना सभी भय से प्राण भय धन भय पद भय भे, सभी भयों से वो मुक्त होना चाहता है मान भय से भी मुक्त होना चाहता है तो इसके मूल में जो इच्छा तो भय से मुक्त होने की है यानी कि सुखी होने की है पर सुखी होना भी प्रमाणित हुआ नहीं है सभी मानव सुख के लिए प्रत्याशी हैं कि यानी सभी सुखी हो सकते हैं है ना ऐसा नहीं कि सभी कैंडिडेट हैं सुखी के लिए और सुख के लिए प्रयास कर रहे हैं, सर्व मानव सुख का अनुभव करना भी चाहते हैं इसी केंद्र बिंदु के आधार पर सभी पक्षों का अध्ययन नीति व्यवहार में निष्ठान्वित होना एक आवश्यकता है तो ये इस चैप्टर में कि हम सारा प्रयास विश्राम के लिए कर रहे हैं सुख के लिए कर रहे हैं वो सर्व शुभ हो तो ये हमारा पठन तो पूरा हो गया है ना इसमें एक कमेंट जो भी आया है क्योंकि अब मेरा सेशन मैंने आपके साथ में जो ये दो दिन है ना चार घंटे बीते हैं बड़े अच्छे बीते हैं मुझे कई बातों पे फिर से अपना ध्यान गया है तो मैं अनुभव मूलक और अनुभवगामी विधि एक कमेंट आया है उसको फिर से बता देता हूं शॉर्ट में जो इसमें बताया भी गया है अनुभव मूलक का मतलब है अनुभवगामी का मतलब है कि जब अनुभव के लिए हम कोई प्रक्रिया को अपनाते हैं अनुभव पाने के लिए अवधारणा के लिए सत्य बोध के लिए जब प्रक्रिया को अपनाते हैं उसको अनुभवगामी कह रहे हैं जिसमें अध्ययन है पठन है और उसके अनुसार मान्यतापूर्ण आचरण के अनुसार जीना है ये सब कुछ प्रक्रियाएं हैं ये आगे भी आएंगी पर फिर से एक बार तो इसको हम अनुभवगाम विधि कहते हैं अनुभव मूलक विधि का होता है जब स्वयं में अनुभव है और उस अनुभव के अनुसार जब हम, हम हमारा विचार चलता है तो उसको अनुभव मूलक विचार कहते हैं और विचार उस विचार के आधार पर योजना बनाते हैं तो अनुभव मूलक योजना कहते हैं उसको पूरा करने के लिए जो हम कार्य व्यवहार कहते हैं वो मानवीय आचरण है तो अनुभव मूलक विधि से जब संप्रेषना करते हैं तो वो अगली पीढ़ी के लिए अनुभवगामी होती है और उसके आधार पर दूसरी पीढ़ी में अनुभव होता है तो अनुभव मूलक विधि से जब संप्रेषना होती है तो जो, जो अजागृत मानव है उनके लिए वो प्रेरणा का काम होता है और उससे फिर अजागृत मानव में भास अभास प्रती तो होते अनुभव की प्राप्ति होती है कुछ सूचनाएं मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं तो अभी के लिए अनुभवगामी और अनुभव को मैं इतना ही रखूंगा अपेक्षा रखता हूं कि कुछ तो विपिन भाई आपको बात पहुंची होगी है ना और देखिये इसको तो हम भी अभी भी अध्ययन करते रहते हैं तो और तो कोई काम नहीं बताया जब तक अवधारणा नहीं होते इसको बार बार मैंने जैसे कहा कि बाबा जी की ये दया कृपा करना है कि बार बार इसी को ही रिपीट करना है अनुभव क्या है साक्षात्कार क्या है जो लोग 20 साल से लगे हुए हैं वो भी तीस साल से लगे हुए वो भी इन्हीं को पहचान रहे हैं और जो आज अध्ययन करना शुरू कर रहे हैं उनको भी यही पहचानना है कि ये साक्षात्कार बोध अनुभव आखिर है किस वस्तु का नाम क्या वास्तविकता है हम में ये कैसे घटित होगी और इसको घटित कराने के लिए जो सर सुलभ हो विधस और जीवन मैंने सुबह के सेशन में एक लाइन आई है और उसमें ऐसा जिक्र किया था